السلام عليكم الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشْرَحْ لي صدري وَيَسِّرْ لي أمري وَحْلُ الْأُقْدَةَ من لساني يفقه قولي اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله أيه ماري الله موت لا إله إلا الله پر سابت قدم رکھئ. अमीन या आलमीन पारा नंबर सोलह सूर मरियम से शुरू करेंगे इनशाला बिस्मल रहमान रही विक्रहमति रबी का अबरिया इबह नि खर मरियम जो है मक्की सूरत है और आप इसमें देखेंगे कि अल्लाह का नाम रहमान जो है ये बार बार आएगा और अगर आप इसकी अरबी को पढ़ें तो आपको इसमें एक खास रिदम महसूस होता है तो सूर मरियम के लिए कहा जाता है कि सूर्य मरियम कुरान की उन सूरतों में से एक सूरत है कि जिसको अगर सही तिलावत के साथ पढ़ा जाए तो ये दिल पर बहुत इम्पेक्ट करती है मुकत् आज से शुरू हो रही है काफ हा या आन जिक्र है उस रहमत का जो तेरे रब ने अपने बंदे जकरिया पर की थी जबकि उसने अपने रब को चुपके चुपके पुकारा था बता दिया गया कि दुआ के लिए जो है इंसान को दिल ही दिल में भी पुकारना जायज है बुलंद में भी पुकार सकता है अपने रब को तन्हाई में पुकारे अकेले में पुकारे यहाँ इन्होंने लिख दिया क्या बताया गया कि चुपके चुपके पुकारा निदा अन खफिया और इंसान दुआ में क्वांटिटी की फिक्र ना करे क्वालिटी की फिक्र करे दुआ की सिफत बताई जा रही है एक कि दुआ को इंडिविजुअली भी मांगा जाए तो अल्लाह ताला सुन लेते हैं बल्कि दुआ इंडिविजुअली मांगी जाए तो अल्लाह ज्यादा कुर्बत से सुनता है अल्लाह ने शुरे बकरा में कहा है आयत 186 में वह इरा सा अला फनी करीब अल्लाह ने कहा है कि जब मेरा बंदा आपसे मेरे बारे में सवाल करे तो मैं तो करीब ही हूँ तो दुआ की सिफत बता दी गई कि दुआ को कैसे पुकारो अल्लाह को दिल ही दिल में भी पुकारोगे तो भी अल्लाह सुन लेगा अल्लाह को प्रेशराइज करने की क्वांटिटी से कोशिश ना करो अल्लाह दिल की क्वालिटी देखता है उसकी तरफ इशारा किया गया हाँ ये जरूर बताया गया है अदीस के अंदर की अल्लाह गाफिल दिल की पुकार नहीं सुनता तो गफलत के साथ दुआ नहीं मांगनी चाहिए की हम मेके पढ़ते रहे दुआ पढ़ी नहीं जाती दुआ मांगी जाती है उसने अर्ज किया ए परवरदिगार मेरी हड्डियाँ तक घुल गई है और सर बुढ़ापे से भड़क उठा है ए परवरदिगार मैं कभी तुझसे दुआ मांग कर नाम मुराद नहीं हुआ अंबिया की एक लेगेसी आ रही है अंबिया की विरासत आ रही है अंबिया की विरासत आपको मालूम है कि दौलत नहीं हुआ करती थी खजाने नहीं हुआ करते थे इल्म हुआ करता था और अंबिया की विरासत में से तो जो हिस्सा आपको और मुझे मिला है वो दुआओं की शक्ल में मिला है जो दुआएं हमें कुरान में मिलती हैं अंबिया की तो कीमती चीज की तरफ आपको और मुझे इशारा किया गया जैसे अंबिया दुआ मांगा करते थे अपनी किसी हाजत के लिए तुम तो भी मांगो दुआ इनके पास औलाद नहीं थी तो इन्होंने भी अल्लाह से दुआ की मुझे अपने पीछे अपने भाई बंदों की बुराइयों का खौफ है और मेरी बीवी बांझ है तो मुझे अपने फजल ने खास से एक वारिस अता कर जो मेरा वारिस भी हो और आले याकूब की मिरास भी पाए यहाँ भी कौन सी मिरास की बात है उसी मिरास की जो कि नबूवत की मिरास है दौलत की बात नहीं है अम्बिया की मिरास उनका इल्म होता है अम्बिया का हेरिटेज उनका इल्म होता है ए परवरदिगार उसको एक पसंदीदा इंसान बना अपनी औलाद के लिए दुआ कर रहे हैं जिसको अभी तक अल्लाह ताला ने इनको नवाजा भी नहीं कि अल्लाह ताला उससे तू राजी हो जा तो इससे पता चलता है लमा कहते हैं कि इंसान को अपनी दुआओं के अंदर अपनी औलाद के लिए दुआएं जरूर शामिल रखनी चाहिए अपनी प्रायोरिटी में इस चीज को भी शामिल रखें और दुआ जो होती है वो हकीकत है कि इंसान की जिंदगी का एक अक्स होती है हम जो दुआ मांग रहे होते हैं उससे पता चलता है कि हमें जिंदगी में किन चीज़ की प्रायोरिटीज हैं हम सिर्फ दुनिया मांगते रहेंगे तो इसका मतलब है कि दुनिया हमारे हाफासों पर छाई हुई है हम अगर दुनिया के साथ साथ आखिरत भी मांगेंगे तो अल्लाह की रहमत से हम उस कैटेगरी में शामिल हो जाएंगे जो दुनिया मिल जाती है तो खुश रहते हैं नहीं मिलती तो भी खुश रहते हैं जवाब दिया गया यानी अल्लाह की तरफ से उनको हुक्म आ गया ए जकरिया हम तुझे एक लड़के की बशारत देते हैं जिसका नाम याहिया होगा अल्लाह अल्ला ने इनको ना सिर्फ औलाद की बशारत दी बल्कि उनको बेटे का नाम भी तजवीज कर दिया और ये भी बता दिया कि बेटा होगा बे गुलामी निसमहू या हमने इस नाम का कोई आदमी इससे पहले पैदा नहीं किया अर्ज किया परवरदिगार भला मेरे यहाँ बेटा कैसे होगा जबकि मेरी बीवी बांझ है और मैं बूढ़ा होकर सूख चुका हूँ यही कॉन्टेक्स्ट जो है पूरे का पूरा आप आले इमरान में भी पढ़ पढ़ाई हैं जवाब मिला ऐसा ही होगा तेरा रब फरमाता है कि ये तो मेरे लिए एक जरा सी बात है आखिर इससे पहले मैं तुझे पैदा कर चुका हूँ जबकि तू कोई खास चीज ना था यहाँ बता दिया गया इशारा क्या किया गया कि हर नॉर्मल बच्चे का पैदा होना ही असल में मुजजा है अगर आप पूरी प्रेगनेंसी को देखें और आप पूरे डिलीवरी के प्रोसीजर को देखें तो अल्लाह ताला तो बताना चाह रहे हैं कि एक नॉर्मल बच्चे का पैदा होना भी एक मजजे से कम नहीं होता लेकिन क्योंकि ये इतना कॉमनली चीज हो रही होती है तो हमें मुजजा नहीं लग रही होती जकरिया सलाम को जब कन्फ्यूजन हुआ यकीन नहीं आया तो फिर उन्होंने अल्लाह तला से कहा अल्लाह ने तो कहा कि ऐसा ही होगा जकरिया ने कहा परवरदिगार मेरे लिए कोई निशानी मुकर कर दे उनको यकीन नहीं आ रहा या तो खुशी की हालत में यकीन नहीं आ रहा या उनको रिसोर्सेस जो हैं, वो अपने साथ जो हैं मुवाफिक नहीं लग रहे कि उम्र भी बड़ी है बीवी बांझ है और कैसे ये पूरा होगा कहीं ये मेरी विशफुल थिंकिंग कर, तो नहीं है कि मैं ऐसा सोच रहा हूं तो अल्लाह मेरे लिए कोई निशानी मुकर कर दे फरमाया तेरे लिए निशानी ये है कि तू पे हम तीन दिन लोगों से बात ना कर सके चुनाचे वो मेहराब से निकलकर अपनी कौम के सामने आया और उसने इशारे से उनको हिदायत की कि सुबह शाम तस्बी करो तो हमें पता चलता है कि खुशी का मौका आए तो हमें कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करना चाहिए अब टू कट इट शॉर्ट सलाम पैदा हो गए बड़े हो गए और अल्लाह तला ने बताया ए अल्लाह तला ने उनको भी नबूत दी उनसे कलाम किया किताब इलाही को मजबूत थाम थामले खुजिल किताबू हुआ किताब को मजबूती से थाम लो यानी उस पर अमल करो उसको अपने अमल में ले आओ हमने उसे बचपन ही में हुक्म से नवाजा था बचपन से मुराद क्या है मतलब जैसे ही वो बड़े हुए मिच्योर हुए जैसे ही उनकी प्यूबर्टी शुरू हुई तो जरा सीरियस किस्म के बच्चे थे वो खेलने कूदने वाले इस तरह के बच्चे नहीं थे सीरियस बच्चे थे हुक्म से नवाजा था और अपनी तरफ से उसको नरम दिली और पाकिजगी अता की थी और वो बड़ा परहेजगार और अपने वालदेन का हक शनास था वो जब्बार ना था और नाफरमान ना था व सलाम उन्ही याऊ मावोलिदा व याऊ मा यामोतू व याऊ मायूब सलाम उस पर जिस रोज के वो पैदा हुआ और जिस दिन वो मरे और जिस रोज विंदा करके उठाया जाए उल्ला कहते हैं कि ये तीनों ऐसे औकात हैं जो कि इंसान के ऊपर वहशत के वक्त होते हैं एक जो उसका बर्थ एक्सपीरियंस है बच्चे के लिए भी बड़ा टफ एक्सपीरियंस होता है दूसरा मौत का जिक्र किया गया व यमा यमूतू और तीसरा महशर के दिन का जिक्र किया गया जिस दिन के इंसान उठाए जाएंगे तो तीनों बड़े वहशत के वक्त हैं उस चीज की तरफ इशारा कर दिया गया कि इन तीनों वहशत के औकात के ऊपर अल्लाह ने उनके ऊपर सलामती भेजी है उनके ऊपर ये खौफ तारी नहीं करेगा ऐसा वक्त अल्लाह ने उनको सल्यूट किया है दुनिया में किसी को 21 तोपों की सलामी दी जाती है तो हम बड़ा खुश होते हैं कि भाई क्या बात है क्या वैल्यू है क्या प्रोटोकॉल मिल रहा है तो अल्लाह ताला की तरफ से जिसको इतना बड़ा ऑनर मिल जाए उसका क्या काम अल्लाह ने उस पर सलामती भेजी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस किताब में मरियम का हाल बयान करो जबकि वो अपने लोगों से अलग होकर शर की गोशा नशीन हो गई थी और पर्दा डालकर उनसे छुप कर बैठ गई थी यानी हेकल में जब थी और रिवायात में आता है कि इनकी उम्र 12 से 13 साल की थी बाइबल में आपको बाइबल के मुख्तलिफ वर्जन के अंदर आपको ये बात मिलती है तो टीन एज की में जो आ गई समझ लें तेरह साल की है एक टीन एज बच्ची के लिए मरियम अल्लाम के अंदर बेहतरीन रोल मॉडल मौजूद है मरियम अल्लाम ने अपने जिसम को अपनी समाज को अपनी बसारत को अपनी फैकल्टीज को अल्लाह के रास्ते में दे दिया अल्लाह के रास्ते में इस्तेमाल किया और माहौल जो उनको मिला हैकल का वो भी बहुत अच्छा सेंटिफाइड माहौल था प्योर माहौल था तो उनकी खूबियों के अंदर अल्लाह ने और परवान चढ़ाया पर्दे डालकर छुपकर गई मतलब वो वहां हैकल में रहकर इबादत किया करती थी दुनिया के मामला से अलग थी इस हालत में हमने उसके पास अपनी रूह को यानी फरिश्ते को भेजा और उसके सामने वो एक पूरे इंसान की शक्ल में नमोदार हो गया मरियम सलाम में क्यूंके तकवा था हया थी इल्म था तो बता दिया गया कि अब उनका रिस्पांस आगे क्या हुआ मरियम यकयक यक बोल उठी अगर तू कोई खुदा तर्स आदमी है तो मैं तुझे खुदाए रहमान की पना मैं तुझसे खुदाए रहमान की पनाह मांगती हूँ यानी बता दिया गया कि इंसान की हया जो है वो उसके किरदार से छलकती है यानी घबरा गई इसलिए कि अकेले रहा करती थी वहां बाहर के लोग नहीं आया करते थे सिर्फ जो इनके गार्जियन थे वही लोग आया करते थे जब इन्होंने किसी इंसानी शक्ल में एक फरिश्ते को देखा तो इनको तो मालूम नहीं था कि फरिश्ता है तो इन्होंने कहा कि मैं अल्लाह की पनाह में आती हूँ उसने कहा मैं तो तेरे रब का फरिस्तादा हूं और इसलिए भेजा गया हूँ कि तुझे एक पाकिजा लड़का दू मरियम ने कहा मेरे यहाँ कैसे लड़का होगा जबकि मुझे किसी बशर ने छुआ तक नहीं है और मैं कोई बदकार औरत नहीं हूँ उनको कैसे मालूम हुआ हम इतना परेशान हो जाएं कि 12 साल की बच्ची 13 साल की बच्ची कैसे बड़ों वाली बातें कर रही है इम जो है वो इंसान के अंदर मेच्योरिटी लेकर आता है इल का एक्सपोजर अगर इंसान को हो जाए तो उससे इंसान के किरदार में डिसेंसी आनी चाहिए ना कि इंसान के किरदार के अंदर उसकी वजह से वो एक अजीब तरह की जो है जिसको हम फेमिनिटी कहते हैं वो हमें हया का तमाशा लगता है कि किसी मर्द को देखा किसी कमरे में अपने आ गए तो एकदम से दुबट्टा मड़ोड़ा और उसके बाद जो है वो आंखें अपनी बटरफ्लाई की तरह चपका रहे हैं और परेशान हो रहे हैं कि कैसे बात करूं बात ही नहीं करने आ रही हकला रहे हैं समझ नहीं आ रही मुंह से जुमले ही नहीं अदा हो रहे ये हया का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है हया कॉन्फिडेंस लेकर आती है हया इंसान के अंदर डिग्निटी लेकर आती है और हया ये बताती है कि मर्द और, और औरत के दरमियान गुफ्तगु की जाएगी तो किस अंदाज में और किस सीरियस तरीके से और किस डिग्निफाइड तरीके से गुफ्तू की जाएगी तो एक ग्रेस का डिग्निटी का और कॉन्फिडेंस का कॉम्बिनेशन आपको मरियम अलसलाम में नजर आएगा और यही इस्लाम जो हमें औरतों को सिखाता है कि औरत के अंदर हया ही उसकी असल पहचान होती है उस बैलेंस को यहाँ दिखाया गया फरिश्ते ने कहा ऐसा ही होगा तेरा रफ फरमाता है ऐसा करना मेरे लिए बहुत आसान है और हम ये इसलिए करेंगे कि उस लड़के को लोगों के लिए एक निशानी बनाये और अपनी तरफ से एक रहमत और ये काम होकर रहना है मरियम को उस बच्चे का हमल रह गया और वो उस हमल को लिए हुए एक दूर के मुकाम पर चली गई मुकाम आता है रिवायात के अंदर जहां पर मरियम अलैहिस्सलाम चली गई थी अपनी प्रेगनेंसी में फिर जचगी की तकलीफ ने उसे एक खजूर के दरख्त के नीचे पहुंचा दिया वो कहने लगी काश मैं इससे पहले ही मर जाती और मेरा नामो निशान ना रहता फरिश्ते ने पाइंती से उसको पुकार कर कहा गम न कर तेरे रब ने तेरे नीचे एक चश्मा रवा कर दिया है और तू जरा उस दरक के तने को हिला तेरे ऊपर तरोताजा खजूरें टपक पड़ेंगी बस तू खा और पी और अपनी आंखें ठंडी कर तो इसके लिए स्कॉलर्स कहते हैं कि जब यहां पर जिक्र किया गया कि प्रेगनेंसी के अंदर उनको पानी और खजूरों का मशवरा दिया गया तो अगर किसी औरत को लेबर शुरू हो जाए या लेबर के, लेबर के दिन आने वाले हों तो वो भी खजूर का इस्तेमाल कर सकती है इससे उसके लेबर में आसानी हो जाएगी फायदा देगी ये चीज उसको ये चीज़ जो यहां अल्लाह ताला ने बताई कि अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि बैतुल लहम चली जाएं उस इलाके में और उसके बाद वहां पर अल्लाह ने उनके लिए चश्मा रवा कर दिया इसके मुखालिफ आपको बाइबल के अंदर मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं कि जोसेफ कारपेंटर जो है वो उस, उसके साथ किसी जगह पर चली गई थी इस चीज का बिल्कुल भी जिक्र आपको कुरान में नहीं मिलता और हमें मालूम है कि ये सब चीजें जो हैं ये बिल्कुल दीन का हिस्सा नहीं है फिर अगर कोई आदमी तुझे नजर आए तो उससे कह दे कि मैंने रहमान के लिए रोजे की नजर मानी है इसलिए आज मैं किसी से नहीं बोलूंगी उस दौर में रोजे की नजर ऐसी मानी जाती थी कि इंसान किसी से कलाम नहीं करता था जिसको कहते हैं चुप का रोजा चुप का रोजा रख लिया फिर वो उस बच्चे को लिए हुए अपनी कौम में आई लोग कहने लगे ऐ मरियम ये तूने बड़ा ही पाप कर डाला ए हारून की बहन ना तेरा बाप कोई बुरा आदमी था ना तेरी माँ कोई बदकार औरत थी मरियम ने बच्चे की तरफ इशारा कर दिया क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको बोलने से मना किया था तो मरियम अलैहिस्सलाम ने बच्चे की तरफ इशारा कर दिया जब बच्चे की तरफ मरियम अलैहिस्सलाम ने इशारा किया लोगों ने कहा हम इससे क्या बात करें जो गहवारे में पड़ा हुआ है और एक बच्चा है अब आप इमेजिन करें कि वो देख रहे हैं बेरली अ डे ओल्ड दो तीन दिन का बच्चा और वो उसे कह रहे हैं कि हम इससे क्या बात करें ऐसे में बच्चा बोल उठा और बच्चे ने क्या कहा इन्नी अब्दुल्ला। और तोतले तो, 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 अंदाज में कहा हकलाते हुए कहा बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में जैसे बोला जाता है वैसे कहा अल्लाह का मोजा था जो उस वक्त के लोगों ने देखा इन्नी अब्दुल्ला आता नी अल किताबा वाजा अल् नबिया वाजा अल् मुबारक अना मा कुंतु व औसानी बलाती वी माँ दुम तुह ईसा आल सलाम ने कहा मैं अल्लाह का बंदा हूँ उसने मुझे किताब दी और नबी बनाया और बाबरकत किया जहां भी मैं रहू और नमाज और जक़ात की पाबंदी का हुक्म किया जब तक मैं जिंदा रहूं कितना बड़ा ये एक मौजा है कि अल्लाह ताला ने एक बच्चे के जरिए इतना बड़ा कलाम करवाया ये पहली तबलीग जो ईसा आई सलाम ने अपनी कौम को की अगर उनके दिलों में उनकी फितरत सलामत होती और उनके दिलों के अंदर उनकी जिंदा रूहें होती इस मुआजे को देख कर वो ईमान ले आते लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इनकार ही किया और ईसा सलाम के साथ भी जो बनी इसराइलियों ने किया वो हम अच्छी तरह जानते हैं उन्होंने कहा क्या आगे वर्रम बिवा लिदा थी और अपनी वालदा का मैं हक अदा करने वाला बनाया गया आप देखें याहिया सलाम के जिम्मन में आया था अपने वाले का हक अदा करने वाला मुझे बनाया गया यहाँ पर आया वह बर्रम विवाह लीदा थी इसलिए कि वालिद तो थे नहीं तो सिर्फ वालदा का जिक्र आया मुझको जब्बार और शकी नहीं बनाया गया यानी जब्बार और शकी वालदा से अच्छे सलूक के बाद जो बताया गया इसका मतलब है कि मैं वालदेन से बदसलूकी करने वाला जब्बार महरूम नहीं हूँ बिला वजह मैं माँ बाप पर गुस्सा नहीं करता या माँ बाप के ऊपर में तान, ताने और उनके ऊपर में क्रिटिसिज्म नहीं करता जैसे यहाँ पर आया कि जो पहली तबलीग ईसा सलाम ने की उसमें उन्होंने कहा कि मुझे वसीयत की गई है बिसती व जकती नमाज की और जक़ात की लेकिन आप देखे देखते हैं कि क्रिश्चियनिटी के अंदर आज आपको नमाज और जक़ात नहीं मिलती अब उसके अंदर उनके अंदर ये चीज बाकी नहीं रही इसलिए कि दीन डिस्टॉर्ट हो गया है सलाम है मुझ पर जबकि मैं पैदा हुआ जबकि मैं मरू और जबकि जिंदा करके उठाया जाऊँ ये है ईसा इबन मरियम और ये है उसके बारे में वो सच्ची बात जिसमे ये लोग शक कर रहे हैल ही अल्लाह का काम नहीं है की कि वो किसी को बेटा बनाए पाक है वो जो बात वो वो जब किसी बात का फैसला करता है तो कहता है हो जा और वो हो जाती है बचपन ही से जैसे आपने मोज़ा देखा था याहिया सलाम का कि अल्लाह ताला ने मौजाना पैदाइश उनकी की थी ईसा सलाम की पैदाइश भी मौजाना थी लेकिन इनके साथ मामला यह था कि इनका मोज़ा इसलिए दुनिया को बहुत प्रोमिनटली नजर आया क्योंकि इनके वालिद नहीं थे और ईसा ने कहा था अल्लाह मेरा रब है और तुम्हारा रब भी बस तुम उसी की बंदगी करो यही सीधी राह है मगर फिर मुख्तलिफ गोह बहम इख्तलाफ करने लगे सो जिन लोगों ने कुफुर किया उनके लिए वो बड़ी तबाही का वक्त होगा जबकि वो एक बड़ा दिन देखेंगे जब वो हमारे सामने हाजिर किए जाएंगे। उस रोज तो उनके कान भी खूब सुन रहे होंगे और उनकी आंखें भी खूब देखती होंगी मगर आज ये जालिम खुली गुमराही में मुबतला है ए नबी वसल्लम इस हालत में जबकि ये लोग गाफिल हैं और ईमान नहीं ला रहे उन्हें इस दिन से डराओ जबकि फैसला कर दिया जाएगा, अल्लाह ताला ने बता दिया अपने रसूल सल अल्लाह वसलम के जरिए कि इससे पहले की तुम पर वो वक्त आ जाये अभी अपनी इसलाह कर लो उस दिन डरने का कोई फायदा नहीं होगा के दिन का एक नाम आया है यहाँ पर आयत नंबर थर्टी नाइन में वह मल हसरती हसरती क्यामत के दिन का एक नाम है और पछतावे के सिवा कोई चारा ना होगा रिवायात में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहम है अहले जन्नत को और किसी चीज पर हसरत नहीं होगी सिवाय उन लम्हात के जो बगैर अल्लाह के जिक्र के गुजर गए और अहल उनकी हसरतों का क्या हाल होगा जिसके दिन का नाम ही हसरत रख दिया गया उनके सिर्फ और सिर्फ उस दिन रिग्रेट होंगे जो उनको अपने सामने नजर आ रहे होंगे जन्नतियों का सिर्फ एक रिग्रेट होगा कि हमने जो वक्त अल्लाह की अल्लाह के जिक्र के बगैर गुजार दिया उसमें भी हम अल्लाह का जिक्र कर लेते आखिरकार हम ही जमीन और उसकी सारी चीजों के वारिस होंगे और सब हमारी तरफ ही पलटाए जाएंगे वर्फिल किताब इब्राहिम इन्ना हुक् न सिद्दीकन्नबिया और इस किताब में इब्राहिम का किस्सा बयान करो बेशक वो एक रास्त बाज इंसान और एक नबी था सिद्दीक मिजाज वाले इंसान जो होते हैं उनके अंदर सोच विचार का मादा काफी होता है इंट्रोवर्ट टाइप लोग होते हैं आप देखें, कुरान में आप दो टर्म्स देखते हैं। यहाँ आया सिद्दीक नबी या नबी भी आता है कुरान में और रसूल भी आता है नबी और रसूल का फर्क क्या होता है नबी आम हुआ करते थे रसूल खास किसी कौम की तरफ भेजे जाते थे रसूलों को शरीयत दी जाती थी रसूलों को अहकाम दिए जाते थे रसूल कभी शहीद नहीं होते थे जबकि अम्बिया को बन्नी इसराइलियों ने खूब कत्ल किया तो ये नबी और रसूल का बेसिक फर्क है और यहाँ बता दिया गया कि इब्राहिम आसाम कैसे नबी थे अल्लाह तला ने उनको सिद्दीक नबी बनाया था ये जो रसूल मिजाज के लोग होते हैं इनके अंदर भाग भाग दौड़ का मादा बड़ा होता है आगे बढ़ बढ़कर काम करते हैं एक्स्ट्रोवर्ट होते हैं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आप जिंदगी को देखें तो आपको उसके अंदर इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट होने का दोनों की क्वालिटीज मिलती हैं सोच विचार भी बहुत किया करते थे अपनी अकल को भी इस्तेमाल किया करते थे फिरासत को भी इस्तेमाल किया करते थे और भाग दौड़ भी बहुत किया करते थे दीन के निफास के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों तरह से बहुत भाग दौड़ की तबलीग के मामले में बहुत भाग दौड़ की उन्हें जरा इस मौके की याद दिलाओ जबकि उसने अपने बाप से कहा अब्बा जान आप क्यों इन चीजों की इबादत करते हैं जो ना सुनती हैं और ना देखती हैं और ना आपका कोई काम बना सकती हैं अब्बा जान मेरे पास एक इल्म आया है जो आपके पास नहीं आया आप मेरे पीछे चलें मैं आपको सीधा रास्ता बताऊंगा अब्बा जान कितने आराम से मोहब्बत से बार बार अपने बाप से तबलीग के अंदाज में बात करे है या अबती या अबती या अबती बहुत ही मोहब्बत का जुमला है जो अरबी जुबान में बोला जाता है यानी आप जब बहुत ही मोहब्बत में बहुत ही लाड में किसी को पुकारे अब्बा जान आप शैतान की बंदगी ना करें शैतान तो रहमान का नाफरमान है अब्बा जान बार बार या अबत या अबत यार है, आपकी और मेरे लिए सबक क्या है कि बुजुर्गों को अगर नसीहत करनी हो तो यहाँ से आप और मैं अपने लिए गाइडेंस ले लें बुजुर्गों को तबलीग करते वक्त उनके उम्र के उम्र का और उनके रिश्ते का हम जरूर ख्याल रखें इंतहाई अदब और इंतहाई एहतराम के साथ उन तक बात पहुंचा दें इन्होंने कहा अब्बा जान मुझे डर है कि कहीं आप रहमान के अजाब में मुब्तला ना हो जाएं और शैतान के साथ ही बनकर ना रह जाएं। यानी बात बहुत कड़वी कर रहे हैं बात बहुत सच्ची कर रहे हैं हक की बात कर रहे हैं लेकिन उनके अपने वालिद से बात का अंदाज ऐसा है कि ताकि वालिद को ये ना लगे कि मेरी इंसल्ट हो रही है हक पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया हक को एज इट इज पहुंचा दिया तरीका बा अदब रखा बाप ने कहा इब्राहिम क्या तू मेरे माबूदों से फिर गया है क्या तुम बाज ना आए अगर तुम बाज ना आए तो मैं तुम्हें संसार कर दूंगा बस तू हमेशा के लिए मुझसे अलग हो जाओ आपको जान, आप जानते हैं कि इब्राहिम ने फिर क्या किया था अपना घर बार छोड़ दिया था कौला सलाम अलैक साफी का रब्बी इब्राहिम ने कहा सलाम है आप आपको मैं अपने रब से दुआ करूंगा कि आपको माफ कर दे मेरा रब बड़ा ही मेहरबान है मैं आप लोगों को भी छोड़ता हूं और उन हस्तियों को भी जिन्हें आप लोग खुदा को छोड़कर पुकारते हैं मैं तो अपने रब ही को पुकारूंगा उम्मीद है कि मैं अपने रब को पुकार कर नाम ना, ना होगा अकीदा जो होता है वो खून के रिश्तों से ज्यादा मजबूत होता है और होना चाहिए आपका अकीदा ना बिगड़े चाहे वकती तौर पर आपके रिश्तेदार आपसे नाराज हो जाए इस चीज का मुसलमान बहुत ज्यादा ख्याल रखता है हम कहते हैं खून के रिश्ते से मजबूत रिश्ता कोई नहीं और हम अल्लाह के रिश्ते को भूल जाते हैं हम अकीदे और कलमे के रिश्ते को भूल जाते हैं बस जब वो उन लोगों से और उनके गैर अल्लाह से जुदा हो गया तो हमने इसको इसहाक और याकूब जैसी औलाद दी और हर एक को नबी बनाया और उनको अपनी रहमत से नवाजा और उनको सच्ची नामवरी अता की बता दिया गया कि अल्लाह ने उनके लिए आगे इनाम रखे हैं अल्लाह की रहमत होती है जिन पर उनको अल्लाह सच्ची नामवरी अता करता है और जिक्र करो इस किताब में मूसा का वो एक चीदा शख्स था और रसूल नबी था हमने उसको तूर के दाहिनी जानब से पुकारा और रास्ती गुफ्तू से उसको तकर्रब अदा किया और अपनी मेहरबानी से उसके भाई हारून को नबी बनाकर उसे मददगार के तौर पर दिया और इस किताब में इस्माइल का जिक्र करो इसमाइल के लिए क्या आया इन नकानसा सादिक, दिकल वाद वो वादे का सच्चा था यानी जो वादा करते थे पूरा करते थे और रसूल नबी था वो अपने घर वालों को नमाज और जकआत का हुक्म देता था और अपने रब के नजदीक एक पसंदीदा इंसान था यानी अपनी ज़ात से भी कमिटमेंट पूरी करते थे लोगों के साथ कमिटमेंट भी पूरी करते थे और जो रब के साथ कमिटमेंट है उसको भी पूरी करते थे एक बात नबी और रसूल के फर्क में और देख लें कि हर रसूल नबी होता है नबी जनरल टर्म है हर रसूल नबी होता है लेकिन हर नबी रसूल नहीं हो सकता जिस नबी को खास कौम की तरफ भेज दिया जाए और जिसको शरीयत दे दी जाए अहकाम दे दिए जाए वो नबी से अपग्रेड होकर रसूल बन जाता है इस किताब में इदरीस का जिक्र करो वो एक रास्त बाज इंसान और एक नबी था और उसे हमने बुलंद मुकाम पर उठाया था बाइबल में इनका नाम आपको हनूक मिलता है एज से हनूक ये वो पैगंबर हैं जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया आदम की औलाद में से और उन लोगों की नस्ल से जिन्हें हमने नूह के साथ कश्ती पर सवार किया था और इब्राहिम की नस्ल से और इसराइल की नस्ल से और ये उन लोगों में से थे जिनको हमने हिदायत बख्शी और बरगजीदा किया उनका हाल ये था इदात अल आयात और रहमान खर्र्जदू की जब रहमान की आयात उनको सुनाई जाती तो रोते हुए सजदे में गिर जाते थे आयते सजदा है अल्लाह ताला मुझे और आपको भी कुरान पढ़कर रोने और उसको कुरान को समझने की तोफीक अता फरमाए सजदा इताद की आजी की अल्टीमेट अलामत है और अल्लाह की आयात के आगे इस बात की अलामत है कि अल्लाह मैं आपकी आयात के आगे अपने इंटेलेक्ट को अपनी अकल को झुका रही हूँ मेरे इरादे मेरे जज्बात मेरी प्लानिंग आपके सामने बिल्कुल सबमिशन के साथ है जैसा आप चाहेंगे वैसा ही मेरे दिमाग के अंदर ख्याल आएंगे उन्हीं को मैं अमल में लेकर आऊंगी तो बता दिया गया इंसान का कुर्ब असल में अपने रब के साथ सजदे की हालत में होता है तो जज्बाती ताल्लुक की तरफ इशारा किया गया और सजदे के अंदर जो है बंदा अपने रब से सबसे करीब होता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप और मैं दिन में कम से कम रमजान में तो हम ज्यादा ही सजदे करते हैं आम रूटीन में हम दिन में कम से कम थर्टी फोर टाइम्स सजदा कर ही रहे होते हैं अगर सत्रह रकात फराइज की पढ़ते हैं तो हर रकत में दो सजदे हम करते हैं थर्टी फोर सजदे हम अल्लाह के सामने करते हैं सोचिए अगर हर सजदा हम पूरे शऊर के साथ करें तो पूरे शऊर के साथ हम इतनी दफा अपना तजदीद ईमान करते हैं कि अल्लाह मेरी अकल आपके सामने बिल्कुल इस वक्त सबमिशन के साथ है रसूल सल्लाम की एक तवील दुआ आती है उसमें आता है एक दुआ के अंदर नास बेअिकल्ला मेरी पेशानी आपके हाथ में है इसका मतलब क्या है मेरी पेशानी मतलब ये है कि अल्लाह मेरे जहन के ख्याल आपकी इतात में है मेरे जहन में आने वाले इरादे आपकी शरीयत के अंडर होंगे उस चीज की तरफ सजदा जो है वो अलामत जाहिर करता है और आपको मालूम होगा कि साइंस ने बताया कि इंसान की जितनी भी थिंकिंग कैपेसिटी है वो उसके दिमाग के सारे फ्रंटल लोब में होती है और हमारा जो दिमाग का ब्रेन का फ्रंटल लोब है ये बिल्कुल फ्रंट के पोर्शन में होता है और यही चीज आप अपने पेशानी को जिसको आप फोरहेड बोलते हैं इसी को आप नमाज के हालत में सजदे की हालत में जमीन पर रखते हैं इंतहाई अलामत आजजी की जो अपनी अकल को इंसान अल्लाह के सामने झुका देता है और इस बात की अलामत अल्लाह मुझे आपका हुक्म समझ आए या ना समझ आए मैं उस पर अमल करूंगी फिर उनके बाद वो नाखल्फ लोग उनके जान नशीन हुए जिन्होंने क्या किया अदा उस व तबाउल शाहहावाबात जिन्होंने नमाज को जया किया और ख्वाहिशात की पैरवी की यानि क्या किया उन्होंने दुनिया के अंदर ही मसरूफ होकर रह गए रसूलों की बात का इनकार कर दिया बस करीब है कि गुमराहि के अंजाम से दो चार होंगे अलबत् जो तौबा कर लें और ईमान ले आएं और नेक अमल इख्तियार करें वो जन्नत में दाखिल होंगे उनकी जरा बराबर हक तल्फी न होगी उनके लिए हमेशा रहने वाली जन्नतें हैं जिनका रहमान ने अपने बंदों से दर पर्दा वादा कर रखा है और यकीन ये वादा पूरा होकर रहना है वहां कोई बेहूदा बात वो ना सुनेंगे जो कुछ भी सुनेंगे ठीक ही सुनेंगे उनका रिस्क उन्हें बेहम सुबह शाम मिलता रहेगा और क्या सुनेंगे सलाम ये ये सलामती की बातें सुनेंगे यह है वो जन्नत जिसका वारिस हम अपने बंदों में से उसको बनाएंगे जो परहेजगार रहा अल्लाह ताला ने बता दिया कि जन्नत किसके विरासत में आएगी जो भी अल्लाह के लिए तकवा इख्तियार करेगा जो भी अल्लाह की खातिर उन कामों को अंजाम देगा जिन कामों को अंजाम देने का चाहे उसका दिल करे या ना करे जो परहेजगार रहा जो मुतकी रहा जिसने तकवा अख्तियार किया तो तकवा अख्तियार करने के कई अंदाज हैं। अल्लाह और अल्लाह के वसल्लम की तालीमत पर अमल करना और छोटी छोटी, छोटी चीजें जिसका आप ख्याल रख सकते हैं जिसके लिए अल्लाह ने अहादीस में बशारत दी है मिसाल के तौर पर वजू करके तहयतुल पढ़ना मस्जिद में दाखिल होकर दो रकस जो है वो मस्जिद के पढ़ना तहियतुलमस्जिद पढ़ना ए नबी वसल्लम हम तुम्हारे रब के हुक्म के बगैर नहीं उतरा करते जो कुछ हमारे आगे है और जो कुछ पीछे है और जो कुछ उसके दरमियान है हर चीज का मालिक वही है वह मकान आ का नसीहा तुम्हारा रब भूलने वाला नहीं है तो जल्दी जल्दी नमाज ना पढ़ना अल्लाह तुम्हें सब देख रहा है अल्लाह देख रहा है कि कितना तुमने सोच समझ कर रब के हुक्म पर अमल किया और कितना बगैर सोचे समझे किया कितना काफिल दिल के साथ अल्लाह को पुकारा और कितना बेकाफिर दिल के साथ पुकारा अल्लाह ने सब काउंट कर लिया सौ दफा झूठ बोला या नाइन्टी नाइन टाइम्स झूठ बोला तुम्हारा रब भूलने वाला नहीं है वो हर चीज को नोट कर लेता है رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واستبر لعبادته هل تعلم له سميا अलामोला वो रब है आसमानों का और जमीन का और उन सारी चीजों का जो आसमान और जमीन के दरमियान है इतना जबरदस्त रब है तो क्या करो फख्र के साथ उसकी इबादत करो बस तुम उसकी बंदगी करो फा अबुद हूँ फा अबुद आया है जब तुम्हें एहसास हो जाए अपने रब का फा अब फौरन उसकी बंदगी में अपने आप को झुका दो फौरन उसके गुलाम बन जाओ फौरन एडमिट कर लो कि अल्लाह तू रब मैं तेरा बंदा बस तुम उसकी बंदगी करो और उसी की बंदगी पर साबित कदम रहो क्या है कोई हस्ती तुम्हारे इल्म में इसकी हम पाया इंसान कहता है कि क्या वाकई एक स्केप्टिकल इंसान का जिक्र है कहते हैं कि वाकई जब मैं मर चुकूंगा फिर जिंदा करके निकाल लिया जाऊंगा क्या इंसान को याद नहीं आता कि हम पहले इसको पैदा कर चुके हैं जबकि वो कुछ भी ना था तेरे रब की कसम हम जरूर उन सबको और उनके साथ शयातीन को भी घेर लाएंगे फिर जहन्नुम के गिरद लाकर उन्हें घुटनों के बल गिरा देंगे फिर अग... फिर हर ग्रोह में से हर उस शख्स को छांट लेंगे जो रहमान के मुकाबले में ज्यादा सरकश बना हुआ था फिर ये हम जानते हैं कि उनमें से कौन सबसे बढ़कर जहन्नुम में झोंके जाने का मुस्तक है वह मिनकुम इल्ला वारिदुहा तुम में से कोई ऐसा नहीं जो पर वारिद ना हो इसके लिए स्कॉलर्स कहते हैं कि यहाँ मुराद जो है इस इससे मुराद ली जाती है पुल इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा में हा की जमीर जो है वो पुलसरात की तरफ जा रही है कि पुलसरात के लिए आता है कि पुलसरात जहन्नम के ऊपर कायम किया जाएगा और हर इंसान को उसके ऊपर से गुजरना होगा अहले ईमान गुजरते हुए कलमा पढ़ेंगे और कुछ ईमान तेजी से गुजर जाएंगे और कुछ अहले ईमान दुआ करते हुए गुजरेंगे रब्बी सलम रब्बी सलम रब्बी सलम ये तो एक तयशुदा बात है जिसे पूरा करना तेरे रब के ज़िम्मे है फिर हम उन लोगों को बचा लेंगे जो दुनिया, दुनिया में है और जालिमों को उसी में गिरा हुआ छोड़ देंगे आदिस में आता है कि जहन्नुम से कांटे निकले हुए होंगे और जब इंसान पुलसरात पर से गुजर रहे होंगे तो जो गुनाहगार लोग होंगे वो उन कांटों से जख्मी हो जाएंगे जो पुल सराब से गुजरेगा उसको उस कांटे की चुभन चुभेगी अगर वो गुनागार होगा रब का ना फरमान होगा और जो नेक बंदे होंगे वो अपने अमाल की रोशनी की जेरे साया जो है अल्लाह की रहमत के जेर साया उस पुल से गुजर जाएंगे इन लोगों को जब हमारी खुली खुली आयात सुनाई जाती है तो इनकार करने वाले ईमान लाने वालों से कहते हैं बताओ हम दोनों गुरोहों में से कौन बेहतर हालत में है किसकी मजलिसें ज्यादा शानदार हैं दुनिया का सामान हम ले आते हैं मगर हम समझते हैं कि दुनिया का सामान लाकर हम खुशियां समेट लेंगे और ये बिल्कुल मुनाफिकों का अंदाज होता था कि उनकी सारी खुशियां उनकी दुनिया के साथ अटैच होती थी और अपनी दुनिया की बेसिस के ऊपर जज किया करते थे कि बताओ हम में बेहतर कौन है हमारा सामान्य दुनिया बेहतर है या जिसकी तुम बात कर रहे हो कि वो अल्लाह का बंदा है उसका सामान्य दुनिया बेहतर है तो बता दिया गया कि दुनिया कम्पीट करने की जगह नहीं है आखरत को ना भूलो आखरत वो जगह है जिसके लिए तुम एक दूसरे से मुकाबला करो हालांकि इनसे पहले हम कितनी ही ऐसी कॉमों को हलाक कर चुके हैं जो इनसे ज्यादा सरो सामान रखती थी और जाहिर शौकत में इनसे बड़ी हुई थी जाकर देख लो फिर के महल को उनसे कहो जो शख्स गुमराह में मुब्तला होता है उसे रहमान ढील दिया करता है यहाँ तक कि जब ऐसे लोग वो चीज देख लेते हैं जिसका इनसे वादा किया गया हुआ वो अजाब इलाही हो या क्यामत की घड़ी तब उन्हें मालूम हो जाता है कि किसका हाल खराब है दुनिया में अपने घरों को सजाने में हम कहीं कुरान को निगलेक्ट ना कर दें शोहर अपनी बीवियों को या बीवियां अपने शोहर को कहीं कॉर्पोरेट लीडर बनाकर सिर्फ दुनिया कमाने के लिए इस्तेमाल ना कर लें ऐसी गफलत मुझे और आपको कुरान से दूर ना कर दे जिस और किसका जत्था कमजोर उसके बरस जो लोग बर रास्त लो, इसके बरस जो लोग राह रास्त इख्तियार करते हैं अल्लाह उसको रास रवि में तरक्की अता फरमाता है पता चल गया कि हिदायत ऐसी चीज है जो माल की तरह बढ़ती है जैसे जैसे माल बढ़ता है ऐसे भी हिदायत भी बढ़ती है जिस तरह आप माल को आगे ना अर्न करें और जो कमाया हुआ माल है उसी को इस्तेमाल करते रहें तो एक वक्त आता है ना कि माल खत्म हो जाता है हिदायत के साथ भी ये मामला है अगर आपने हिदायत को और नहीं बढ़ाया और नहीं बढ़ाया और नहीं बढ़ाया और जो हिदायत आपके पास थी बस आप उसी के मुताबिक अमल करते रहे एक वक्त आता है कि हिदायत भी खत्म हो जाती है तो अल्लाह ने क्या कहा वल बाया तो सलिहा खैर इंदा रब भी का खैर उद्दा बाकी रह जाने वाली नेकियां ही तेरे रब के नजदीक जजा और अंजाम के हिसाब से बेहतर है अगर सजाना ही है तो अपनी नमाजों को सजाओ सजाना ही है तो अपने रोजों को सजाओ सजाना ही है तो अपने कुरान की तिलावत को सजाओ और अपने ईमान को सजाओ फिर तू ने देखा उस शख्स को जो हमारी आयत को मानने से इनकार करता है और कहता है कि मैं तो माल और औलाद से नवाजा ही जाता रहूंगा क्या उसे गैब का पता चल गया है या उसने रहमान से कोई अहद ले रखा है हर गिज नहीं जो कुछ ये बकता है उसे हम लिख लेंगे हम इसके लिए सजा में और ज्यादा इजाफा करेंगे जिस सरों सामान और लाओ लश्कर का ये जिक्र कर रहा है वो सब हमारे पास रह जाएगा और यह अकेला हमारे सामने हाजिर होगा इन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर अपने कुछ खुदा बना रखे हैं और उनके लिए बायसे और बना रखे हैं कि वो उनके लिए बाईस इज्जत हो कोई पुश्तबान ना होगा यानी कोई बाज़ इज़्ज़त ना होगा वो सब इनकी इबादत का इनकार करेंगे और उल्टे उनके मुखालिफ बन जाएंगे क्या तुम देखते नहीं हो हमने मुनकरीने हक़ पर शैतान छोड़ रखे हैं जिन्हें खूब खूब मुखालफत हक़ हक पर उकसा रहे हैं अच्छा तो अब इन पर नजूल आज़ाब के लिए बेताब न हो हम इनके दिन गिन रहे हैं है यवमान नाहरमतीना इलाहमान वफदा वो दिन आने वाला है जब मुत्ती लोगों को हम मेहमानों की तरह रहमान के हजूल पेश करेंगे आप देखें अल्लाह के हजूर जब आप मैं पेश होंगे तो क्या हालत होगी एक मुत्तकी इंसान की एक अल्लाह का घर खाना है काबा सिर्फ उस मिट्टी से बने हुए एक घर को ईंटों से बने हुए एक घर को देखकर हमारी आंखों से आंसू नहीं रुकते हमारे इमोशंस का क्या हाल होता है जब कभी आप ये आयत पढ़ें कि जब अल्लाह के बंदों को मेहमान के तौर पर रहमान के सामने पेश किया जाएगा तो इमेजिन कर लिया करें कि जब काबा को देखकर मेरे आंसू नहीं थमते तो रब्बुल लज्जत को देखकर मेरा क्या आलम होगा अल्लाह हम सबको इस लज्जत से आशना करे और अल्लाह हमें इस लज्जत के साथ जो है अपनी रहमत में दाखिल करे इस वक्त लोग कोई सिफारिश लाने पर कादिर ना होंगे बजुज उसके जिसने रहमान के हजूर परवाना हासिल कर लिया हो तो क्या जरूरत है मैं और आप दुनिया को पीछे लग के दुनिया के पीछे लग के अपने रब के कामों से इनकार कर दें जिस रब ने आपके और मेरे लिए ऐसी जन्नतें तैयार करके रखी हैं जिन जन्नतों में जाकर असल सुकून मुझे और आपको मिल सकता है हम दुनिया में गुनाह क्यों करते हैं लज्जत के लिए किसी ने कहा कि लज्जत के लिए गुनाह ना करो लज्जत खत्म हो जाएगी गुनाह बाकी रह जाएगा तो अगर मैं और आप सिर्फ और सिर्फ दुनिया के लिए ही रब के अहकाम को रहमान के अहकाम को ठुकराते रहेंगे तो फिर एक वक्त आएगा कि योमुल हसरता के वाले दिन मेरा और आपका मामला क्या होगा कि हम अपने इस वक्त को सोच सोच कर हसरत कर रहे होंगे अल्लाह ना करे हमारे साथ ऐसा मामला हो वह और वो कहते हैं इतर रहमान वालदा रहमान ने किसी को बेटा बनाया है सख्त बेहूदा बात है जो तुम लोग घर लाए हो तकादु मिन। अर्दु हद्दा करीब आसमान फट पड़े जमीन शक हो जाए पहाड़ गिर जाए इस बात पर कि लोगों ने रहमान के लिए औलाद होने का दावा किया रहमान की ये शान नहीं है कि वो किसी को बेटा बनाए जैसे अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं है कि मुशरकन ने मक्का या मुशरकन ने अल्लाह के लिए बेटिया तजवीज़ कर दी ऐसे ही अल्लाह का गज़ब भड़कता है जब किसी को अल्लाह का बेटा कहा जाता है अल्लाह को किसी की नस्बत की जरूरत नहीं है और यहाँ ईसाइयों के ऊपर अल्लाह का खास जो है गजब भड़क रहा है लेकिन ये अल्लाह की शान है अल्लाह गजब भड़का सकता है आप और मैं जाकर ईसाइयों के ऊपर गुस्सा नहीं कर सकते कि तुमने ये गुस्सा तुमने ये काम किया अब देखना तुम्हारे ऊपर क्या क्या अजाब आएंगे ये आपका और मेरा काम नहीं है आपका और मेरा क्या काम है तबलीग करते जाना समझाते जाना कहते जाना बताते जाना और तबलीग कैसे की जाती है हमने सूर नाहल में पढ़ा था इला का बिल हिकमत के साथ तबलीग की जाती है वल मो इजत हसना, अच्छी नसीहत के साथ तबलीग की जाती है आप देखें जब कुरान में अल्लाह नाराजगी का इजहार करता है और कुरान में कई मुकाम पर आपको नजर आता है कि अल्लाह नाराजगी का इजहार करता है अब जो कुरान पढ़ाने वाला है उसको ये बात जेबा नहीं देती कि जहां अल्लाह नाराजगी का इजहार कर रहा है वहां वो भी नाराजगी का इजहार करना शुरू कर दे मिसाल के तौर पर जहां पता चल रहा है कि अल्लाह ने ईसाइयों के ऊपर अपने गज़ब का इजहार किया अब जो मुबलक है वो ईसाइयों के ऊपर जो है अपने गज़ब का इजहार शुरू कर दे नहीं आपको और मेरा ये काम नहीं है ये गुस्सा ये गज़ब अल्लाह को सूट करता है आपने और मैंने तो तबलीग करनी है आप जरा पीछे मुड़कर देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब नजरान से एक वफद आया था ईसाइयों का तो आपने उसको मदीना के अंदर मस्जिद नबवी में ठहरवाया था और वहीं उसी मस्जिद नबवी में रहकर उन्होंने अपनी जो भी इबादत की होगी ईसाइयों ने की होगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आयत पढ़कर नहीं सुनाई कि अल्लाह का गज़ब भड़कता है इसलिए कि आप में तो तबलीग करनी है और जिसने तबलीग करनी है उसको वास करना होगा अच्छी नसीहत करनी होगी भली नसीहत करनी होगी तो जब हम ईसाइयों के साथ गज़ब और गुस्से का इजहार नहीं कर सकते तबलीग करते हुए तो ये बताएं कि अपने रिश्तेदारों के साथ जो कि गैर इस्लामी रसूमात में इन्वॉल्व हों जो बिदात में इन्वॉल्व हों जो अल्लाह की नाफरमानियों में इन्वॉल्व हों जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का मजाक उड़ाते हों हम उनके साथ गुस्सा कर सकते हैं गुस्सा करने की जस्टिफिकेशन हमारे पास नहीं है हमने या तो उनकी कंपनी से अपने आप को अलग कर लेना है अगर वो हमारी बात नहीं मानते या हमने मोहब्बत के साथ तबलीग करते रहना है हिकमत के साथ तबलीग करते रहना है बिल्कुल वही तरीका अपने जहन में ले आइए इब्राहिम अपने मुशरिक बाप को तबलीग कर रहे हैं या अबाती या अबाती कहकर तो ये अल्लाह को जेबा है या अल्लाह को सूट करता है कि अल्लाह जहां जहां कुरान में गजब का इजहार कर रहा है यह अल्लाह ही की शान है जमीन और आसमानों के अंदर जो भी हैं, सब उसकी हुजूर बंदों की हैसियत से पेश होने वाले हैं, सब पर वो मुहित है और उसने उनको शुमार कर रखा है वो कुल्लु आती मलकियामती फर्द और सब क्यामत के रोज फरदन फरदन उसके सामने हाजिर होंगे आखरत का महासबा हर एक को अल्लाह के सामने आकर अकेले अकेले देना होगा एक एक उम्मत ऐसी कलेक्टिव हिसाब होगा एक एक उम्मत के फर्ज से कलेक्टिव हिसाब होगा तो आरजी आफियत अगर मैं और आप इस दुनिया में अपनी रखने के लिए दीन पर अमल नहीं करते कि नहीं नहीं आज दीन पर अमल नहीं करो आफियत इसी में है कि सब खानदान मिलजुल कर रहे सब एक ही फ्रीक्वेंसी पर रहे इस आरजी आफियत को अगर आपने और मैंने कायम रखा और वो जो आने वाला जहान मेरे और आपके लिए तैयार है जिसमें आपको और मुझे अकेले अकेले रफ के सामने खड़ा होना है तो सोच लें कि मैं और आप अल्लाह को क्या एक्सक्यूज फिर उस दिन देंगे उस दिन मेरी और आपकी अकलें काम ना करेंगी उस दिन एहसास होगा कि हमने गलत सौदा किया यकीनन जो लोग ईमान ले आए हैं और अमले सौले कर रहे हैं अन करीब रहमान उनके लिए दिलों में मोहब्बत पैदा कर देगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहम आता है जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है तो जिब्राइल अलैहि सलाम से कहता है कि फला बंदे से मोहब्बत करो यानी जिब्राइल अलैहि सलाम से भी कहता है कि तुम भी फलां बंदे से मोहब्बत करो जिब्राइल अलैहि सलाम आसमान वालों के अंदर मुनादी कर देते हैं यानी आसमान में जितनी भी मखलूकत हैं और फिर वो मुझे मुनादी होती है सब आसमान वाले उस शख्स से मोहब्बत करते हैं और फिर वो आसमान वाले जमीन वालों में मुनादी कर देते हैं और फिर ज़मीन वाले शख्स जो है उससे मोहब्बत करने लग जाते हैं तो जिससे रब मोहब्बत करने लग जाता है उससे इंसान भी मोहब्बत करने लग जाते हैं उससे चरिंद परिंद भी मोहब्बत करने, करने लग जाते हैं उससे फरिश्ते भी मोहब्बत करने लग जाते हैं तो मुझे और आपको तो बनना है उन ईमान वालों में जो अल्लाह से मोहब्बत में शदीद तैर होते हैं बस ए नबी इस कलाम को हमने आसान करके तुम्हारी जुबान में इसीलिए नाजिल किया है कि तुम परहेजगारों को खुशखबरी दे दो और हट डरमो को डरा दो व कम अहलक न वक निका इनसे पहले हम कितनी ही कौमों को हलाक कर चुके हैं फिर कहीं तुम उनका निशान पाते हो या उनकी भिनक भी तुम्हें कहीं सुनाई देती है कहीं तुम्हें इतनी बड़ी बड़ी सुपर पावर्स जो तबाह कर दी गई उनकी कोई आवाज आती है खामोशी रुवंस खंडरात आप खंडरात में जाए तो देखें क्या खामोशी होती है अगर आप कभी ये जो आपके इधर कराची के अंदर ही एक वो जगह है शायद मकली का कब्रिस्तान है जिस जगह पर उसके अंदर भी कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर वो उन्होंने पुरानी कुछ कब्रें हैं वो जगह ऐसी बनी हुई है आप वहां जाएं एक खामोशी का आलम है आप रूबिन्स के अंदर जाएं आप मोइा चली जाएं आपको एक खामोशी का आलम नजर आएगा और हम क्या करने जाते हैं हम पिकनिक मनाने जाते हैं हालांकि वो जगह किस चीज के लिए होती है इबरत के लिए होती है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे कि जब किसी ऐसी बस्ती से गुजरो जहां पर अजाब हो चुका गुजर चुका तो वहां से तेजी से गुजर जाओ और इबरत के साथ गुजरो आंखों में आंसू लेकर गुजरो सूरत ताहा सूरत ताहा मक्की सूरत है और इस सूरत में आपको खुशियत और खौफ का जिक्र बहुत मिलता है मूसा सलाम के हालात का जिक्र आपको मिलेगा और मूसा के हालात बताकर रसूल वसल्लम को तसल्ली दी गई है बिस्मिल्लाम तो हा ये वही सूरत है जिसको सुनकर हजरत उमर अदी अल्लामले आए थे माजल न आई कल ये कुरान तुम पर इसलिए नाजिल किया है हमने ये कुरान तुम पर इसलिए नाजिल नहीं किया है कि तुम मुसीबत में पड़ जाओ ये तो एक याद दहानी है हर उस शख्स के लिए जो डरे यक्षा का लफ्ज दूसरी आपको आयत में ही तीसरी आयत में ही नजर आ गया यक्षा का लफ्ज आपको इस सूरत में बहुत मिलेगा खौफ और यहाँ पर किस खौफ की बात है यहाँ पर एक ऐसे खौफ की बात है जो खौफ आपको अमल में दौड़ा दे याद है हमने तकवा की डेफिनेशन में इस खौफ का जिक्र किया था अ तकवा अल खौफ मिनल जलील ऐसा खौफ जो आपको अमल में दौड़ा दे जो आपको लिथार्जिक ना करे उस खौफ का जिक्र है ये जो फैंटम फियर्स होते हैं ये इंसान में कमजोरी पैदा करते हैं उसका जिक्र नहीं है बल्कि ऐसा खौफ जो रियल खौफ हो रियल फियर हो और आपको और मुझे अमल में आगे लेकर ले आए कुछ लोग जो होते हैं वो इमेजिनरी फियर इख्तियार करते हैं पहले हॉरर मूवीज देखते हैं उसके बाद कहते हैं मैं रात में अकेले नहीं सो सकती मैं अकेले कमरे में नहीं रह सकती मुझे अंधेरे से डर लग रहा है उस खौफ की बात नहीं है ये तो ऐसा खौफ है जो हमने खुद इमेजिन कर लिया है अल्लाह ऐसी हस्ती है कि जिसके हिसाब से आपको और मुझे खौफ रखना चाहिए जिसके अदल से आपको और मुझे खौफ रखना चाहिए जिसके हिसाब से आपको और मुझे खौफ रखना चाहिए ऐसा खौफ जो आपको और मुझे अमल में दौड़ा देगा ऐसा खौफ जो आपको और मुझे प्रिकॉशनरी स्टेप लेने के लिए मजबूर कर देगा तो अल्लाह ने कहा है ये कुरान इंसान के लिए ऐसा रिमाइंडर है इसको ऐसा खौफ दिलाता है कि इंसान अमल पर दौड़ पड़ता है नाजिल किया गया है उस गात की तरफ से जिसने पैदा किया है जमीन को और बुलंद आसमानों को वो रहमान कायनात के तख्ते सल्तनत पर जलवा फरमा है मालिक है उन सब चीजों का जो आसमानों और जमीन में है और जो जमीन और आसमान के दरमियान है और जो मिट्टी के नीचे है बता दिया गया अल्लाह की ओनरशिप हर चीज में है लाहू माँ फिस समा व माँ फिल अर्ध अरबी जुबान में ये माँ इस्तेमाल होता है हर चीज के लिए जानदार हो या बेजान हो जब अरबी में मन आता है वो सिर्फ जानदार के लिए आता है माँ जब आता है तो चाहे वो जानदार हो या बेजान हो अकिल हो या गैर अकिल हो तो 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 हर चीज के लिए आता है अल्लाह ने कहा लाहू माफिस समावाती जो कुछ भी आसमानों में है व माँ फिल अर्दी और जो कुछ जमीन में है व माँ हुमा और जो इन दोनों के दरमियान है जमीन और आसमान के दरम्यान में कौन है मैं हम इंसान जमीन और आसमान के दरमियान में है अल्लाह ने कहा कि सब के सब अल्लाह की ही ओनरशिप के अंदर है तुम चाहे अपनी बात पुकार कर कहो वो तो चुपके से कही हुई बात बल्कि उससे भी मख्वतर बात को जानता है वो अल्लाह है उसके सिवा कोई खुदा नहीं है उसी के लिए बेहतरीन नाम है और तुम्हें कुछ मूसा की खबर भी पहुंची है जबकि उसने एक आग देखी और अपने घर वालों से कहा कि जरा ठहरो मैंने एक आग देखी है इन्नी आनस्तु नारा आप देखें इसके अंदर बड़ा सबक है हमारे लिए आप किसी अंधेरी जगह पर जा रहे हो पिच डार्क हो चार पांच लोग हैं आठ दस लोग हैं और ऐसे अंधेरी जगह पर एकदम से स्प्लैश ऑफ लाइट होता है तो चांसेस क्या होते हैं कि वो स्प्लैश ऑफ लाइट सभी को नजर आएगा चाहे आपकी डायरेक्शन किधर भी चेहरे की हो आपकी डायरेक्शन चाहे राइट right हो या लेफ्ट हो अगर बिल्कुल पिच डार्क के अंदर एक स्प्लैश ऑफ लाइट भी होता है तो सभी को नजर आता है अल्लाह की शान ये स्प्लैश ऑफ लाइट सिर्फ मूसा सलाम को नजर आया उन्होंने अपने घर वालों से ये नहीं कहा कि देखो तुमने भी देखा जो मैंने देखा ये नहीं कहा उन्होंने कहा मैंने एक आग देखी है शायद के तुम्हारे लिए एक आध अंगारा ले आऊं या इस आग पर मुझे रास्ते के मुताबिक कोई रहनुमाई मिल जाए तो कुरान ने लंबे किस्से को इस मुख्तसर अल्फाज में बयान कर दिया चंद अल्फाज में बयान कर दिया और ये बता दिया कि यानी कि रात थी रात का वक्त था अंधेरा था बिल्कुल रास्ते की डायरेक्शन उनको नहीं मिल रही थी तो मूसा सलाम ने यहाँ पर अपनी फैमिली से ये बात की और ये कुरान का मिजाज है कि कुरान बड़ी बड़ी बातों को छोटे छोटे अल्फाज में बयान कर देता है यही अल्लाह ताला ने खूबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी हुई थी अल्लाह के रसूल सल्ला कहा करते थे ऊती तू जवा उल कलिम मुझे जवामील कलीम दिया गया यानी मुझे बात करने का बेहतरीन अंदाज दिया गया है मैं बड़ी बड़ी बातों को कम अल्फाज में बयान कर देता हूँ मैं दरिया को कूजे में बंद कर देता हूँ तो यहाँ पर कुरान का भी आपको वही अंदाज नजर आ रहा है ये वो वक्त है जब मूसा असलाम मदियन से वापस मिस्र की तरफ आ रहे हैं आपको मूसा अल्लाम की जिंदगी की रोलर कोस्टर का इल्म ही है कि उन्होंने आंख अपनी खोली मिस्र के अंदर मिस्र में एक आम से घर में पैदा हुए बनी रैली के घरों में से एक घर में फिर उन्होंने शहर शे, शहजादे की तरह फिरौन के महल में अपनी जो थी जवानी गुजारी उसके बाद वहां उनसे एक किप्ती का मर्डर हो गया तो मिस्र छोड़कर इस गिल्ड की वजह से कि कहीं फिरौनी मुझे पकड़ कर मार न दे या जेल में न डाल दे मिसर छोड़कर मदियन चले गए और फिर मदियन में उनकी शादी हुई वहां उनके बीवी बच्चे थे अपने बीवी बच्चों के साथ अब ये मदियन से वापिस मिसर की तरफ आ रहे हैं उस वक्त की बात है अब जब ये उस जगह गए जहां से इनको पता चला था कि कोई रोशनी आई है वहां पहुंचा तो पुकारा गया ए मूसा अब इनको क्या मालूम था कि जिस जगह ये पहुंच रहे हैं अंधेरी रात सहरा और वहां कोई इनको, इनको इनके नाम से पुकारेगा अल्लाह ने कहा ए मूसा मैं ही तेरा रब हूं जूतियां उतार दे तू वादिया मुकदस तुवा में है मैंने तुझे तू तु चुन लिया है अल्लाह ने कहा वह अनख तुख मैंने तुझे खास तौर पर चुन लिया है अल्लाह ने मूसा को चुन लिया आपको रश्क आ रहा है मूसा सलाम पर अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे भी अपने दीन के काम के लिए चुन ले मुझे अपने दीन के काम के लिए सिलेक्ट कर ले और जो दीन के काम के लिए सिलेक्ट हो जाए उनकी पहली क्वालिटी क्या होती है अल्लाह ताला ने कहा, कहा फस्ता में लीमा यूहा सुनो गौर से जो कुछ वही किया जाता है अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मुझे इस पहले स्टेप पे कामयाब कर दे मैं भी कुरान को गौर से सुनूं और अल्लाह के चुने हुए बंदों में शामिल हो जाऊं अल्लाह ताला ने यहाँ पर बता दिया कि जो तुम पर वही किया जा रहा है वो गौर से सुनो अभी तक अल्लाह ताला ने ये नहीं बताया कि मैं कौन हूँ तो मूसा सलाम के लिए अभी तक शायद शॉकिंग पीरियड था कि ये क्या है उसके बाद अल्लाह ने अपना तारुफ करायानी अन्लाह हूँ अना मेरे सिवा कोई खुदा नहीं है फनी बस तुम मेरी बंदगी करो व वकी सला और मेरी याद के लिए नमाज कायम करो अल्लाह तला ने यहाँ वाजे कर दिया कि तुम किस लिए नमाज कायम करो मेरी याद के लिए और पहली इबादत जो दी गई मूसा सलाम को पहली वही के अंदर वो आपको नमाज नजर आ रही है अभी आपने पीछे ईसा सलाम का जिक्र पढ़ा है क्रेडल में वो बोले थे इन्नी अब्दुल्ला और उन्होंने क्या कहा था औसान या सलाती मुझे नमाज की वसीयत की गई है तो ये नमाज आपको तमाम शरीयों के अंदर मिलती है किसी न किसी फॉर्म में तमाम शरीयों के अंदर नमाज मौजूद रही तमाम अम्बिया को इसी तरह दी गई। क्यामत की घड़ी जरूर आने वाली है मैं उस वक्त का मख, मैं उस वक्त को मखफी रखना चाहता हूँ ताकि हर मुतनफस अपनी सही के मुताबिक बदला पाए बस कोई ऐसा शख्स उस पर ईमान नहीं लाता और अपनी और जो अपनी ख्वाहिश नफ्स का बंदा बन गया तो उसको उस घड़ी की फिक्र से ना रोक दे वरना तू हलाकत में पड़ जाएगा यानी ऐसे लोगों के पीछे ना चलना जो दुनिया के पीछे भाग रहे हैं जो रेट रेस में लगे हुए हैं मूसा ये तेरे हाथ में क्या है अब अल्लाह पूछ रहा है क्या अल्लाह को नहीं मालूम था तो मूसा सलाम को भी क्या कहना चाहिए था मूसा सलाम के अल्लाह आप बेहतर जानते हैं अल्लाह आपको ज्यादा बेहतर इल्म है लेकिन उन्होंने क्या कहा मूसा सलाम ने जवाब दिया अल्लाह ये मेरी लाठी है इस पर टेक लगाकर चलता हूं इससे बकरियों के पत्ते झाड़ता हूं और भी बहुत से काम है अल्लाह ने ये पूछा था इससे क्या करते हो अल्लाह ने पूछा था ये क्या है क्यों इन्होंने आगे उसको डिफाइन किया स्कॉलर्स इसके लिए बड़ी अच्छी बात कहते हैं कहते हैं कि मूसा सलाम को जब ये पता चला कि अल्लाह उनसे हम कलाम हो रहा है तो उन्होंने अपनी इस गुफ्तगु को प्रोलोंग करने के लिए अपने असा की क्वालिटीज बताना शुरू कर दी इसलिए कि जब किसी आप अपनी पसंदीदा शख्सियत से बात कर रहे होते हैं तो आपका दिल चाहता है कि वो मुलाकात लंबी से लंबी हो जाए तो मूसा सलाम से अल्लाह ने नहीं पूछा था कि इससे तुम क्या करते हो उन्होंने खुद ही कह दिया कि मैं इससे ये ये काम लेता हूँ फरमाया अल्लाह ने कहा मूसा क्या करो इसको अल्कीहा या मूसा मूसा इसे फेंक दो मालूम हुआ कि नमाज के बाद जो पहली चीज आपको और मुझे सिखाई गई वो क्या थी इता पहले नमाज पढ़ो मेरे जिक्र के लिए उसके बाद क्या करो जिस चीज को छोड़ने का मैं कहूं उस चीज को छोड़ दो मूसा ने क्या कहा नहीं नहीं मैं गिर जाऊंगा नहीं नहीं बड़े काम की चीज है क्यों आप पहले बताया मुझे क्यों कह रहे हैं इसको फेंकने के लिए पहले मैं अपनी फैमिली वालों से पूछ लू मैं सिर्फ फेंकू या मेरे काम की भी कोई चीज है हम होते तो इतने सवाल करते इतने सवाल करते कि हम शर्मिंदा हो गए फिर अल्लाह ताला से दोबारा हम कलाम भी ना हो पाते उन्होंने क्या किया उसने फेंक दिया और जब उन्होंने फेंका तो वह यकायक एक सांप था जो दौड़ रहा था यह है तवक्ल इंसान का तवक्ल यह है कि इंसान अपने असबाब की हकीकत को जान ले जब अल्लाह असबाब इख्तियार करने का कहे तो अल्लाह के जरिए अल्लाह की मदद से असबाब इख्तियार किए जाए और ये याद रखे इंसान के असबाब के अंदर बरकत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह डालता है अल्लाह ने कहा असाप फेंक दे तो फेंक दिया ना फेंकते तो क्या होता सांप बनकर काट लेता उनको उनका नुकसान हो जाता तो जो काम अल्लाह ने छोड़ने के कहे चाहे उसकी लॉजिक आपको और मुझे समझ आए या ना आए उसके छोड़ने में आपका और मेरा फायदा होता है फिर अल्लाह ताला ने कहा जरा अपना हाथ अपनी बगल में दबा चमकता हुआ निकलेगा बगैर किसी तकलीफ के ये दूसरी निशानी है इसलिए कि हम तुझे अपनी बड़ी निशानियां दिखाने वाले हैं अब तू फिरौन के पास जा अच्छा मूसा को तो भेजा फिरौन के पास मुझे और आपको कुरान में अपनी निशानियां दिखाकर अल्लाह भेजता है हमारे घर वालों की तरफ बिल्कुल जैसे फिर मूसा सलाम को भेज दिया अब जाओ और अब जो तुमने कुरान के जरिए अल्लाह की निशानियां देख ली हैं, जाकर अपने घर वालों को भी दिखाओ उनको भी ईमान लाने की दावत दो अब तू फिर के पास जा वो सरकश हो गया है तो दीन का पैगाम आगे पहुंचाना है तो उसके लिए आपने और मैंने क्या करना है वही ही इतात का जज्बा रखना है जो इताद का जज्बा मूसा सलाम के अंदर था मूसा ने अर्ज किया और ये कौन था फिरौन आपको याद है ना फिरौन जिसके पास जिसके डर की वजह से कि कहीं ये फिरौन इनको पकड़ के जेल में बंद ना कर दे इन पर मुकदमा ना कर दे इन पर अदालत खड़ी ना कर दे इसी के डर से तो ये मदियन गए थे मिस्र छोड़कर और अल्लाह की शान अल्लाह इनको दोबारा उसके पास भेज रहे हैं ना सिर्फ उसके पास भेज रहे हैं बल्कि उसके एन दरबार के अंदर भेज रहे हैं कि जाओ उसके अंदर उससे बात करके आओ उसे तबलीग करके आओ मूसा ने अर्ज किया परवरदिगार मेरा सीना खोल दे वही दुआ जो हम पढ़ते हैं कौला रब ली सदरी अल्लाह मेरा सीना खोल दे यानी जो आप मुझे हुक्म दे रहे हैं मैं उसको तो खुल दे, खुले दिल से एक्सेप्ट कर लूं और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे ली अमरी अल्लाह आप ही मेरे कामों को आसान कर सकते हैं मेरे अंदर अपनी इताद का अल्लाह शौक पैदा कर दे अल्लाह तो मुझे चीजें बजाहिर मुश्किल नजर आ रही है उन चीजों को मेरे लिए आसान कर दे आसानी याद रखें कहां होती है आसानी इंसान के दिल के अंदर अल्लाह डाल देता है जब दिल को चीज आसान लगने लग जाती है तो इंसान बड़े-बड़े उसके काम कर जाता है कुर्बानी के जो उसको शायद अंदाजा भी नहीं होता इब्राहिम अलै सलाम अपने दिल की रजा की वजह से अपने इश्क और मोहब्बत की वजह से आग में कूद पड़े थे वरना अगर अक्ल की बात मानते तो अक्ल कहती यह कौन सी तरीका है आग में तुम कूद गए तो तुम तो मर जाओगे तो पीछे तुम्हारी खानदान वालों को और तुम्हारे कबीले वालों को और तुम्हारी कौम को तबलीग कौन करेगा तो अकल तो ये शोर देती है कि अपने आप को बचा लो इश्क अल्लाह से मोहब्बत और दिल कुर्बानी देने की तरफ इंसान को लेकर जाता है फिर क्या कहा वहदा तम मिल्लीसानी मेरी जुबान की गिरा सुलझा दे किस लिए कहु कौली ताकि वो लोग मेरी बात समझ सके और मेरे लिए मेरे अपने कुंबे से एक वजी मुक्र कर दे हारून जो मेरा भाई है वजीर ऐसे इंसान के लिए आता है अरबी जुबान में ऐसा इंसान जो आपका जमीनी बोझ बांट ले यानी दुनिया में आपकी जिम्मेदारी को बांट ले शेयर कर ले आखिरत में इसका कोई फायदा नहीं होगा वजीर का वजीर दुनिया ही में वो जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करे आपके साथ या आपके काम में आपका मददगार हो जाए उसके जरिए से मेरा हाथ मजबूत कर उसको मेरे काम में शरीक कर दे ताकि हम खूब तेरी पाकी बयान करें और खूब तेरा चर्चा करें यानी अल्लाह को बड़ा करने की जो बाग हो रही है उसमें हम अल्लाह आपकी ही बात को आला करें आपकी ही बात को ऊपर रखें आपके कलाम को आगे से आगे फैलाएं इसका मतलब है चर्चा करने का कि अल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करके आपकी जो हलाल चीजें हैं उनको लोगों में प्रमोट करें जो हराम चीजें हैं उसे लोगों को रोके तो हमेशा हमारे हाल पर निगरान रहा है फरमाया दिया गया जो तू ने मांगा ए मूसा हमने फिर एक मरतबा तुझ पर एहसान किया यानी अल्लाह ताला ने मूसा सलाम के भाई को हारून अल्लाह सलाम को भी नबूत दे दी याद करो वो वक्त जबकि हमने तेरी माँ को इशारा किया ऐसा इशारा जो वही के जरिए से किया जाता है कि उस बच्चे को संदूक में रख दे और संदूक को दरिया में छोड़ दे दरिया उसे साहिल पर फेंक देगा और उसे मेरा दुश्मन और उस बच्चे का दुश्मन उठा लेगा आप सोचे क्या हाल हुआ होगा माँ का लेकिन माँ ने ये काम क्यों किया बच्चे को दरिया में क्यों बहाया उसको एक वर्स्ट डेथ से बचाने के लिए इसलिए कि घर में रखती तो फिरौनी आकर उनके बच्चे को कत्ल कर देते फिर अल्लाह ने क्या कहा आपको वो सारा वाक मालूम है कि किस तरह से मूसा अल सलाम की बास्केट जो है वो फिर उनके महल में पहुंच गई थी आगे सूर्य कसस में भी उसका जिक्र आ जाएगा अब जब वहां मैं, वहां पर ये आ गए मूसा सलाम तो आपको पता है सारी कहानी के मूसा सलाम वहां पर बिलक बिलक कर रोने लगे अल्लाह ने क्या कहा वाह अल्कई तो अलई का मोहब्बत अम मैंने अपनी तरफ से तुझ पर मोहब्बत तारी कर दी इसके लिटरल मीनिंग्स होते हैं कि मैंने तुम पर मोहब्बत स्प्रे कर दी अगर हम अरबी के क्लोज क्लोज मफहम के जाए अल्लाह ने क्या कहा अल्का तो अलह का मोहब्बत मैंने अपनी तरफ से मोहब्बत दी आपको कुरान में तकरीबन अराउंड इलेवन टाइम्स हुब का लफ्ज मिलता है हुब भी मोहब्बत को कहते हैं लेकिन ये जो मोहब्बत आया है मोहब्ब ये भी अरबी में इस्तेमाल होता है ये सिर्फ यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में मूसा सलाम के लिए इस्तेमाल हुआ है हब होता है टू वे मोहब्बत हुब होता है टू वे मोहब्बत जो हा की पेश के साथ होती है हुब टू वे मोहब्बत जहाँ कुरान में आता है अल्लादीना आमन अशद हुबा जो ईमान वाले होते हैं वो अल्लाह से मोहब्बत में शदीद तर होते हैं हुब होती है टू वे मोहब्बत मोहब्बतन वन वे मोहब्बत यानी जो मूसा सलाम को देखेगा उसको मूसा सलाम पर प्यार आ जाएगा अल्लाह तला ने ये उंडेल दी मोहब्बत मूसा सलाम के ऊपर ताकि जब ये महल में रोए तो फिर उनको गुस्सा ना आए और ऐसा इंतजाम किया कि तू मेरी निगरानी में पाला जाए यानी अल्लाह ताला की तवज्जो मूसा सलाम पर रही याद कर जबकि तेरी बहन चल रही थी फिर जाकर कहती है कि मैं तुम्हें उसका पता दूं जो इस बच्चे की परवरिश अच्छी तरह करे इस तरह हमने तुझे फिर तेरी माँ के पास पहुंचा दिया ताकि इसकी आंख ठंडी रहे फरजा अना का इला उम्मी का तकर्रा और वो रंजीदा ना हो तो अल्लाह ताला ने बता दिया यहाँ पर कि औलाद जब माँ बाप के पास होती है तो माँ बाप की भी आंखें ठंडी रहती हैं माँ बाप की आंखों को भी सुकून रहता है तकर्रा आंखों का ठंडा होना इसके लिए आप सूरह फुरकान में भी एक मुहावरा पड़ेगी जो अरबी का आएगा कुर्राता आय जैसे आपने कल एक महावरा पढ़ा था जना हजली जनाह जुल्ली ऐसे ही यहाँ पर आया है तकर्रा। इसके लिए मुहावरा आता है अरबी जुबान में कुर्राता आयुन आँखों की ठंडक उसकी तरफ इशारा किया गया कि अल्लाह ने तुम्हारी माँ की आंखों ठंडा किया ताकि वो रंजीदा ना हो और ये भी याद कर देखें पहले जिक्र किया बहन का और उसके बाद जिक्र कर दिया माँ का तो इन रिश्तों का क्वालिटी बता दी कि ये रिश्ते कैसे होते हैं आपको मालूम होगा कि वाक्य क्या था कि जब टोकरी बह रही थी बास्केट बह रही थी दरिया के अंदर तो मूसा सलाम की बहन जो थी वो दरिया के साथ साथ जाकर देख रही थी कि ये बास्केट कहाँ पहुंचती है जब महल में पहुंच गई तो उसने देख लिया कि अच्छा महल में पहुंच गई है और फिर जब महल में पहुंची और उसको पता चला कि वहां ये बच्चा बहुत रो रहा है और किसी भी दाई से ये दूध नहीं पी रहा तो इस बहन ने जाकर कहा कि मैं तुम्हें ऐसी औरत का बताऊं जिसके लिए ये बच्चा जो है खामोश हो जाएगा और उसका दूध इसको रास आ जाएगा फिर माँ को बच्ची जो थी बहन जो थी वो इसी महल में लेकर आ गई तो स्कॉलर्स ने यहाँ पर ये कहा कि जो बहनें होती हैं, वो भाइयों को माओ से जोड़ने वाली होती हैं। ये भी बहनों की एक क्वालिटी है जो इससे नजर आती है आप अलैहि सल्लम ने कहा ला तक बनात बेटियों को नापसंदीदा ना कहो या उनको नापसंदीदा ना करो फ इन्ना हन्ना यानी वो बहुत ही कीमती होती हैं तो बहनों की यहाँ पर खूबी बताई गई और ये भी याद करो कि तुमने एक शख्स को कत्ल कर दिया था हमने तुझे उस पंदे से निकाला और तुझे मुख्तलिफ आजमाशो से गुजारा और मदियन के लोगों में कई साल ठहरा रहा फिर अब ठीक वक्त पर तू आ गया ए मूसा मैंने तुझको अपने काम का बना लिया है व इस तना तू का लिनफ सी अल्लाह कह रहा है मूसा मैंने तुझे अपने काम के लिए बना लिया है मूसा सलाम को मुख्तलिफ जगहों की गर्दिश कराई गई ताकि अल्लाह उनका स्किल सेट डिवेलप करे अल्लाह उनको हिकमत सिखाए, अल्लाह उनको सबर करना सिखाए। आप और मैं भी कुरान के सामने जो यहाँ आकर सब बैठे हैं, हम सब मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आकर बैठे हैं। तो अल्लाह ताला भी ये चाहता है कि अल्लाह ताला के बंदे जो किसी भी बैकग्राउंड से आए जब कुरान सुने जब कुरान उनके दिल पर बरसे अपने अपने हिसाब से खैर को समेटे और अपने अपने हिसाब से खुश खैर को आगे पहुंचाने वाले बन जाए अल्लाह ने आपको भी चुना है अपने लिए भी समझे जो अल्लाह ने मूसा ने मूसा को कहा मैंने तुझको अपने काम का बना लिया है ए मूसा अगर मुझे और आपको अल्लाह तला ने इस शहर में से लाकर कुरान के सामने बिठा दिया है तो मैं और आप खुद इंडिविजुअली ये बात सोचें कि अल्लाह ने मुझे इस काम के लिए चुन लिया है अगर अल्लाह ने मुझसे कोई कोर्स करवा लिया है तो अल्लाह ने मुझे इस काम के लिए चुन लिया है जा तू और तेरा भाई मेरी निशानियों के साथ और देखो तुम मेरी याद में तकसी न करना जाओ तुम दोनों फिरा के पास की वो सरकश हो गया है उससे नरमी के साथ बात करना शायद के वो नसीहत कबूल करे या डर जाए अल्लाह तला ने फिरोन के लिए भी कहा कि शायद कि वो नसीहत कबूल करे या डर जाए यानी इसका मतलब है कि अल्लाह का कलाम जो है वो दिल के अंदर खौफ पैदा करता है लेकिन हम अपनी गफलत का क्या कहें कि हम दुनिया के खौफों से फारिग ही नहीं होते कि हमें अल्लाह की किताब का खौफ अमल पर दौड़ा दे अभी अगर यहां पर एक चूहा आ जाए और जितने भी लोग नीचे बैठे खासतौर पर जो कुर्सियों बैठे तो फौरन अपने पाओ पर कर लेंगे और जो नीचे बैठे उनको के, वो कहेंगे हमें डर नहीं लगता हम बहुत बहादुर है आ गया है चूहा आ जाए आ जाओ चूहा कोई बात नहीं ये मामला है दुनिया में मामूली मामूली चीजों से डरते हैं और जब रब के कलाम की बात आती है तो इतने बड़े बड़े अहकाम और उनकी सजाएं सुनते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में इतनी वईदे सुनते हैं इतना जहन्नम का जिक्र सुनते हैं और डर नहीं लगता तो अल्लाह ने कहा कि शायद ये मेरा कलाम सुने और इसको डर लगे और ये नसीहत कबूल कर ले दोनों ने अर्ज किया परवर दिगार हमे अंदेशा है कि वो हम पर ज्यादती करेगा और हम पर पिल पड़ेगा अब इनको डर लग रहा है मूसा आसमाम को और हारून आल्लाम को कि फिरौन के दरबार में जाते हुए डर रहे हैं क्यों डर रहे हैं तो रसूल थे इनको डरने की क्या जरूरत है रसूल इंसान होते हैं बशर होते हैं रोबोट्स नहीं होते बहादुरी ये नहीं है कि इंसान को डर ना लगे ये ज, ये बात अपने जहन में रखे बहादुरी ये है कि इंसान को डर लगे और फिर इंसान फौरन अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अमल करना शुरू कर दे ये नहीं कि मुझे तो डर ही नहीं लगता तो उन्होंने कहा कि हमें डर है कि वो हम पर अपने गुस्से का इजहार करेगा फरमाया डरो मत मैं तुम्हारे साथ हूँ सब कुछ सुन रहा हूँ और देख रहा हूँ जाओ उसके पास और कहो कि हम तेरे रब के फरिस्तादे हैं बनी इसराइल को हमारे साथ जाने के लिए छोड़ दे और उनको तकलीफ न दे हम तेरे पास तेरे रब की निशानी लेकर आए हैं और सलामती है उसके लिए जो राह रास की पैरवी करे हमको वही से बताया गया है कि अजाब है उसके लिए जुटुट लाए और मुंह मोड़े फिर उन्होंने कहा अच्छा तो फिर तुम दोनों का रब कौन है मूसा मूसा ने जवाब दिया हमारा रब वो है जिसने हर चीज को उसकी साख्त बख्शी और फिर उसको रास्ता बताया रबी आता कुल्लश इन फिर बोला और पहले जो नज़र नस्लें गुजर चुकी हैं उनकी फिर क्या हालत है अब फिर ने क्या किया इमोशनल टॉपिक को छेड़ दिया यानी क्या किया उसने उसने ये कहा कि मूसा अल्ला सलाम अभी तक जो बड़े आराम से तबलीग कर रहे थे उसने कहा सोचा कि ऐसा सवाल पूछा जाए जिसका जवाब मूसा सलाम को ना मिले और जो दरबार में लोग बैठे हैं उनको भी फौरन ख्याल आए कि हाँ भी जो हमारे बुजुर्ग गुजर चुके जो दुनिया से जा चुके उनके बारे में क्या अप्रोच है तो डायरेक्ट उसने ऐसा सवाल किया जिसका जवाब मूसा सलाम को ना मिले मूसा सलाम ने कहा इसका इल्म मेरे रब के पास एक नोश्ते में महफूज है मेरा रब ना चुगता है ना भूलता है ये है तबलीग की हिकमत जो यहाँ से पता चलती है हर सवाल का जवाब देने की जबरदस्ती कोशिश ना करें जिस चीज़ का आपको इल्म है उसका जवाब दें जिस चीज़ का इल्म नहीं है कह दें ये तो अल्लाह बेहतर जानता है या मेरे इल्म में तो ये बात नहीं है वही जिसने तुम्हारे लिए जमीन का फर्श बनाया उसमें तुम्हारे चलने को रास्ते बनाए ऊपर से पानी बरसाया उसके जरिए से मुख्तलिफ किस्म की पैदावार निकाले खाओ अपने जानवरों को खाओ और अपने जानवरों को भी चराओ यकीनन इसमें बहुत सी निशानियाँ हैं अकल रखने वालों के लिए मिन हा खलक नाकुम व फी हा नुम व मिन हा तारतन उखरा इसी जमीन से हमने तुमको पैदा किया है इसी में हम तुम्हें वापस ले जाएंगे इसी से तुमको दोबारा निकाल लेंगे अल्लाह तला ने बता दिया अल्लाह की कुदरत की निशानियां देखो और खुद भी देखो और लोगों को भी दिखाओ तुम जिस दिन जमीन से मिट्टी से तुम्हारा ओरिजिन हुआ है इसी मिट्टी में तुम डीकम्पोज हो गये और इस, इसी मिट्टी से तुम्हें डी जेनरेट कर दिया जाएगा दोबारा उठा दिया जाएगा इसी मिट्टी से हमने फिरौन को अपनी सभी निशानियां दिखाई मगर वो जुटलाए चला गया और ना माना कहने लगा मूसा क्या तू हमारे पास इसलिए आया है कि अपने जादू के जोर से हमको हमारे मुल्क से बाहर निकाल दे अच्छा हम भी तेरे मुकाबले में वैसा ही जादू लाते हैं तय कर ले कब और कहा मुकाबला करना है न हम इस कारदात से फिरेंगे न तू फिर खुरे मैदान में आ जा मूसा ने कहा जश्न का दिन तय हुआ और दिन चढ़े लोग जमा हो गए फिरौन ने पलट कर अपने सारे हथकंडे जमा किए और मुकाबले में आ गया अल्लाह ताला ने एक फासिक और फाजिर से ये काम ले लिया अगर मूसा सलाम फिर से कहते कि तुम लोगों को इकट्ठा करो मिसर के मैंने अपने मोजसे दिखाने तो फिर कभी यह काम ना करता लेकिन अल्लाह ताला कभी कभी फासिक और फाजिर से भी दीन का काम जो है वो ले लेता है और उनको लोगों की हिदायत का जरिया बना देता है मुसा। मुसा ने एन मौके पर ग्रोहे मुकाबिल को मुखातिब कर कहा शामत के मारो ना झूठी तोहमत बांधो अल्लाह पर वरना वो एक सख्त अजाब से तुम्हारा सत्यानाश कर देगा झूठ जिसने भी घड़ा वो नामुराद हुआ ये सुनकर उनके दरम्यान राय हो गया और वो चुपके चुपके बहाम मशवरा करने लगे आखिरकार कुछ लोगो ने कहा ये दोनों तो महज जादूगर है इनका मकसद ये है कि अपने जादू के जोर ऐसी तुमको तुम्हारी जमीन ऐसी बेदखल कर दे और क्या करें वह यद बी तरी मुसला और तुम्हारे मिसाली तरीके जिंदगी का खात्मा कर दें यहाँ बता दिया गया कि उनके जहन में क्या खौफ आया कि तुम्हारा कल्चर तबाह कर देंगे तुम्हारा जो उठना बैठना है तुम्हारे जो इस वक्त लेगेसी है उसको तबाह कर देंगे ये तुम्हारे कल्चर को डिस्टर्ब करने आए है तो हर जवाल जदा जो जवाल जुदा कौम जो होती है या शामत जदा कौम जो होती है उसके लिए सब कुछ उसका कल्चर होता है और कल्चर ही जो है वो फिर इंसान को गुनाहों की तरफ इन्वॉल्व करता है इसलिए कि वो उस कल्चर की हिफाजत के लिए अपने नॉर्म्स को बदलना नहीं चाहते तो इनका भी यही डर था इनको यही ख्याल था हालांकि मूसा सलाम ने हत्ते थे क्या था उनके पास एक असा था और एक उनका हाथ था चमकता हुआ निकलता था बस इसकी वजह से उनको डर लग रहा है तो स्कॉलर्स कहते हैं असल में ये खौफ उनको मूसा सलाम का नहीं था ये खौफ उनको मोजाद का था ये खौफ उनको हक का था हक के खौफ ने उनके दिलों के अंदर रोब डाल दिया और ये हक जो है ये एक बेनाइन चैलेंज दे देता है ना अमल करने वालों को चाहे वो उसको जाहिर करें या ना जाहिर करें रेवोल्यूशन लेकर आ जाता है इसी चीज को अगर हम आज की जिंदगी में अप्लाई करें कि तुम्हारा तरीका जो है बेहतरीन जिंदगी का खात्मा करने आए हैं आप देखें आज दो गज का स्कार्फ सर पर पहनना कितने मुल्क जो हैं इसके खिलाफ इसको बैन करने के लिए लॉज पास कर रहे हैं कितने जज इसके खिलाफ जो हैं वो डिफेंसिव होकर लॉज बना रहे हैं क्यों आप हमारा कल्चर तबाह कर रहे हैं आप हमारे मुल्क के अंदर जो है हमारे तरीके को डिस्टर्ब कर रहे हैं बिल्कुल यही चीज आज की जिंदगी पर भी अप्लाई होती है आज मुसलमान औरत जो है अगर वो अपना सर कवर कर रही है तो मसला हो रहा है अगर यूनिवर्सिटी के अंदर लड़कियां सर, कर, सर कवर करके पहुंच रही हैं तो प्रॉब्लम हो रही है और उसके खिलाफ कानून पास हो रहे हैं अगर किसी मुल्क में औरत निकाफ करके चल रही है तो उसके ऊपर इश्यूज हो रहे हैं और हमारे सामने ये हो रहा है आप देखें कभी किसी मुल्क के प्रेजिडेंट ने दुनिया भर में मुसलमानों की नमाजों के खिलाफ या नमाज पढ़ने के बैन करने के लिए कोई लॉ पास किया नहीं किया रोजा ना रखने के लिए कोई लॉ पास किया नहीं किया जहां जहां इबादात से निकलकर बाहर बात आएगी वहां वहां कुफार को आपका तरीका अच्छा नहीं लगेगा और उनको लगेगा कि आपका एक अमल भी ऐसा जो है जो अल्लाह की इतात का है उनको लगेगा इसकी जद उनके कल्चर पर पड़ रही है और यही चीज इस वक्त भी नजर आई इतने हजार साल पहले भी अपनी सारी तदबीरें आज इकट्ठी कर लो और एका करके मैदान में आओ बस ये समझ लो आज जो गालिब रहा वही जीत गया जादूगर बोले मूसा तुम फेंकते हो या हम फेंके मूसा ने कहा नहीं तुम ही फेंको यकायक उनकी रस्सियां और उनकी लाठियां उनके जादू के जोर से मूसा को दौड़ती हुई महसूस होने लगी और मूसा ने अपने दिल में डर महसूस किया देखिये अल्लाह तला ने क्या कहा फाउ जसाफी नफसी ही खी फतम मूसा मूसा सलाम डर गए वही बात डर लगेगा लेकिन आपके अमल का तकाजा ये कि अपने डर पर काबू पा लें अल्लाह की मदद से हमने कहा मत डर तू ही गालिब रहेगा फेंक जो कुछ तेरे हाथ में है अभी इनकी सारी बनावटी चीजों को निकले जाता है जो कुछ ये बनाकर लाए हैं ये तो जादू का फरेब है और जादूगर कभी कामयाब नहीं होते ख्वाह किसी शान से आए आखिरकार यही हुआ सारे जादूगर सजदे में गिरा दिए गए अल्लाह ने क्या कहा सजदे में गिर नहीं गए फ उल्क या तो सुजा सजदे में गिरा दिए गए किस चीज ने उनको गिराया उनके दिलों के पलटने ने उनको सजदे में गिराया और पुकार उठे अमन्ना भी मूस उन्होंने क्या कहा कालू आमन्ना हम मान लाए भी हारून व मूसा हारून और मूसा के रब के ऊपर इसलिए उन्होंने रब को डिक्लेयर क्यों किया कि किसके रब पर ईमान लाए फिर अपने आप को रब कहा करता था रबुल रब मुल्क कहा करता था तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम किस रब पर ईमान लाए हैं हम रबी हारून और मूसा के रब पर ईमान लाए हैं फिर ने कहा तुम इस पर ईमान ले आए कबल इसके कि मैं तुम्हें इसकी इजाजत देता मालूम हो गया ये तुम्हारा ग्रो है जिसने तुम्हें जादूगरी सिखाई है अच्छा यू आर नॉट विद अस इट मीनस यू आर अगेंस्ट अस बिल्कुल यही वाली थ्योरी अच्छा अब मैं तुम्हारे हाथ पाव मुखाल सिमतों से कटवाता हूँ और खजूर के तनों पर तुमको सूली देता हूँ फिर तुम्हें पता चल जाएगा, हम दोनों में से किसका अजाब ज्यादा सख्त और देरपा है यानी मैं तुम्हें ज्यादा सख्त सजा दे सकता हूँ या मूसा जादूगरों ने जवाब दिया कसम है उस जात की जिसने हमें पैदा किया है यह हरगिज़ नहीं हो सकता की हम रोशन निशानियाँ सामने आ जाने के बाद भी सदाकत पर तुझे तरजीह दें तू जो कुछ करना चाहता है कर ले तू ज्यादा से ज्यादा बस इस दुनिया की जिंदगी का फैसला कर सकता है हम तो अपने रब पर ईमान ले आए ताकि वो हमारी खतए माफ कर दे और इस जादूगरी से जिस पर तू हमें मजबूर किया था दरगुजर फरमाए अल्लाह ही अच्छा है और बाकी रहने वाला है हकीकत यह है कि जो मुजरिम बनकर अपने रब के हजूर हाजिर होगा उसके लिए जहन्नुम है जिसमे वो ना जियेगा और ना मरेगा यानि इन लोगों ने अपने आप को फिरौन की तनकीद से और तारीफ से बिल्कुल गनी कर लिया इनको इनकी, इनकी फिक्र खत्म हो गई कि फिरौन हमारे साथ क्या मामला करेगा और इन्होंने उल्टा फिरौन को तब्लीख कर दी कि हम तो अब रबुल इज्जत पर ईमान ले आए जिसके हाथ में दुनिया भी है और आखिरत भी और जो उसके हजूर मोमिन की हैसियत से हाजिर होगा जिसने नेकमाल किए होंगे उस ऐसे सब लोगों के लिए बुलंद दर्जे है सदा बहार बाग है जिनके नीचे मेहरे बह रही होंगी इनमे वो हमेशा हमेशा रहेंगे ये जजा है उस शख्स की जो पाकिजगी इख्तियार करे कहते हैं दुनिया मुतरा है मुख्तलिफ आजमाशों में अल्लाह ताला इसके जरिए बंदों को डालता है और फिर लोगों को पाक करता है पाक कर देती है जब इसके जरिए आजमाइशें आती हैं जब इस पर सबर किया जाता है जब इसमें आने वाली खताओं के एंगल से इंसान अपने माफी मांग लेता है अल्लाह अपने बंदे को पाक कर देता है हमने मूसा पर वही की कि अब रातों रात मेरे बंदों को लेकर चल पड़ और उनके लिए समुद्र में से सूखी सड़क बना ले तुझे किसी के आपको का जरा खौफ न हो और न समुद्र के बीच से गुजरते हुए डर लगे पीछे से फिरौन अपने लश्कर लेकर पहुंचा और फिर समुंदर उन पर छा गया जैसा की छा जाने का हक था फिरौन ने अपनी कौम को गुमराहि किया था कोई सही रहनुमाई नहीं की थी लीडर का काम होता है रहनुमाई करना हिदायत का माहौल पैदा करना तो करने का काम यह है कि आप खुद भी सही राह पर आए जो आपके अंडर लोग आते हैं जो आपके सुपरविजन में आते हैं उनको भी आप हिदायत पर लेकर आए और आप सही तरह से लीडर का काम अदा करें आप लीडर किस पर हैं अपनी औलाद पर अपने घर के नौकरों पर आप लीडर हैं उनको राह राहरास दिखाएं खाली अपनी नमाजें ना पढ़ते रहें उनको भी नमाज और रोजा पढ़ने की तलकिन करें ए बनी इसराइल हमने तुमको तुम्हारे दुश्मन से निजात दी और तूर के दाएं जाने तुम्हारी हाजिरी के लिए वक्त मुक्र किया तुम पर मनोसलवा उतारा खाओ हमारा दिया हुआ पाक रिस्क और उसे खाकर सरकशी ना करो वरना तुम पर मेरा गजब टूट पड़ेगा और जिस पर मेरा गजब टूटा फिर वो गिर कर ही रहा अलबत् वफ्फारा अलबत् जो तौबा कर ले और ईमान ले आए और नेक अमल करे फिर सीधा चलता रहे उसके लिए मैं बहुत दरगुजर करने वाला हूँ गफ्फार है अल अल्लाफार अल्लाफार उन किसके लिए मुबालगे का सीगा है फॉर्म आई अल्लाह गफूर नहीं आया अल्लाह गफ्बार आया बहुत ज्यादा बख्शने वाला है बहुत ज्यादा माफ करने वाला है किसके लिए जो अमल में दौड़ रहा होता है और कभी गलती से उसका पांव लैप कर जाता है और क्या चीज तुम्हें अपनी कौम से पहले ले आई मूसा उसने अर्ज किया वो बस मेरे पीछे आ ही रहे हैं ये उस वक्त का वाक है जब अल्लाह ताला ने मूसा अल सलाम कोहे तूर पर बुलाया था उनको अहकामात देने के लिए मैं जल्दी करके तेरे हुजूर आ गया हूँ ए मेरे रब ताकि तू मुझसे खुश हो जाए इसका मतलब क्या था कि मूसा अल सलाम ने नेकी करने में जल्दी की थी मगर अल्लाह को पसंद नहीं आया नेकी के लिए भी ठहराव जरूरी है और नेकी के लिए भी तरीका जरूरी है जिस तरीके से नेकी करने का कहा जाए उसी तरीके पर नेकी की जाए तो अल्लाह को पसंद आता है फरमाया अच्छा तो सुनो हम तुम्हारे पीछे तुम्हारी कौम को आज, हमने तुम्हारे पीछे तुम्हारी कौम को आजमाइश में डाल दिया और सामी ने उन्हें गुमराह कर डाला मुसस्ता गुस्से और रंज की हालत में अपनी कौम की तरफ पलटे जाकर उससे कहा ऐ मेरी कौम के लोगो क्या तुम्हारे रब ने तुमसे अच्छे वादे नहीं किए थे हम भी अपने आप से पूछे क्या हमारे रब ने हमसे कुरान में अच्छे वादे नहीं किए क्या तुम्हें दिन लग गए हैं या तुम अपने रब के गजब ही पर या तुम अपने रब का गजब ही अपने ऊपर लाना लाना चाहते हो। लाना चाहते हो थे कि तुम मुझसे वादा तुमने मुझसे वादा खिलाफी की उन्होंने जवाब दिया हमने आपसे वादा खिलाफी कुछ अपने अख्तियार से नहीं की मामला ये हुआ कि लोगों के जेवरात के बोझ से हम लद गए थे और हमने बस उनको फेंक दिया था इसी तरह सामड़ी ने कुछ डाला और उनके लिए एक बछड़े की मूरत बनाकर निकाल लाया क्या हुआ लीडर के पीछे बगावत हो गई जब लोगों में अना होती है तभी लीडर के पीछे बगावत होती है और वो लीडर की इतात नहीं कर सकते जब लोग लीडर के मुकाबले में अपने आप को आला समझते हैं तभी लीडर की बात नहीं मानते अगर आज मैं और आप रसूल सल्हसम की सुन्नतों पर अमल करना बिनीत डिग्निटी समझते हैं इसका मतलब है कि हम आपके मुकाबले में अपनी जातों को आला समझते हैं तो उसने क्या किया कि उसने बछड़े की मूरत बनाकर निकाल लिया जिसमें से बैल की सी आवाज निकलती थी लोग पुकार उठे यही है तुम्हारा खुदा और मूसा का खुदा मूसा इसे भूल गया क्या वो देखते ना थे कि ना वो उनकी बात का जवाब देता है और ना उनके नफा और नुकसान का कुछ इख्तियार रखता है हारून अलैहिस्सलाम पहले ही इनसे कह चुके थे कि लोगो तुम इसकी वजह से फितने में पड़ गए हो तुम्हारा रब तो रहमान है बस तुम मेरी पैरवी करो और मेरी बात मानो मगर उन्होंने उससे कह दिया हम तो इसी के परस्त करते रहेंगे जब तक कि मूसा हमारे पास वापस ना आ जाए यानी उन्होंने हारून सलाम को जो अपॉइंट करके गए थे मूसा अल्लाम उनकी बात मानने से इनकार कर दिया मूसा अल्लाम कॉम को डांटने डांटने के बाद हारून की तरफ पलटे और बोले हारून तुमने जब देखा था कि ये गुमराह हो रहे थे तो किस चीज ने तुम्हारा हाथ पकड़ा था कि मेरे तरीके पर अमल ना करो क्या तुमने मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की हारून ने जवाब दिया यब ना उम्मा मेरी माँ के बेटे मेरी दाढ़ी ना पकड़ ना मेरे सर के सर के बाल खेच मुझे इस बात का डर था कि तू आकर कहेगा कि तुमने बनी ट्राइल में फूट डाल दी और मेरी बात का पास ना रखा यानी उन्होंने रीजन दिया कि क्या वजह है कि इन्होंने मेरी बात नहीं मानी और मैं इनको रोक ना सका मूसा सलाम ने कहा और सामरी तेरा क्या मामला है फमाखा तबू तो या सामरी उसने जवाब दिया मैंने वो चीज देखी जो इन लोगों को नजर न आई बस मैंने रसूलुल्लाह के नक्शे कदम से एक मुट्ठी उठा ली और उसको डाल दिया मेरे नफ्स ने मुझे कुछ ऐसा ही सुझाया मूसा ने कहा अच्छा तू जा अब जिंदगी भर तुझे पुकारते रहना है मुझे ना छूना उसको कोई अल्लाह तला ने स्किन डिजीज लगा दी थी जिसकी वजह से वो फिर इनके लोगों में से निकल गया था और तेरे लिए बास बुस का एक वक्त मुक्र है दो तो चुस्से हरगिज न टलेगा और देख अपने इस खुदा को जिस पर तू रीझा हुआ था अब हम इसे जला डालेंगे और रेजा रेजा करके दरिया में बहा देंगे आई इतना एंटीक बछड़ा उसको जला देंगे म्यूजियम में नहीं रखेंगे ये तो म्यूजियम में रखने की चीज थी म्यूजियम में नहीं रखा उसको जला दिया इसलिए कि शिर के असरा जो हैं उनको जितनी जल्दी खत्म कर दिया जाए उतना बेहतर होता है लोगो तुम्हारा खुदा तो बस एक ही अल्लाह है जिसके सिवा और कोई खुदा नहीं वो हर चीज पर हावी है और उसका इल्म हर चीज पर कुदरत रखता है यहाँ पर आपकी और मेरे लिए ये सबक है मूसा अल्लाम और हारून आलाम के वाक से कि हारून आसम ने बड़े होने के बावजूद हिकमत का मुजाहरा किया हम औरतों को अपने अंदर बर्दाश्त अपने अंदर सबर और अपने अंदर हमत और बुजुर्गी लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है जो जिस उम्र में है और खास तौर पर अगर आपकी उम्र मिसाल के तौर पर तीस साल हो गई है अब आपके अंदर अकलमंदी फिरासत फार साइटेडनेस और बुजुर्गी आनी चाहिए यह अलग बात है कि आप मिसाल के तौर पर हैं पचास की और लगती बीस की हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि अगर मैं लगती बीस की हूं तो मेरी हरकतें भी बीस वाली हो जाए हुई आई आई क्या हो गया जब वो पचास साल की औरत से ऐसे एक्सपेक्ट करेंगे जब पचास साल की औरत इस तरह करेगी तो फिर ये बताइए कि फिर उसकी बहू उसकी इज्जत कैसे करेगी उसकी बेटी उसका ख्याल कैसे रखेगी उसकी बेटी को लगेगा शायद मेरी छोटी बहन है बड़ी बहन भी नहीं अम्मा ऐसी हरकतें करती हैं कि छोटी बहन लगती हैं तो इस चीज से मुझे और आपको यह पता चलता है कि अपनी उम्र के साथ इंसान को ग्रो करना चाहिए जैसे इंसान की उम्र बढ़े उसके अंदर अक्ल और शऊर बढ़ता जाना चाहिए मामला फहमी उसके अंदर बढ़ती जानी चाहिए जैसे हो सकता है आज से पांच साल पहले मैं लोगों को माफ नहीं करती थी लेकिन अब पांच साल के बाद में मेरे अंदर कोई फर्क आना चाहिए मेरे अंदर कोई अल्लाह का खौफ आना चाहिए चाहे मेरे सामने कोई छोटा अल्लाह की बात को रखे मैं गुस्सा ना करूं बल्कि उसकी बात को सुनू कि ये क्या कह रहा है एन नबी इस तरह हम पिछले गुजरे हुए हालात की खबरें तुमको सुनाते हैं और हमने खास अपने हाथ से तुमको एक जिक्र अता किया है जो कोई इससे मुंह मोड़ेगा वो कयामत के रोज सख्त बारे गुना उठाएगा और ऐसे सब लोग हमेशा उसके बबाल में गिरफ्तार रहेंगे और क्यामत के दिन उनके लिए उस जुर्म की जिम्मेदारी का बोझ बड़ा तकलीफ दे बोझ होगा उस दिन जब के सूर फूका जाएगा यऊ मायून फकुफूर और हम मुजरिमों को इस हाल में घेर लाएंगे कि उनकी आंखें दहशत के मारे पत्थराई हुई होंगी आपस में चुपके चुपके कहेंगे दुनिया में मुश्किल से तुम कोई दस दिन गुजारे होंगे तुमने हमें खूब मालूम है कि वो क्या बातें कर रहे हैं हम ये भी जानते हैं कि उस वक्त उनमें से जो ज्यादा से ज्यादा मोहतात अंदाजा लगाने वाला होगा वो कहेगा नहीं वट आर यू टॉकिंग अबाउट दस दिन दस दिन थोड़ी रहे हो तुम्हारी दुनिया की जिंदगी बस एक दिन की जिंदगी थी अगर हमें मालूम हो जाए कि मिसाल के तौर पर आज क्या डेट है चार तारीख है आज आज तीन है थर्ड जुलाई है आज थर्ड जुलाई है अगर आपको लगे आपको पता चले कि फोर्टीन जुलाई को क्यामत आ जाएगी तो आपका और मेरा अमल आज से क्या वैसा ही होगा जैसा कल था और सुबह से अब तक था या कुछ बदलेगा बदलेगा ना तो इसकी फिक्र करें कि मैंने अपने अमल की कितनी तैयारी की है इसकी फिक्र ना करें कि किस दिन क्यामत आएगी आपको और मुझे पता ही नहीं है किस दिन क्यामत मेरे और आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी जब क्यामत एक दफा आ जाएगी उस वक्त तो बिल्कुल ऐसे लगेगा कि हम दुनिया में रहे ही नहीं कोई कहेगा दस दिन कोई कहेगा नहीं सिर्फ तो एक दिन की कुछ घड़ी हम रहे हैं ये लोग तुमसे पूछते हैं आखिर उस दिन ये पहाड़ कहाँ चले जाएंगे कहो मेरा रब इनको धूल बनाकर उड़ा देगा और जमीन को ऐसा हमवार चटियल मैदान बना देगा कि इसमें तुम कोई बल और सिलवट ना देखोगे उस रोज सब लोग मुनादी की पुकार पर सीधे चले आएंगे कोई जरा अकड़ ना दिखा सकेगा वशा अति असवातरहमान फला तस्मा उल्ला हमसा और आवाजें रहमान के आगे दब जाएंगी एक सरसराहट के सिवा तुम कुछ ना सुनोगे इमेजिन करें पूरी इंसानियत इकट्ठी है ग्रैंड गैदरिंग और विस्परिंग के अलावा कोई आवाज नहीं आएगी हमसा विस्परिंग को कहते हैं विस्पर करना कोई आवाज सुनाई नहीं देगी किस वजह से दहशत इतनी होगी खौफ इतना होगा आप अगर इस माहौल को इमेजिन करें तो आपके ऊपर अभी से उसका खौफ तारी हो सकता है उस रोज़ शफात कारगर ना होगी इल्ला ये कि किसी को रहमान उसकी इजाजत दे और उसकी बात सुनना पसंद करे वो लोगों का अगला पिछला सब हाल जानता है और दूसरों का उसका पूरा इल्म नहीं है लोगों के सर उस हय्यल क्यूम के आगे झुक ना नामुराद होगा जो उस वक्त किसी जुल्म का बारे गुना उठाए हुए हो और किसी पर जुल्म या हक तल्फी का खतरा न होगा उस शख्स को जो नेक अमल करे और उसके साथ वो मोमिन हो का वक्रलिक अनजलना हुकुर आन अरबिया ए नबी अलैहि वसल्लम इसी तरह हमने इसे कुरान अरबी बनाकर नाजिल किया है इसमें तरह तरह से तमबीहा की हैं शायद के ये लोग टेड़े होने से बच जाएं या इनमें कुछ होश के आसार जो हैं वो इसकी वजह से पैदा हो जाएं बस बालातर है अल्लाह बादशाह हकीकी देखो कुरान पढ़ने में जल्दी ना किया करो जब तक कि तुम्हारी तरफ उसकी वही तकमील को ना पहुंच जाए और दुआ किया करो वकुलरबी जिद ने इल्मा अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा सुफियान असौरी कहा करते थे इल्म अमल को पुकारता है मगर जब जवाब नहीं पाता तो वहां से रुख्सत हो जाता है तो अल्लाह मेरे और आपके इल्म में इजाफा करे तो मैं और आप नाफे इल्म हासिल करें अल्लाह के रसूल की दुआ आती है अल्लाह नाफी अल्लाह हमें नाफ इम दे वह इम जो हमें आज भी फायदा दे और कल भी फायदा दे वो इल्म जो हमें जिंदगी में भी फायदा दे मौत के बाद भी फायदा दे वो इल्म जो हमें दुनिया में भी फायदा दे और आखिरत में भी फायदा दे तो हम ऐसे इल से कि ऐसे इल्म की दुआ करते हैं अल्लाह ताला से उलमा इल्म के दर्जे बताते हैं कि इल्म के दर्जे क्या हैं। एक वो कहते हैं यानी इल्म कौन आसानी से हासिल कर सकता है उसके मुख्तलिफ स्कॉलर्स बताते हैं एक वो कहते हैं खामोश रहना सीखना यानी इल्म हासिल करने के लिए खामोशी सबसे पहली रिक्वायरमेंट है दूसरी चीज है तवज्जो से सुनना तीसरी चीज है जो सुना उसको याद रखना चौथी चीज है जो मालूम हो उस पर अमल करना और पांचवी चीज है उसको आगे लोगों तक पहुंचाना यही हुकूक आपको कुरान के हुकूक के अंदर भी मिलते हैं सूर्य बकरा के अंदर अल्लाह ताला ने कुरान के हुकूक के अंदर भी मोरोलेस इसी तरह के अहकाम दिए हैं तो इल्म का इजाफा बहुत बड़ी नेमत है इंसान कोशिश करे कि जिस तरह अपनी दौलत का इजाफा करता है जिस तरह अपनी एक्वायर्ड नॉलेज का इजाफा करता है दुनियावी इल्म का इजाफा करता है अपने रिवील्ड नॉलेज को भी साथ साथ बढ़ाने की कोशिश करे और साथ साथ इल्म की हिफाजत अमल से की जाती है हमने उससे पहले आदम को एक हुक्म दिया था मगर वो भूल गया और हमने उसमें अजम पाया याद करो वो वक्त जबकि हमने फरिश्तों से कहा था कि आदम को सजदा करो वो सब तो सजदा कर गए मगर एक इब्लीस था कि इनकार कर बैठा इस पर हमने आदम से कहा कि देखो ये तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का दुश्मन है ऐसा न हो कि ये तुम्हें जन्नत से निकलवा दे बुनियादी तौर पर ये जो अल्लाह तला ने एड्रेस आदमी सलाम को किया कहते हैं कि बुनियादी तौर पर मर्द की जिम्मेदारी होती है खानदान वालों को दीन का इल्म सिखाना हमारे मर्द खुद ये काम नहीं करते उल्टा अगर बीवियां घरों से ये काम करने के लिए निकले तो उनके भी दामन पकड़ पकड़ कर घसीट घसीट कर उनको घरों में बिठा लेते हैं अल्लाह हमारे मुसलमान मर्दों को इल्म हासिल करने वाला अमल करने वाला और अपने घर वालों के लिए इल्म हासिल करने का सामान पैदा करने वाला बनाए और तुम मुसीबत में पड़ जाओ अल्लाह ने कहा कि ये क्या है ये तुम्हारी बीवी का दुश्मन है ऐसा ना हो कि तुम्हें जन्नत से निकलवा दे और तुम मुसीबत में पड़ जाओ यहाँ तो तुम्हें ये आजमाइशें हासिल हैं कि ना भूखे नंगे रहते हो ना प्यास और धूप तुम्हें सताती है लेकिन शैतान ने उसको फुसलाया कहने लगा आदम बताऊ तुम्हें वो दरख्त जिससे अपदी जिंदगी और लाजवाल सल्तनत हासिल होती है गुनाहों में शैतान जो है वो सीक्रेटली टेम्प्ट करता है दिल के अंदर आकर इंसुवेशन डालता है आखिरकार दोनों मिया बीवी उस दरख का फल खा गए नतीजा ये हुआ कि फौरन ही उनके सतर एक दूसरे के आगे खुल गए और लगे दोनों अपने आप को जन्नत के पत्तों से ढांकने एक गलती का रेपोकर्शन क्या हुआ कि उनका लिबास उतर गया तो उन्होंने फौरन रियलाइज क्या किया आदम ने अपने रब की नाफरमानी जो की थी आदम ने फौरन अपने आप को जन्नत के पत्तों से ढांकने लग गए ये है इंसान सलीमुल फितरत कि जहां उससे गलती होती है एक तो फौरन पलटता है दूसरा जहां जिसम खुलता है वहां उसको कवर करने की कोशिश करता है कोई दर्द सुनकर आए हुए थे आदम अलैहिस्सलाम कोई दौरा कुरान अटेंड किया हुआ था उन्होंने फिर क्या किया उन्होंने ये इंसान की फितरत है तो हम भी देखें कि क्या हमारा लिबास सातिर होता है क्या हमारा लिबास हमारे जिस्म के उन काबिल शर्म हिस्सों को ढांपता है जिसके लिए अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि हम अपने जिस्म को ढांप कर रखें हमें अपना एहसास इस बात का रखना है कि शैतान आपको और मुझे औरतों को लड़कियों को खास तौर पर फैशन के नाम पर उकसाता है और फैशन के नाम पर उकसाकर सबसे पहले बेलिबास करने की कोशिश करता है आदम ने अपने रब की नाफरमानी की और राह रात से भटक गया फिर उसके रब ने उसे बरगुजीदा किया और उसकी तोबा कबूल कर ली और उसे हिदायत बख्शी और फरमाया तुम दोनों फरीक यानी इंसान और शैतान यहां से उतर जाओ तुम एक दूसरे के दुश्मन रहोगे अगर मेरी तरफ से कोई हिदायत तुम्हें पहुंचे तो जो कोई मेरी उस हिदायत की पैरवी करेगा वो ना भटकेगा और न बदब्ती में मुबतला होगा अल्लाह तला ने बता दिया कि जो हिदायत पर रहेगा उसके लिए अल्लाह तला खुद ब खुद राह रास्त खोलता चला जाएगा और हिदायत हिदायत का मतलब क्या है कि आपको और मुझे जिंदगी गुजारने का सही तरीका मिल जाए और जिंदगी गुजारने का सही तरीका कहाँ से मिलेगा आपके मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन से या आपको अपनी होली बुक से मिलेगा आपको अपने मुल्क की होली बुक से मिलेगा जो अल्लाह ताला ने आपको कुरान की शक्ल में अता की है जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा उसके लिए दुनिया में तंग जिंदगी होगी अल्लाह ने क्या कहा वन अन राअिक जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा अल्लाह का जिक्र क्या है अल्टीमेट जिक्र सबसे बड़ा जिक्र अल्लाह का कुरान है हम कहते हैं अल्लाह का जिक्र क्या है अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशा अल्लाह ये अल्लाह का जिक्र है ये भी अल्लाह का जिक्र है लेकिन अल्लाह का सबसे बड़ा जिक्र अकबर जिक्र अल्टीमेट जिक्र अल कर्न है अल्लाह ने कहा जो कुरान से मुंह मोड़ेगा फन्ना लाहुमा दंग का उसके लिए दुनिया में तंग जिंदगी होगी हम तो ये देखते हैं कि जो अल्लाह के नाफरमान हैं, उनकी तो जिंदगियां बहुत खुशहाल है तो ये महिषतन दनकन कैसे हो गई जिंदगी दुनिया में बहुत नेमतें होंगी घर में बहुत आसाइशें होंगी घर माल से भरा हुआ होगा लेकिन सुकून नहीं होगा खुशी नहीं होगी वो तो किसी ने कहा है ना वी हैव लर्न हाउ टू अर्न अ लिविंग बट नॉट अ लाइफ हमारे साथ ये तो हो गया कि हमने बहुत कुछ जमा कर लिया लेकिन अब जमा करने के बाद हम उसको एंजॉय नहीं कर सकते बहुत सी मेडिसिन आ गई लेकिन अब हमारे पास बहुत सी बीमारियों का इलाज ही नहीं है हर नई बीमारी आ जाती है तो मयतन दनकन के अल्लाह ताला जिंदगी में तंगी लेकर आ जाएगा फैंसियर हाउस होंगे लेकिन सुकून नहीं होगा फैमिली नहीं होगी बड़े बड़े घर होंगे और छोटी छोटी, छोटी फैमिलीज होंगी हर एक एक फर्द अपने अपने कमरे में घर में चार लोग रहते हैं चारों अपने अपने कमरे में अलग अलग तो ये है बहुत सामान जमा कर लिया लेकिन चैन नहीं है दरमियान में और क्या के रोज हम उसे अंधा उठाएंगे वो कहेगा कौला रब्बी लिमा हाशरत ने आमा वक़द पर वर दिगा दुनिया में तो मैं आंखों वाला था यहाँ मुझे अंधा क्यों उठाया अल्लाह फरमाएगा हाँ इसी तरह तू हमारी आयात को जबकि वो तेरे पास आई थी तो तूने उसे भुला दिया था हम भी आज तुझे इसी तरह भुला रहे हैं इस तरह हम हद से गुजरने वाले और अपने रब की आयात ना मानने वालों को दुनिया में बदला देते हैं और आखरत का अजाब ज्यादा सख्त और ज्यादा देरपा है आदम आल को इल्म दिया गया था आदम सलाम ने इल्म जो लिया था इल्म की वही की रोशनी पे उस पर अमल किया तो अल्लाह ताला ने उनको दुनिया के अंदर भी बहुत सा नवाजा अल्लाह ने उनको औलाद से भी नवाजा और अल्लाह इनशा आखरत में भी उनके दर्जात बुलंद करेगा तो अल्लाह तला ने मुझे और आपको ये बात बता दी है दुनिया निभाओ अल्लाह की फर्मा के साथ दुनिया इन्जॉय करो अल्लाह की फर्मा के साथ दुनिया की नियमतों को लगाओ अल्लाह की फर्मा के अंदर फिर क्या उन लोगों को तारीख के उस सबक से कोई हिदायत न मिली कि इनसे पहले कितनी ही कौमों को हम हलाक कर चुके हैं जिनकी बर्बाद शुदा बस्तियों में आज चलते फिरते हैं दर हकीकत इसमें बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अकले सलीम रखने वाले हैं अगर तेरे रब की तरफ से पहले एक बात तय न कर दी गई होती और मोहलत की एक मुद्दत मुक्र न की जा चुकी होती तो ज़रूर उनका भी फैसला चुका दिया जाता बस ए नबी सल फसविर अला मा मकूल जो लोग ये बातें बनाते हैं इस पर सबर कीजिए वह सब भी बेहमदी रब भी का कबला तुलू इश्मी व कबला गुरुबी हा और अपने रब की सना के साथ उसकी तस्बी करो सूरज निकलने से पहले और गुरूब होने से पहले और रात के औकात में भी तस्बी करो और दिन के किनारों पर भी क्यों ला अल्लाह का तरदा शायद की तुम राजी हो जाओ क्यों तस्बी तो हम कर रहे हैं तो हमें तो कहना चाहिए कि शायद की अल्लाह राजी हो जाए अल्लाह ने कहा ला का शायद हो सकता है तरदा तुम राजी हो जाओ तो जेहन में रखें कि तस्वीर का फायदा हम ही को होता है तस्वीर का फायदा इंसान ही को होता है तस्बी हमारी नफ्सियाती उलझनों का इलाज है जब आप तस्वीर करते हैं तो आपके नर्व रिलैक्स हो जाते हैं जब आप तस्वीर करते हैं और शऊर के साथ करते हैं तो थोड़ी देर के लिए आप अपने गम को भूल जाते हैं तो तस्वीर का फायदा इंसान को खुद होता है और इंसान किस तरह से अपने से राजी होगा हो इसलिए कि इंसान अपनी रूह का हक अदा करता है तस्बी करके जब इंसान तस्वीर करता है अपने लिए नेकियां लिखवा लेता है अपने लिए अच्छे आसार क्यामत के तक के लिए इस कायनात पर छोड़ रहा होता है और जब वो आखिरत में अल्लाह के पास पहुंचेगा और उसको इस तस्वीर का अजर दिया जाएगा, तो ये यकीनन उसके अपने लिए फायदा मंद चीज होगी इसीलिए कहा गया लाअल्ला का तरदा कि शायद कि तुम इससे फायदा हासिल करो और राजी हो जाओ वो तो हमने उन्हें आजमाइश में डालने के लिए और निगाह उठाकर भी ना देखो दुनियावी जिंदगी की उस शान शौकत को जो हमने इनमें से मुख्तलिफ किस्म के लोगों को दे रखी है यानी किसी का घर देख कर आओ तो उसको डिस्कस मत करते रहना मना कर दिया अल्लाह तला ने वला तमु दन न आई नई का इला मा मता अन भी जो तुम में से किसी को दिया है उस पर अपनी आंखें लंबी ना करो आप सिग्नल पर खड़ी है और आपके बराबर से एक लंबी सी गाड़ी गुजरी और आप पूरा उसको देखती रहती है ये है अपनी आंखें लंबी करना कितना अल्लाह ताला ने एक एग्जैक्ट मुहावरा लिखा है यहाँ पे आंखें लंबी करना और ये मिसाल बिल्कुल फिट आती है आप कहीं से गुजर रही हैं सड़क से और आपने देखा किसी का लंबा सा घर है खत्म होने में नहीं आ रहा आपकी आंखें लंबी हो रही होती है साथ साथ आंखें लंबी उसकी निगाह खिंच रही होती है साथ साथ अल्लाह ने मना कर दिया इस काम से अब जब कभी आइंदा आपके साथ ऐसा हो और होगा हम इंसान है हम इंसानों के साथ दुनिया की मोहब्बत भी है दुनिया की शहवात भी है दुनिया की टेम्पटेशन भी है होगा जब हो फौरन अपनी निगाह फेर कर अल्लाह के साथ अपना मामला दुरुस्त कर लें और तस्वीर में अपने आप को मसरूफ कर लें या अगर आप किसी की नेमत को देखें तो कहें अल्लाह माशा अल्लाह जो भी आप कहना चाहें आप उसको कहें दुआ दे दीजिए अल्लाह बरकत डाले इनके लिए अल्लाह इनको हिदायत के साथ इन चीजों को इस्तेमाल करने की तोफिकता फरमाए लेकिन आंखें लंबी ना करें आंखें लंबी करने का मतलब एक ये भी होता है हसरत से देखना हसरत से ना देखें किसी दूसरे की नियमत को वो तो हमने उन्हें आजमाइश में डालने के लिए दी हैं और तेरे रब का दिया व रिसके हलाल ही बेहतर और पाइंदातर है जो लोग रिसके हलाल की कोशिश करते हैं उनको पता होता है कि रिसके हलाल कमाने से घर में कितना सुकून रहता है जब रिसके हलाल घर में आता है तो बीमारियां भी कम होती हैं उलझने भी कम होती हैं परेशानियां भी कम होती हैं और आप में से जिस जिस ने अपने घरों के अंदर बचपन से रिसके हलाल की तकरार सुनी है उसने ये चीज महसूस की होगी कि अल्लाह तला रिसके हलाल की हिफाजत भी बहुत करते हैं आपकी चीजें बहुत कम खोएंगी आपकी चीजें बहुत कम जो है चोरी होंगी अल्लाह की रहमत से वो आजमाइश आ जाए तो अलग बात है लेकिन अल्लाह रिसके हलाल की हिफाजत करता है तो अल्लाह ने कहा जो तुम्हें दिया है रिसके हलाल दिया है उस पर कनात करो उस पर कंटेंट रहो अपने अहलो अयाल को नमाज की तलकीन करो अल्लाह ताला ने फौरन आपको और मेरा जहन दुनिया से हटाकर इस चीज पर ले आते हैं करो क्या ये ना करो तो ये कभी ये नहीं कहा कि ये मत करो और बस छोड़ दिया वैक्यूम नहीं छोड़ा जब अल्लाह किसी एक काम से मना करता है तो दो चार हुक्म दे देता है कि अब ये काम नहीं कर रहे हो तो अब ये काम करो अल्लाह ने कहा अपने अहलो अयाल को नमाज की तलकीन करो और खुद भी इसके पाबंद रहो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक दफा एक नरेशन में बताया था ये जो हम बात कर रहे करें क्या दूसरों की नियमतों पर अपनी आंखें लंबी ना करें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि अल्लाह तुम्हारे लिए दुनिया की नियमतों आरइश और जैबाइश का दरवाजा खोल देगा लेकिन ये उम्मत को फितने में डालने के लिए खोला जाएगा तो अगर अल्लाह ताला ने मुझे और आपको बहुत सी नेमतें दी हैं तो अल्लाह ना करे कि उन नेमतों को इस्तेमाल करते में हम रब के अपना बन रहे हों बहुत कॉन्शियस होने की जरूरत है नमाजों का ख्याल रखें कुरान का हक अदा करें जिंदगी में कुरान को अपने जो है शामिल करें हम हम तुम में से हमें कोई रिस्क नहीं चाहते अल्लाह ने कह दिया रिस्क तो हम तुम्हें दे रहे हैं और अंजाम की भलाई तकवाही के लिए है वो कहते हैं कि ये शख्स अपने रब की तरफ से कोई निशानी यानी मुजजा क्यों नहीं लाता और क्या इनके पास अगले सहीफों की तमाम तालीमत का बयान वाजे नहीं आया अगर हम उसके आने से पहले उनको किसी अजाब से हलाक कर देते तो फिर यही लोग कहते ऐ हमारे परवरदिगार तू ने हमारे पास कोई रसूल क्यों नहीं भेजा मुशरकिन मक्का का जिक्र है कि अल्लाह तला ने इतने सालों के बाद इनके अंदर बनु इसमाइल में रसूल भेजा अल्लाह ने इन पर हजत तमाम कर दी ताकि कल को ये ना कहें कि हमारे पास तो इतने अरसे से कोई किताब नहीं थी कोई रसूल नहीं था अल्लाह ने यहाँ रसूल भेज दिया कहते कि ऐ हमारे परवरदिगार तू ने हमारे पास कोई रसूल क्यों न भेजा के जलीलो रसुआ होने से पहले ही हम तेरी आयात की पैरवी इख्तियार करते ए नबी इनसे कहो हर एक अंजाम कार के इंतजार में है बस मुंतजर रहो अन करीब तुम्हें मालूम हो जाएगा, कौन सीधी राह चलने वाला है और कौन हिदायत याफ्ता है फसत नमन अब सवीर वा कौन हिदायत पर चलने वाला है तो अल्लाह तला मुझे और आपको हिदायत पर चलने वालों में शामिल फरमाए और याद रखें अल्लाह ने जो मुझे और आपको दीन दिया है उसमें जरूरियात के साथ साथ ख्वाहिशात को पूरा करने की भी बहुत गुंजाइश है तो दूसरे की नेमत से हम ना हसद करें और ना जो हमारे पास नहीं है उस पर हम अपने आप को परेशानी का शिकार करें पारा नंबर सेवनटीन अम्बिया सूरतल अंबिया मक्की सूरत है इसमें सलासा का जिक्र आता है और इसी मजमून पर पिछली सूरत खत्म हुई है अब इंसान की जिंदगी और हिसाब किताब जो मामला चलता है उसी से ये बात शुरू होगी कि क़्यामत भी आएगी और क्यामत के लिए इंसान को अपनी तैयारी भी करनी है और क्यामत का मामला जो है उससे कोई इंसान बच नहीं सकता अल्लाह को सब लोगों ने हिसाब देना है बिस्मल रहमान रहिम इकताराबा लिनासी हिसाब हम वी गफलत करीब आ गया लोगों के हिसाब का वक्त और वो है कि गफलत में मुंह मुड़े हुए हैं इंसान को होश ही नहीं कि उसने हिसाब किताब देना है इंसान के ऊपर जिंदगी में मुख्तलिफ अदवार आते हैं मुख्तलिफ मौके आते हैं मुख्तलिफ सरकमस्टांसिस आते हैं लेकिन इंसान अपने रब की तरफ ना पलटे उन हालात में तो इसका मतलब है कि उसने उन हालात से फायदा ना उठाया करीब आ गया वो वक्त बस ये करीब ही आ लगा है क्यामत का वक्त भी हमें क्या मालूम हो कि कितना करीब हमारे आ गया है रसूल अल्लाह सल्लाह तो कहा करते थे की मैं और क्यामत बिल्कुल ऐसे है की जैसे ये दो उंगलियाँ बिल्कुल इतना करीब क्यामत का वक्त है और अल्लाह के रसूल वसल्लम को गए हुए भी साढ़े चौदह सौ साल हो चुके हैं उनके पास जो भी ताज़ा नसीहत उनके रब की तरफ से आती है उसको बार तकलब सुनते हैं और खेल में पड़े रहते हैं दिल उनके दूसरी ही फिक्रों में मुनहमिक है लाह उनको लूब उनके दिल कही और ही बिजी है खेल तमाशे में बिजी है खेल तमाशे इंतहाई सीरियस लगते है और हकीकत उनके लिए खेल बनकर रह गई है खेल तमाशों की बातों के अंदर उनको कुरान सुनने का मौका ही नहीं मिलता उसी में बिजी रहते हैं गुनाहों का जहर जिंदगी में जब इतना बढ़ जाए कि इंसान को हिसाब देने का का भी होश ना रहे तो इंसान अपनी कबर से और इंसान अपनी मौत से गाफिल हो जाता है और उसको अपनी कबर और बरस खेल तमाशे लगने लगते हैं बहुत लाइट हार्टेडली सुनते हैं जहन कहीं और होता है या सुनते भी हैं तो सिर्फ बरकत के लिए सुनते हैं म आपस में सरगोशियां करते हैं ये शख्स आखिर तुम जैसा ही एक बशर तो है फिर क्या तुम आंखों देखते जादू के बन्दे में फंस जाओगे रसूल ने कहा मेरा रब हर उस बात को जानता है जो आसमान और जमीन में की जाए वो समी और अलीम है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो एज इट इज दावत का पैगाम पहुंचा दिया चाहे कुफार ने आपके लिए क्या ही क्या बातें बनाई और आपसे कितनी ही चीज़ों का तकाजा किया वो कहते हैं बल्कि ये परागंदा ख्वाब है बल्कि ये उसकी मन घड़ा है कहा करते थे कि अल्लाह के रसूल सल्लाह वसलम ने कुरान खुद घड़ लिया है बल्कि ये महज शायर है वरना ये लाए कोई निशाने जिस तरह पुराने जमाने के रसूल निशानियों के साथ भेजे गए थे उनको समझ नहीं आता था कि अल्लाह के रसूल सल्लाह वसलम को किस कैटेगरी में फिट करें मोजा भी नहीं आता इनके पास इनके साथ हम इतना बुरा सलूक भी करते हैं तब भी हमारे साथ इतने जो है वो काइंड रहते हैं तो उनको समझ नहीं आया करती थी कि ये कैसे इंसान है रसूल हैं कि इंसान है और इंसान है तो रसूल है हम इनको बशर माने भी के ना माने हालांकि इनसे पहले कोई बस्ती भी जिसे हमने हलाक किया ईमान ना लाई अब क्या ये ईमान ना लाएंगे ए नबी तुमसे पहले भी हमने इंसानों ही को रसूल बनाकर भेजा था जिन पर हम वही किया करते थे आप सोचे इस वक्त हम अल्लाह का कलाम सुन रहे है और हम अल्लाह के कलाम को अल्लाह की किताब से सुन रहे हैं और हमारा ईमान है कि हम अल्लाह के कलाम को सुन रहे हैं आप इमेजिन करें कि ये अल्फाज रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से कुफार सुना करते थे और अल्लाह के रसूल अपने लिए कह रहे हैं अब बता रहे हैं कि ए नबी तुमसे पहले हमने इंसानों ही को रसूल बनाकर भेजा था जिन पर हम वही किया करते थे ये दुनिया का मामूल रहा ये दुनिया का एक क्राइटेरिया रहा कि दुनिया एक आला हस्ती को तो मानती रही लेकिन अपने ही जैसे इंसान को एक्सेप्ट करना उनके लिए मुश्किल हो गया मुश्किल क्यों हो गया इसलिए उनको यकीन नहीं आता था कि वही इंसान जो 20 साल से हमारे दरम्यान में रह रहा था 40 साल से हमारे दरम्यान में रह रहा था हमारे दरम्यान चलता फिरता था खाता पीता था घर वाला था अचानक से इसने सुबह उठकर कहना शुरू कर दिया कि रात मुझ पर एक फरिश्ता आया था और फरिश्ते ने कहा है कि अब मैं जो बात कहूंगा वो बात अल्लाह की तरफ से बात होगी जो मेरी बात मानेगा वो अब अल्लाह की फरमाबरदारी और एतात करेगा तो उनको ये बात हजम नहीं हुआ करती थी इसलिए अल्लाह के रसूल सल्ला वसल्लम की ऐसी बातों पर और ज्यादा एतराज किया करते थे और कहा करते थे कि मोजा दिखाओ तुम लोग अगर इम नहीं रखते तो अहले किताब से पूछ लो इन रसूलों को हमने कोई ऐसा जिस्म नहीं दिया था कि वो खाते ना हो और ना वो सदा जीने वाले थे फिर देख लो आखिरकार हमने उनके साथ अपने वादे पूरे किए और उन्हें और जिसको हमने चाह बचा लिया और हद से गुजर जाने वालों को हलाक कर दिया वाहलकनल मुशरफीन इसराफ करने वालों को हलाक कर दिया जिन्होंने अपनी जानों के साथ इसराफ किया अपनी जान के साथ इसराफ करना क्या है जान आपकी दी हुई किसकी है अल्लाह की है हक तो यह है कि हक अदा न हुआ इस जान को अल्लाह के लिए इस्तेमाल ना किया इस जान को इस शरीयत को नाफि करने के लिए इस्तेमाल ना किया इस जान को अपनी रूह की तरबियत के लिए इस्तेमाल ना किया लकद निक रुकुम अफला हमने तुम्हारी तरफ एक ऐसी किताब भेजी है जिसमे तुम्हारा ही जिक्र है क्या तुम समझते नहीं हो खुद को कुरान का मुखातिब समझे कुरान का उनवान इंसान कुरान का मौजू मैं इंसान अल्लाह ने कहा फी हिजिक रुकुम इसमें तुम्हारा ही तो जिक्र है ये कुरान हम इंसानों ही को तो समझाने आया है हमें बशारतें देता है हमें वार्निंग देता है हमें अहकाम देता है हमें मुनकरात से रोकता है हमें बताता है कि कैसे तोहफे दो हमें बताता है कैसे खर्च करो हमें बताता है कैसे माफ कर दो हमें बताता है कैसे बाखलाक बन जाओ कैसे अपना तस्किया कर लो कैसे लोगों के साथ अफवाह दरगुजर का मामला करो हर चीज यह हमें सिखाता है मेरा ही तो जिक्र है इसके अंदर जिस रब ने मुझे बनाया है उस रब ने मेरी मैनुअल किताब जो है वो कुरान की शक्ल में दे दी है कुरान मेरा मौजू है आप देखें आप कोई मिसाल के तौर पर अपनी गैजेट लेकर आती हैं नई गैजेट ब्रांड न्यू और आप अपनी गैजेट लाती हैं और आप मैनुअल पढ़े बगैर उसको मिसाल के तौर पर वो थी वन टेन वोल्ट की आपने उसको डाल दिया टू ट्वेंटी वोल्ट में तो क्या होगा गैजेट तो आपकी जल गई एक्सपायर हो गई खत्म हो गई बेकार हो गई सिर्फ उसको एक गलत प्लग लगाने की वजह से आपने जाया कर दिया इंसान जो गैजेट है इंसान जो मशीन है इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो कोई मशीन ही नहीं है चाहे उसको रूहानी एंगल से देखा जाए चाहे उसको जिसमानी एंगल से देखा जाए इसको मैनुअल पढ़े बगैर मैनुअल बुक से इंस्ट्रक्शन लिए बगैर अगर इसको, इसको इस्तेमाल किया गया तो इसकी भी सारी हार्ड डिस्क करप्ट हो जाएंगी तो मुझे और आपको अपने लिए इस किताब को एक जिंदा किताब बनाना है मेरे एक एक कदम की हिदायत इसके अंदर है हम इतने मामूली मामूली इंसानों की तारीफ जब सुनते हैं तो हम उस चीज को कितना संभाल कर रखते हैं मिसाल के तौर पर किसी न्यूज के अंदर आपका इंटरव्यू छप जाए एक छोटी सी आपकी तस्वीर छप जाए आप वो न्यूज का उतना पोर्शन पहले न्यूज संभाल के रखते हैं फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है तो क्या करते हैं कि उसका उतना पोर्शन काट के फिर अपने पास कहीं रख लेते हैं आपके स्कूल मैगजीन्स होते हैं कॉलेज मैगजीन्स होते हैं उसमें आपने कोई आर्टिकल लिखा उसमें आपने कोई पोइम लिखी उसमें क्लास की तस्वीर है आपकी और उस क्लास की तस्वीर में फोर्टी बच्चों के अंदर एक आप खड़ी हुई है एक डॉट की तरह आप उसको संभाल कर रखती हैं जिंदगी भर तक इसमें मैं हूं आप पूछे कहा हो ये वो जो राइट पर फोर्थ रूम में थर्ड लड़की है ना वो मैं हूं जिस चीज में हमारा जिक्र होता है उसकी हम इतनी कदर करते हैं आपकी कोई दोस्त एसएमएस में आपकी तारीफ करके आपको भेज देती है हम सारे एसएमएस डिलीट कर देते हैं उसको संभाल के रखते हैं क्यों वी है रुकुम, उसमें तुम्हारा ही तो जिक्र है और ये कुरान इसमें भी तो मेरा और आपका ही जिक्र है तो इसको भी संभाल कर रखना है इसको भी अमल में लेकर आना है इसका भी इल्म हासिल करना है इसकी भी कदर करनी है इसको ऐसे ही सीने से लगा कर रखना है जैसे बाकी चीजों को अपने सीने से लगाकर रखते हैं दुनिया की कितनी ही जालिम बस्तियां हैं जिनको हमने पीस कर रख दिया आप आयात पढ़े तो खौफ आता है वह कम कसम निन करियन का न अल्लाह ने उनको पीस कर रख दिया और उनके बाद दूसरी किसी कौम को उठाया जब उनको हमारा अजाब महसूस हुआ तो लगे वहाँ से भागने कहा गया भागो नहीं जाओ आप अप अपने उन्हीं घरों और ऐश के सामानों में जिनके अंदर तुम चयन कर रहे थे शायद के तुमसे पूछा जाए जिन घरों को छोड़कर तुम निकलते नहीं थे जिन घरों में तुम्हारी जान अटकी रहती थी जिन घरों को बनाने सवारने में तुमने दीन को रिजेक्ट कर दिया दीन की सदा आ रही थी दीन की पुकार आ रही थी तुमने अपनी जान की अपने वक्त की कुर्बानी नहीं दी सिर्फ इसलिए कि मेरा घर निगलेक्ट ना हो जाए जाओ अब अपने उन्ही घरों के अंदर कहने लगे हाय हमारी कम्बख्ती बेशक हम खतावार थे और वो यही पुकारते रहे यहां तक के हमने उनको खिले कर दिया जिंदगी का एक शरारा तक उनमें ना रहा कितना चीखे होंगे कितना कितना शोर मचाया होगा लेकिन इंसान बहुत चीखता है तो उसकी आवाज बैठ जाती है ना चीख चीख कर उसकी आवाज बैठ जाती है अल्लाह ने कहा जितना भी चीखो पुकार इन्होंने करनी थी कर ली कट गई इनकी नस्ल कट गई इनकी कौम खत्म हो गए ये बहुत भड़कते थे अल्लाह का नाम सुनकर बहुत मजाक उड़ाते थे इस्लाम वालों का बहुत ज्यादा जो था इनको एतराज होता था दिन पर चलने वालों के ऊपर अब देख लो जरा पिन ड्रॉप साइलेंस खामोशी है बिल्कुल कब्रस्तानों को देख लो या इनके रूबंस को देख लो एक ही जैसे लगते हैं खामोशी बिल्कुल एक भी सिर सराहट एक भी विस्पर सुनाई नहीं देता हमने इस आसमान और जमीन को और जो कुछ इनमें है कुछ खेल के तौर पर नहीं बनाया अल्लाह इतनी दफा आपको और मुझे बार बार मोहब्बत के साथ बता रहा है अल्लाह ने बेमकसद नहीं बनाया तुम्हें जब अल्लाह ने जमीन और आसमान बेमकसद नहीं बनाया तो वो इंसान जो इस दुनिया के अंदर मजे से घूमता फिरता है मजे से खाता पीता है मजे से पहनता ओढ़ता है मजे से शादी ब्याह करता है मजे से बच्चों को एंजॉय करता है अपनी खुशियां मनाता है अपनी वेकेशन बनाता है कैसे उसको बेमकसद पैदा किया गया होगा मकसद ना भूल जाना अपना अगर हम कोई खिलौना बनाना चाहते और बस यही कुछ हमें करना होता तो अपने ही पास से कर लेते मगर हम तो बातिल पर हक की चोट लगाते हैं जो इसका सर तोड़ देती है और देखते देखते मिट जाता है बातिल मिट जाता है और तुम्हारे लिए तबाही है उन बातों की वजह से जो तुम बनाते हो मे मा जो तुम्हारे दिमाग बनाते हैं अब देखें आयत में क्या आया है आयत के अंदर आया है बल नक विफू बिलहक़ बिलहक़ी अलबातिल फैद महू दिमाग दिमाग इस्तेमाल करो दावत दी जा रही है कि तुम्हारा दिमाग वरना तुम्हें जो है हलाकत में डाल देगा इसको इस्तेमाल करो इस पे जंग लग जाएगा जमीन और आसमानों में जो मखलूक भी है अल्लाह की है एक बात याद रखें हम इंसान एक ट्रायंगल की तरह है। हमारा ट्रायंगल कैसे बनता है हमारा जिसम हमारा दिमाग और हमारी रूह अगर हमने अपने जिसम को हावी किया तो सिर्फ और सिर्फ ख्वाहिशात पूरी करते रहेंगे अगर हमने अपने दिमाग को हावी किया तो हम सिर्फ टू प्लस टू करते रहेंगे मैंने आपको घूर कर देखा आप भी जवाब में घूर कर देखेंगी मैंने आपको गुस्से से देखा आप भी जवाब में गुस्से से देखेंगी आप किसी को माफ नहीं कर सकेंगी अम्मी ने आपको थप्पड़ मारा आप भी बराबर अम्मी को थप्पड़ मार देंगी इसलिए टू प्लस टू दिमाग कहते हैं बराबर ही होनी चाहिए दिल का मामला करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ रहम माँ कहेगी मेरे बच्चे से उठा नहीं जा रहा चलो रह दो सैरी नहीं कराती इसको बगैर शैरी का रोजा रख लो बेटा नहीं उठा जा रहा कोई बात नहीं बच्चा उठ नहीं रहा स्कूल के लिए रोज तंग करता है अम्मा कहती चलो सो जाओ एक महीने से स्कूल नहीं जा रहा अगर दिल के हवाले करेंगे तो रहम रहम और रहम से दुनिया नहीं चल सकती तो हमें असल में ना जिसम को फॉलो करना है ना दिमाग को फॉलो करना है ना मुझे और आपको अपने सिर्फ दिल को फॉलो करना है मुझे और आपको अपनी रूह को फॉलो करना है ये रूह दिल और दिमाग के अंदर बैलेंस सिखा देगी जमीन और आसमानों में जो मखलूक भी है अल्लाह की है और जो फरिश्ते उसके पास हैं, वो ना अपने आप को बड़ा समझकर उसकी बंदगी से सरताबी करते हैं ना मलूल होते हैं यानी बता दिया गया कि वो अल्लाह ही की इतात में हर वक्त लगे रहते हैं फरिश्तों का मकसद इबादत बंदगी फरिश्ते जो बगैर ख्वाहिशात के पैदा किए गए शबो रोज उसकी तस्वीर करते रहते हैं और दम नहीं लेते यानी बिल्कुल भी थकते नहीं है आज हमें से हर कोई कहता है हम थक गए बाहर से होके आएंगे तो थक गए कुरान पढ़कर आएंगे तो थक गए फारिक बैठे हैं तो थक गए सैरी खाएंगे तो थक गए इफतारी खाएंगे तो थक गए तराबी पढ़कर आएंगे तो थक गए कुरान पढ़ा तो थक गए हम कितना थकते हैं इलाज बता दिया अल्लाह के फरिश्ते क्या करते हैं शब और रोज उसकी तस्वीर करते रहते हैं लेकिन उनको थकन नहीं होती है दम नहीं लेते तो बता दिया अगर तुम्हें एनर्जी चाहिए तस्वीर करते रहो सबीर करते रहो उठते बैठते अल्लाह की तस्वीर करो इनशाला क्या इन लोगों के बनाए हुए आरजी खुदा ऐसे है की बेजान को जान बख्श कर उठा खड़ा करते हो अगर आसमानों जमीन में एक अल्लाह के सिवा दूसरे खुदा भी होते तो जमीन और आसमान दोनों का निजाम बिगड़ जाता बस पाक है अल्लाह रब्बुल अर्श उन बातों से जो ये लोग बना रहे हैं वो अपने कामों के लिए किसी के आगे जवाबदेह नहीं है और वो सब जवाब दे है जैसे लोग बाफ़ा नहीं कहते अल्लाह ने मेरे साथ ये किया मैं क्यामत में पूछूंगी अल्लाह से अल्लाह अकबर आप सोचे वो दिन जिसके लिए इतनी आप आयतें पढ़ रहे हैं कि उस दिन इतनी खामोशी होगी कि सिर्फ विस्परिंग की शायद आपको आवाज आ रही हो जहां पूरी इंसानियत इकट्ठी होगी जहां दो औरतें बैठ जाए वहां खामोशी होती नहीं है आप सोचें वहां उस दिन क्यामत वाले दिन कितनी औरतें इकट्ठी होंगी सब कुछ चुप लगी हुई होगी अपने अमाल की वजह से अपने अमाल की याद उनको होगी अपने अमाल का सीन नजर आ रहा होगा और अल्लाह की बनाए हुए उस रोजे मैशर का खौफ होगा तो कहा यह कहना कि हम क्या में पूछेंगे अल्लाह से बताओ जरा मुझे ऐसे बच्चे क्यों दिए थे अल्लाह मैं क्या में पूछूंगी ऐसा शकर क्यों दिया था मुझे कैसे पूछेंगे अल्लाह से क्या उसे छोड़कर उन्होंने दूसरे खुदा बना लिए हैं ए नबी इनसे कहो लाओ अपनी दलील ये किताब भी मौजूद है जिसमें मेरे दौर के लोगों के लिए नसीहत है और वो किताबें भी मौजूद हैं जिनने मुझसे पहले लोगों के लिए नसीहत थी मगर इनमें से अक्सर लोग हकीकत से बेखबर हैं, इसलिए मुंह मोड़े हुए हैं। हमने तुमसे पहले जो रसूल भी भेजा उसको यही वही की है कि मेरे सिवा कोई खुदा नहीं बस तुम मेरी ही बंदगी करो ये कहते हैं रहमान औलाद रखता है सुबह अल्लाह वो यानी फरिश्ते तो बंदे हैं जिन्हें इज्जत दी गई है उसकी हजूर बढ़कर नहीं बोलते और बस उसके हुक्म पर अमल करते हैं जो कुछ उनके सामने है उसे भी जानता है जो कुछ उनसे ओझल है उससे भी बाबर है वो किसी की सिफारिश नहीं करते बजुज इसके जिसके हक में सिफारिश सुनने पर अल्लाह राजी हो शिफात के बारे में इस्लाम में दो कॉन्सेप्ट सामने क्लियर है एक है शिफात हका्ला जिसको इजाजत देगा जिसकी इजाजत देगा जितनी इजाजत देगा अल्लाह के रसूल सल्लाम उसकी शिफात करेंगे लेकिन ये कंडीशनल शिफात होगी और जो लोग इस्लाम में ये चाहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक के लिए शिफात करेंगे उनका कॉन्सेप्ट शिफात बातलाह का है और इसका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है तो जो जब, जो भी अल्लाह के साथ मामला रखना है इस बात को समझ लो कि तुम्हें खुद अपना सहारा अपने अमाल के जरिए ढूंढना है जन्नत में पहुंचेंगे तो अल्लाह की रहमत से लेकिन अगर कुछ अमाल किए होंगे अपने आप को क्वालिफाई किया होगा जब फायदा होगा वीजे के लिए अप्लाई करते हैं जब तो आपको और मुझे वीजा मिलता है या घर बैठे बैठे आपने अप्लाई भी नहीं किया पासपोर्ट भी नहीं बनाया पता चला टीसीएस वाला आया ये आपका अमेरिकन पासपोर्ट पूरा मिल गया आपको आइए कभी ऐसा होता है अमल तो करना पड़ेगा जन्नत के लिए अपने आप को क्वालिफाई तो करना पड़ेगा हम अल्लाह अल्ला के दीन को बहुत क्वेस् करते हैं जब हम अल्लाह के दीन को बहुत क्वेश्चन करते हैं तभी हमारे अंदर जो है ये शिफात बाला का कॉन्सेप्ट आता है हम कहते हैं नहीं ऐसा नहीं मुमकिन है अल्लाह के रसूल हमें बख्शवा लेंगे देख लेना अल्लाह के रसूल हमें बचा लेंगे क्यामत के दिन अल्लाह के रसूल काली कमले में हमें छुपा लेंगे ये सब और सब शिफात -ए बातला है हमारे और सिर्फ और सिर्फ डाउट्स शकूक और शुबात हैं जो दीन के बारे में है हम दीन पर शकूक और शुबात करते हैं दीन पर सवाल पूछते हैं हर हुक्म पर सवाल पूछते हैं कभी हमने इस बात पर सवाल पूछा कि मुझे अपना दाया कान क्यों दिखाना है अमेरिकन पासपोर्ट के लिए जाके एमबेसी वालों से पूछा क्यों दिखाना है दाया कान बताएं मुझे इसकी वजह पहले मैं नहीं दिखाऊंगी वरना वहां तो वजह नहीं पूछते कभी आपने डॉन्स के ऊपर जो है एतराज किया ये कैसे हो सकता है कि मैं जानवरों से बन गई हूँ उस पर भी एतराज नहीं करते बचपन से साल हाथ साल से नस्ल दर नस्ल से पढ़ते चले आ रहे हैं वही थ्योरी जो मैंने पढ़ी वही मेरी बच्चे पढ़ रहे हैं वही थ्योरी जो आपने पढ़ी वही आपके बच्चे पढ़ रहे हैं इन चीजों पर तो हम एतराज नहीं करते तो देखने की बात यह है कि अल्लाह ने जो दीन दिया है उस दीन के अंदर आपके और मेरे लिए फायदे की चीजें हैं सवाल करके उसको तंग ना करें सवाल करके उसको मुश्किल ना करें सवाल करके अपने लिए शकूक शकूको शबाद को इकट्ठा ना करें तो अल्लाह ने बता दिया कि उस दिन किसी की सिफारिश नहीं है बजुज उसके जिसके हक में सिफारिश सुनने पर अल्लाह राजी हो और वो उसके खौफ से डरते रहते हों और जो उनमें से कोई कह दे कि अल्लाह के सिवा मैं भी एक खुदा हूँ तो उसे हम जहनम की सजा देंगे हमारे यहाँ का यही बदला है क्या वो लोग जिन्होंने नबी की बात मानने से इनकार कर दिया है गौर गौर नहीं नहीं करते? क्या नहीं करते? क्या अल्लाह ताला ने एक साइंटिफिक फैक्ट की तरफ आपको और मुझे इशारा करवा दिया अवालमरल नफरू समावा का न तरत का अल्लाह ने क्या किया बताया कि सब आसमान और जमीन बाहम मिले हुए थे फिर हमने उन्हें जुदा किया और पानी से हर जिंदा चीज पैदा की साइंस ने बताया ये वही फिनमिना है जिस फिनमिना के लिए कहा जाता है आज उस थ्योरी को कि ये बिग बैंग की थ्योरी है कि इनिशियली कायनात के अंदर जमीन और आसमान मिले हुए थे फिर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ उस एक्सप्लोजन से गैसेस रिलीज हुई उन गैसेस के रिलीज होने से जमीन और आसमान जो थे उनकी स्ट्रक्चर जो था वो डिसाइड हुआ और ये पहले जमीन बहुत गर्म थी वक्त के साथ साथ इसके अंदर कूलिंग का सिस्टम शुरू हुआ और ये कूलिंग से सिस्टम बढ़ता चला गया तो इस थ्योरी को बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है आज का इंसान जो फिजिक्स पढ़ने वाला होता है वो जब इस आयत को पढ़ता है तो उसका जहन फौरन बिग बैंग थ्योरी की तरफ जाता है एक बात का जहन में ख्याल रखें, कुरान जो है अल्लाह ताला ने जो मुझको और आपको दिया है इस कुरान में कई साइंटिफिक फैक्ट्स बयान हुए हैं। हो सकता है आज इस आयत को वो बिग बैंग की थ्योरी कहकर कह रहे हैं। जरूरी नहीं है कि साइंस जो है अपनी इस बात पर कायम रहे कल हो सकता है वो अपनी इस थ्योरी को कोई और नाम दे दें कुरान की बात अटल रहेगी कुरान ने जो साइंस बता दी वो अपनी जगह एम्बेडेड है इंसान उसको अपनी अकल के हिसाब से समझता है और सोचता है और जिस दौर में उसके पास जितने उसके गैजेट्स होते हैं जितनी उसका इल्म होता है जितनी उसकी रिसर्च होती है उसकी रोशनी में बता देता है कि ये ये थ्योरी है वरना अगर कल को साइंस अपना बिग बैंग थ्योरी का टाइटल बदल लेगी कुरान की आयत का मफूम नहीं बदलेगा कुरान की आयत अपनी जगह रहेगी फिर अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ने हर चीज को पानी से पैदा किया है आप देख लें हम देखते हैं कि पानी ही जानदारों में हरकत करने का बायस बनता है साइंस ने भी ये बात बताई कि जो सिंगल सेल अमीबा बना उसकी भी प्रोडक्शन जो हुई थी वो पानी में हुई थी क्या वो हमारी इस खलाकी को नहीं मानते कुरान जो है उसको कहा जाता है पोस्ट मॉडर्न अगर साइंस मॉडर्न है तो कुरान पोस्ट मॉडर्न है हमने जमीन में पहाड़ जमा दिए ताकि वो इन्हें लेकर ढलक ना जाए और इसमें कुशादा राहें बना दें शायद के लोग इससे अपना रास्ता मालूम करें हमने आसमान को एक महफूज छत बना दिया सकफन महफूजा एटमॉस्फेयर को कहते हैं जो अल्लाह ताला ने एटमॉस्फेयर बनाया एक और साइंटिफिक फैक्ट आपके सामने आ गया कि अल्लाह ताला ने एक एटमॉस्फेयर हमारी इस जमीन पर बना दिया है जिसकी वजह से आसमान से चीजें इस जमीन पर आकर टकराती नहीं हैं। अगर ऐसा होता तो इस जमीन पर हम एक बिल्डिंग ना बना सकते इसलिए कि बहुत अनसर्टनिटी होती किसी तरफ कोई मीटोराइट आकर गिरता किसी तरफ कोई चीज आकर गिरती किसी तरफ कोई चट्टान आकर गिरती और जमीन के ऊपर एक अनसर्टेनिटी का मामला रहता तो अल्लाह ताला ने कह दिया कि हमने इसको एक महफूज छत बनाया है एक एटमोसफेयर दे दिया है मगर यह है कि क्यामत की निशानियों की तरफ तवज्जो ही नहीं करते वो अल्लाह ही है जिसने रात और दिन बनाए और सूरज और चांद को पैदा किया सब एक एक फलक में तैर रहे हैं यानी ऑर्बिट्स की तरफ इशारा कर दिया गया अल्लाह तला ने बता दिया कि ऑर्बिट्स में सब तैर रहे हैं आपको मालूम होगा कि साइंस अब बता रही है कि एक है मैटर और एक है डार्क मैटर और जो डार्क मैटर है वो मैटर के मुकाबले में कई बिलियन टाइम्स ज्यादा है तो ऑर्बिट्स में तैर रहे हैं और किस तरह से आप देखें तैरता इंसान किस में है मैं कहूं मैं तैर कर आई हूं मैं हवा में तैर कर आऊंगी किस में तैर कर आऊंगी पानी में तैरता इंसान किसी चीज में है ना तो वो जो जिस चीज जिसमें ऑर्बिट तैर रहे हैं मैटर तो ये हो गया ना जितनी भी चीजें आपकी सॉलिड चीजें हैं या गैसेस की फॉर्म है में वो मैटर हो गया डार्क मैटर वो कहते हैं कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है फिजिक्स आज बता रही है एस्ट्रोफिजिसिस्ट आज बता रहे हैं कि डार्क मैटर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है और ये जो ऑर्बिट्स हैं असल में सारे ये जो गैलेक्सीज हैं और पूरी यूनिवर्स है ये डार्क मैटर के अंदर असल में मौजूद है और नबी हमेशा की तो हमने तुमसे पहले किसी भी इंसान के लिए नहीं रखी अगर तुम मर गए तो क्या ये लोग हमेशा जीते रहेंगे हर जानदार को मौत का मजा चखना है हम अच्छे और बुरे हालात में डालकर तुम सबकी आजमाइश कर रहे हैं, आखिरकार तुम्हें हमारी ही तरफ पलटना है तो बता दिया अपने जहन से ये कॉन्सेप्ट निकाल दो देट यू ओनली लिव वंस यू ओनली यंग वंस तुमने एक दिन मरना है तो याद रखना खत्म नहीं हो जाएगी जिंदगी अल्लाह की तरफ पलटना है आजमाइश में डाले गए हो ये मुनकरीने हक हाँ जो तुम्हें देखते हैं तो तुम्हारा मजाक बना लेते हैं कहते हैं क्या ये वो शख्स है जो तुम्हारे खुदाओं का जिक्र किया करता है और उनका हाल ये है कि रहमान के जिक्र से मुनकर है खुल इंसान उमिन अजल इंसान जल्दबाज मखलूक है हर चीज जल्दी जल्दी हासिल करना चाहता है आज ही मिल जाए कल क्यों बच्चों से सब्र नहीं होता आप कहें बच्चे बच्चे आपसे कोई चीज मांगे आप कहें अच्छा ईद पर दिलाऊंगी ईद पर क्यों अभी दिलाएं हमारा क्या हाल है हमें हमारे शोहर कहे आप कहें मुझे जो है फला जगह का फर्नीचर चाहिए आपके शोहर कहे इस साल नहीं अगले साल दिलाऊंगा अगले साल क्यों इस साल क्यों नहीं हालांकि अगले साल आते कोई देर लगती है इंसान हर चीज को लेने में जल्दी करता है अगर किसी चीज को लेने में डिले करता है तो वो है अल्लाह की किताब इसका इल्म और इसका अमल अभी मैं तुमको अपनी निशानियां दिखाई देता हूं मुझसे जल्दी ना मचाओ ये लोग कहते हैं आखिर यह धमकी पूरी कब होगी अगर तुम सच्चे हो काश इन काफरों को उस वक्त का कुछ इल्म होता जबकि ये ना अपने मुंह आग से बचा सकेंगे न अपनी पीठे और न उनको कहीं से मदद पहुंचेगी वो बला अचानक आएगी और उन्हें इस तरह यखलख दबोश लेगी कि ये न उसको दफा कर सकेंगे और न उनको लम्हे भर मोहलत मिल सकेगी मजाक तुमसे पहले भी रसूलों का उड़ाया जा चुका मगर उनका मजाक उड़ाने वाले उसी चीज के फेरे में आकर रहे जिसका वो मजाक उड़ाते थे बता दिया गया मजाक मत बनाओ चीजों का अल्लाह ताला ने इंसान के ऊपर इल्म को आहिस्ता आहिस्ता खुद बखुद खुद खोल दिया गया आज से साढ़े चौदह सौ साल पहले शायद सुन के, के आसमान को छत बनाया गया है लोग उसका मजाक उड़ाते हों लेकिन जैसे जैसे साइंस की मालूमत में इजाफा होता चला गया लोगों के सामने वही की तालीमत खुलती चली गई तो लोगों को तो वही के और करीब आना चाहिए था लेकिन मामला उल्टा हुआ जैसे जैसे साइंस तरक्की करती गई लोग वही के इल्म से दूर जाते गए लोग साइंस को आला समझते रहे और वही के इल्म को कमतर समझते रहे बता दिया गया कि इस कायना को जिसके साइंस के पीछे तुम अपनी जान लगा रहे हो अपनी रिसर्च कर रहे हो अपना सारा वक्त और एनर्जीज़ लगा रहे हो इन सब को एक दिन मौत आ जाएगी ये सब खत्म हो जाएंगे ए नबी सल अला वसलम इनसे कहो कौन है जो रात को दिन को तुम्हारे रहमान से कौन है जो रात को या दिन को तुम्हे रहमान से बचा सकता हो मगर ये अपने रब की नसीहत से मुंह मोड़ रहे हैं क्या ये कुछ ऐसे खुदा रखते हैं जो हमारे मुकाबले में इनकी हिमायत करें वो तो ना खुद अपनी मदद कर सकते हैं और ना हमारी ही तायद उनको हासिल है असल बात यह है इन लोगों को और इनके आबाओ अजदाद को हमारी जिंदगी का सामान हम दिए चले गए यहां तक कि उनको दिन लग गए मगर क्या उन्हें नजर नहीं आता कि हम जमीन को मुख्तलिफ सिमतों से घटाते चले आ रहे हैं फिर क्या ये गालिब आ जाएंगे बता दिया गया साइंस का एक और फैक्ट कि जमीन जो है वो एक्सपेंड हो रही है और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट करेगी साइंस ने भी बता दिया अल्लाह ने कहा कि हम इसको मुखलिफो से घटाते चले आ रहे हैं घट रही है फासले कम हो रहे हैं इसके लिए स्कॉलर्स एक और इसका एंगल बताते हैं और वो एंगल इसका क्या बताते हैं कि जैसे दिन और रात का मामला होता है जैसे उरूज और जवाल का मामला होता है ऐसे ही इंसान की भी उम्र घटती जाती है जवानी गुजरती जाती है जब जवानी में अपनी सारी सलाहियतें और सेंसेस अपने उरूज पर होती हैं, ऐसा आहिस्ता क्या होता है कम होती जाती हैं, घटती जाती हैं, उनमें कमी आती जाती है इंसान का जो दुनिया का हिस्सा है वो कम होता जाता है इसलिए कि उसकी मौत की तरफ वापसी हो रही होती है आप देखें जब बहुत नियमतें आ जाती है तो मिसाल के तौर पर बहुत खाना आ गया बहुत पैसा आ गया लेकिन डायबिटिक हो गए चालीस साल के बाद अब खाना नसीब नहीं हो रहा बहुत कपड़े हैं लेकिन अब जिसम वैसा नहीं रहा बहुत वक्त है लेकिन अब नींद नहीं आती तो ये चीजें क्या है अल्लाह इंसान का दुनिया में हिस्सा कम करता जाता है ये भी इस आयत के अंदर स्कॉलर्स का एक कहना है बहुत मानी इसके लिए हैं उन्होंने उनसे कह दो कि मैं तो वही की बिना पर तुम्हें मुतनबे कर रहा हूँ मगर बहरे पुकार को नहीं सुना करते जबकि उन्हें खबरदार किया जाए अगर तेरे रब का अजाब जरा उन्हें छू जाए तो अभी चीख उठे कि हाय हमारी कम बख्ती बेशक हम खतावार थे क्यामत के रोज हम ठीक ठीक तोलने वाले तराजू रख देंगे फिर किसी शख्स पर जरा बराबर जुल्म न होगा वनादा किस्त जिस का राय के दाने बराबर भी कुछ किया दरा होगा वो हमारे सामने ले आएंगे और हिसाब किताब लगाने के लिए हम काफी हैं बता दिया गया जिसको हिसाब किताब की फिकर होगी वो काफिल नहीं हो सकता वो थोड़ी देर के लिए भी गुनाह में इन्वॉल्व नहीं हो सकता और तराजू की बात कर दी मतलब है आप देखें एक होता है मैं फलां को हिस्से दे दूंगी आपने हाथ से पकड़े और हिस्से बनाकर किसी चीज के दे दिए एक होता है मैं तराजू में डालकर दूंगी इसका मतलब क्या है प्रिसीजन एक प्वाइंट भी आगे पीछे नहीं होगा अगर किसी को दस टेन पॉइंट फाइव दिया है तो सारों को टेन पॉइंट फाइव मिलेगा अगर मैंने 99 नाइन टाइम्स किसी को हकारत की निगाह से देखा अल्लाह नाइनटी नाइन टाइम्स हकारत की निगाह से देखना मेरे तराजू में से निकाल लेगा अल्लाह उसको पलड़े में डाल देगा प्रसिजन का जिक्र आता है इस तराजू से वाला कदा आता मूसा व हारून अल फुरान अवदिया अजिक मुत्ती पहले हम मूसा और हारून को फुरक़ान और रोशनी और जिक्र अता कर चुके हैं उन मुत्तकी लोगों की भलाई के लिए जो बे देखे अपने रब से डरे और जिनको हिसाब की उस घड़ी का खटका लगा हुआ हो अब यह बाबर का जिक्र हमने तुम्हारे लिए नाजिल किया है अफा अन तुम लहु मुनकिर फिर क्या तुम इसको कबूल करने से इनकारी हो मुशरकिन मक्का को कहा जा रहा है अब भी कुरान पढ़ लो दुनिया तुम पर कुशादा हो जाएगी क्यों तुम इतरास करते हो आज हमें भी दुनिया के लिए दुनिया के लिए भी और आखरत के लिए भी दुनिया को पीसफुल जगह बनाने के लिए दुनिया पर इस्लामी शरीयत को नाफिज करने के लिए मुझे और आपको इसी कुरान की तरफ रजू करना होगा आखरत संवारने के लिए इसी कुरान की तरफ रुजू करना होगा अपनी अगली नस्ल के लिए जो लेगेसी हम छोड़कर जाना चाह रहे हैं उसके लिए मुझे और आपको इसी कुरान की तरफ रुजू करना होगा इससे पहले हमने इब्राहिम को उसकी होशमंदी बख्शी थी और हम उसको खूब जानते थे याद करो वो मौका जबकि उसने अपने बाप और अपनी कौम से कहा था ये मूर्तें कैसी हैं जिनके तुम लोग गर्विदा हो उन्होंने जवाब दिया हमने अपने बाप दादा को उनकी इबादत करते पाया है उसने कहा तुम भी गुमराह हो और तुम्हारे बाप दादा भी सरी गुमराह में पड़े हुए हैं यानी एनसेस्ट्र वर्शिप में लगे हुए हो लकीर के फकीर हो सबको इब्राहिम अलहसलम ने ठीक ना कहा जिस जो गलत था उसको गलत कह दिया उन्होंने कहा क्या तू हमारे सामने अपनी असली ख्याल पेश कर रहा है या मजाक करता है उसने जवाब दिया नहीं बल्कि फिल वाकई तुम्हारा रब वही है जो जमीन और आसमानों का रब और उनका पैदा करने वाला है उस पर मैं तुम्हारे सामने गवाही देता हूँ और अल्लाह की कसम मैं तुम्हारी गैर मौजूदगी में जरूर तुम्हारे बुतों की खबर लूंगा बता दिया गया इब्राहिम तनहा थे लेकिन डरे नहीं अल्लाह ने इब्राहिम आल सलाम को उनकी कौम में से साथी नहीं दिए लेकिन रुके नहीं अल्लाह ने उनको अगर सपोर्ट नहीं की तो उन्होंने अपने लिए इस चीज को कॉम्प्रोमाइज़ का तरीका नहीं बनाया कि लो मेरे साथ तो कोई है ही नहीं अल्लाह तला मैं कैसे इतनी बड़ी कौम को समझाऊंगा कैसे उनके अंदर तबलीग करूंगा कैसे उनको आपकी किताब की तरफ लाऊंगा तन्हा थे लेकिन तमाम मराहल जिहाद के और कुर्बानी के उन्होंने तय किए चुनाचा उसने उनको टुकड़े टुकड़े कर दिया रिवायात में आता है कि इनकी कौम अपने किसी फेस्टिवल के लिए शहर से बाहर गई हुई थी इब्राहिम सलाम ने कहा मेरी तबियत ठीक नहीं है मैं नहीं जाऊंगा पीछे रहे और उसके बाद फिर इन्होंने उन बुतों के जाके सबको तोड़ दिया और क्या किया अभी आगे आ जाएगा बड़े वाले बुत के कंधे के ऊपर जो था वो एक्स रख दिया कुल्हाड़ा रख दिया और सिर्फ इनके बड़े को छोड़ दिया ताकि शायद वो उसकी तरफ रुझू करें उन्होंने आकर बुतों का ये हाल देखा तो कहने लगे हमारे खुदाओं का ये हाल किसने कर दिया बड़ा ही जालिम था वो बाज लोग बोले हमने एक नौजवान को इनका जिक्र करते सुना था जिसका नाम इब्राहिम है उन्होंने कहा तो पकड़ लाओ उसे सबके सामने ताकि लोग देख लें उसकी कैसी खबर ली जाती है जरा सबको दिखा दो जो हमारी बात नहीं मानेगा कैसे हम उसको टॉर्चर करेंगे ताकि आइंदा कोई इस्लाम की बात करने की बात हिम्मत ना करे ताकि आइंदा कोई तबलीग की हिम्मत ना करे बिल्कुल ये अंदाज इब्राहिम के आने पर उन्होंने पूछा क्यों इब्राहिम तूने हमारे खुदाओं के साथ ये हरकत की है उसने जवाब दिया बल्कि ये सब कुछ उनके उस सरदार ने किया है इनसे पूछ लो अगर ये बोलते हैं ये सुनकर वो लोग अपने जमीर की तरफ पलटे यानी क्या हुआ था उन लोगों की जिंदगी में हक का नूर आया था दिल के अंदर एहसास पैदा हुआ था हिदायत का नूर चमका था लेकिन उन्होंने इससे फायदा नहीं उठाया और जब उन्होंने एक बार इससे फायदा नहीं उठाया तो हिदायत बार बार दरवाजा नॉक नहीं करती आप हिदायत को रिजेक्ट करें हिदायत बहुत गयूर होती है गैरतमंद होती है दोबारा नहीं आती और अपने दिलों में कहने लगे वाकई तुम खुद ही जालिम हो मगर फिर उनकी मत पलट गई पहले अपने आप को बोला था कि हाँ ये सही तो कह रहे भला हमारे बुद्ध कैसे बोल सकते हैं हम इनसे कैसे पूछ सकते हैं हमारा बड़ा बुद्ध जो है वो छोटो को कैसे तोड़ सकता है दिल में ख्याल आया था बिल्कुल जैसे अबू जहल को भी और अखनस अखना शुरे के दिल में भी ख्याल आया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कलाम पढ़ रहे हैं ये झूठ नहीं हो सकता ये किसी इंसान का नहीं हो सकता ये एक आला कलाम है लेकिन उसने कहा था कि अगर हम इस पर ईमान ले आए तो हम अपने कबीले को इनके अंडर देना पड़ेगा और ये हम काम नहीं कर सकते फिर उनकी मत मारी गई और बोले तू जानता है ये बोलते नहीं है इब्राहिम ने कहा फिर क्या तुम अल्लाह को छोड़कर उन चीजों को पूज रहे हो जो ना तुम्हें नफा पहुंचाने पर कादिर है ना नुकसान तुफ तो है तुम पर और तुम्हारे उन माबूदों पर जिनकी तुम अल्लाह को छोड़कर पूजा कर रहे हो क्या तुम कुछ भी अकल नहीं रखते तो बता दिया गया कि जो रब का आशिक होता है वो असल में खुशकिस्मत होता है इनके ऊपर तो मत मारने का अल्लाह ताला ने इल्जाम लगा दिया उन्होंने कहा क्या कहा हर रिकु वंरू फाइलिन जला डालो इसको और हिमायत करो अपने खुदाओं की अगर तुम्हें कुछ करना है तो अल्लाह तला ने भी जवाब में क्या कहा अल्लाह की मोहब्बत में इब्राहिम सलाम ने इतना बड़ा कदम उठाया था अल्लाह ने आग को हुक्म दे दिया कुल ना या ना रूकू नी बर्दन व सलाम अल इब्राहिम अला इब्राहिम एक आग ठंडी हो जा और सलामती बन जा इब्राहिम के लिए अकल कहती तो कभी भी उस आग में ना छलांग लगाते मोहब्बत और इश्क ने उनको इस काम को करने के लिए तैयार कर दिया और आग अल्लाह की मखलूक है अल्लाह जिस वक्त चाहे जिस फिजिकल लॉ को चाहे बदल सकता है हाँ ये जरूर है कि अल्लाह ये काम बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं करता वरना दुनिया की डिपेंडेंसी नहीं रहेगी अगर फिजिकल लॉस बहुत तेजी से इधर से उधर बदल लेंगे कांस्टेंट है फिजिकल लॉस लेकिन जब अम्बिया आते थे रसूल आते थे अल्लाह इन्हीं फिजिकल लॉस के अंदर तब्दीली करके मोजदा दिखाया करता था वो चाहते थे कि इब्राहिम के साथ बुराई करें मगर हमने उनको बुरी तरह नाकाम कर दिया और हमने उसे उसे और लूत को बचाकर उसकी सरजमीन की तरफ निकाल ले गए जिसमें हमने दुनिया वालों के लिए बरकतें रखी थीं और हमने उसे इसहाक अता किया और याकूब उस पर मजीद और हर एक को सौले बनाया और वाजा अल्लाम अबी अमरीना हमने उनको इमाम बना दिया जो हमारे हुक्म से रहनमाई करते थे हमने उन्हें वही के जरिए नेक कामों की और नमाज कायम करने और जक़ात देने की हिदायत की और वो इबादत गुजार लोग थे इब्राहिम सलाम ये जो काम सारे कर रहे हैं किस लिए किए थे उन्होंने दीन की खिदमत के लिए कितने फिगर सैलरी मिलती थी उनको कोई सैलरी नहीं मिलती थी दीन की दावत 100 परसेंट ये करियर करना अल्लाह की खातिर ये भी एक करियर है जो अपनाया जा सकता है अल्लाह के दीन के लिए अपने आप को वक्फ कर देना यह है रब की बंदगी में अपने आप को दे देना अगर अल्लाह ने आपको इतने रिसोर्सेज दिए हैं कि आप अपने वक्त से इतना वक्त निकाल सकती हैं कि अल्लाह के काम के लिए वॉल्टियर करें अल्लाह के दीन की खिदमत करें तो जरूर ये काम करें हंड्रेड परसेंट कामयाब लोग अल्लाह की नजर में इस करियर को भी अपनाएं ये भी एक करियर पाथ है अपने बच्चों को अपने औलादों को इसके लिए तैयार करें और लूत को हमने हुक्म और इल्म बख्शा और उसे उस बस्ती से बचा कर निकाल दिया जो बदकारियां करती थी दर हकीकत वो बड़ी ही बुरी फासिक कौम थी लूत को हमने अपनी रहमत में दाखिल किया और साले लोगों में से वो था यही नेमत हमने नूह को दी मिन लहु फन जई नाह मिनल कर बिल अजीम याद करो जबकि उन सबसे पहले उसने हमें पुकारा था हमने उसकी दुआ कबूल की उसे और उसके घर वालों को करब अजीम से निजात दी मिन करबिल अजीम करब अजीम क्या गुनाहगार लोगों के अंदर घिरे रहना मोमिन के लिए इससे बड़ा अजाब इससे बड़ा कर्ब कोई नहीं होता एक कर्ब क्या था तूफान उस तूफान से अल्लाह ताला ने इनको बचाया और दूसरा इंतहाई गुनागार लोगों में जो घिरे हुए थे उससे अल्लाह ताला ने इनको बचाया इंसान ऐसी जगह पर रह सकता है जहां सड़कें टूटी फूटी हों लेकिन ऐसे माशरे में रहना ऐसी सोसाइटी में रहना जहां गुनाह आम हो जहां जिना आम हो जहां सूद आम हो वो मोमिन के लिए कर्ब अजीम का माहौल होता है और उस कौम के मुकाबले में उसकी मदद की जिसने हमारी आयात को छुटला दिया था वो बड़े बुरे लोग थे बस हमने उन सबको गर्क कर दिया अब एक शुक्र की मिसाल आ रही है और इसी नेमस से हमने दाऊद और सुलेमान को सरफराज किया याद करो वो मौका जबकि दोनों एक खेत के मुकदमे में फैसला कर रहे थे जिसमें रात के वक्त दूसरे लोगों की बकरियां फैल गई थीं और हम उनकी अदालत खुद देख रहे थे उस वक्त हमने सही फैसला सुलेमान को समझा दिया हालांकि हुक्म और इल्म हमने दोनों ही को अता किया था याद है हमने इबन तैमिया की दुआ याद की थी और आपके सामने जिक्र किया था या मुफाहिम सुलेमान मुफाह मुफाहमान सलाम को फहम अता करने वाले अल्लाह मुझे भी फहम अता कर दे इब्न तैमिया की दुआ थी किसी स्कॉलर ने कहा कि एक शेर यानी एक किलो अकल इस्तेमाल करने के लिए एक टन हिकमत की जरूरत होती है खाली अगर अकल होगी तो वो अकल आपके लिए लिथल भी हो सकती है वो आपके लिए कतिल भी हो सकती है वो आपको गुनाहों के अंदर भी ले जा सकती है गुनाहों में शार्पनेस आपके ला सकती है तो एक किलो अकल इस्तेमाल करने के लिए एक टन हिकमत की जरूरत पड़ती है कुरान में आता है खैरन कसीरा जिसको हिकमत दे दी गई उसको तो खैर कसीर दे दिया गया दाऊद के साथ हमने पहाड़ों और परिंदों को मुस्खर कर दिया था जो तस्वीर करते थे उस फेल के करने वाले हम ही थे और हमने उसको तुम्हारे फायदे के लिए जर्रा बनाने की सन्त सिखा दी थी ये अम्बियालाम के अंदर अल्लाह तला ने देखें ये चीज भी दिखा दी कि अम्बिया ने भी दुनियावी तरक्की हासिल की उन अम्बिया की जिंदगी में भी साइंस ने बहुत प्रोग्रेस की कौमों ने तरक्की की दुनिया वालों को फायदा पहुंचा और अमन दुनिया में उस वक्त कायम होता है जब हकूमत के अंदर नेक दीनदार लोग आ जाएं। उस वक्त दुनिया में अमन कायम होता है और सुलेमान सलाम और दाऊद सलाम के टाइम में आपको यही कॉम्बिनेशन नजर आता है हकूमत भी और बेहतरीन इल्म भी दीन का जब इन्होंने अपनी फितरत को आगे रखा और अकल को उसके पीछे पीछे चलाया तो फिर मामला बैलेंस्ड रहा आज हमारा मामला क्या है हमारे माशरे में इन्वेंटर्स अलग हैं, हाफिज अलग हैं, मदरसा अलग है यूनिवर्सिटी अलग है इसलिए हमारा कॉम्बिनेशन आउट हो गया है हमारे अंदर बैलेंस नहीं है हमें इस बैलेंस को लाने की जरूरत है किसी ने कहा कि कितना अच्छा कॉम्बिनेशन हो कि इमाम साहब मस्जिद में तरावी पढ़ाकर या नमाज पढ़ाकर आए उसके बाद कहे अच्छा अब मैं एटम पर रिसर्च करने जा रहा हूं कितना अच्छा कॉम्बिनेशन हो अल्लाह ऐसे मुसलमानों को हमारे इस कॉम के अंदर उठाए ये चीज होगी तो इकतेदार आपको दुनियावी तरक्की के साथ भी नजर आएगा और इकतेदार में आपको तकवा भी नजर आएगा ताकि तुम एक दूसरे की मार से बचाए तो अल्लाह ताला ने उनको सना सिखाई उन्होंने जरें बनाई ताकि तुम एक दूसरे की मार से बचाए फिर क्या तुम शुक्रगुजार हो सुलेमान के लिए हमने तेज हवा को मुसर कर दिया था जो उसके हुक्म से उस सरजमीन की तरफ चलती थी जिसमें हमने बरकतें रखी हैं हम हर चीज का इल्म रखने वाले थे शयातीन में से हमने ऐसे बहोतों को उसका ताबे बना दिया था जो उसके लिए गौते लगाते और उसके सिवा दूसरे काम करते थे इन सब के निगरान हम ही थे तो अल्लाह तला ने यह मिसाल बता दी शुक्र की ऐसे अल्लाह के नबी जिनको बेहतरीन नबूवत भी हासिल थी इल्म भी हासिल था और उनको बेहतरीन तरीके से दुनिया में तरक्की भी दी गई शुक्र का आपको इजहार इसमें नजर आता है अब आपको सबर की मिसाल अम्बिया की जिंदगी से दी जा रही है और यही होशमंदी और हुक्म और इल्म की नेमत हमने अयूब को दी थी याद करो जब उसने अपने रब को पुकारा कि मुझे बीमारी लग गई है और तू अरहमर राहमीन है हमने उसकी दुआ कबूल की और जो तकलीफ उसे थी उसको दूर कर दिया और सिर्फ उसके अहलोल ही को उसको नहीं दिए बल्कि उसके साथ उतने ही और भी दिए अपनी खास रहमत के तौर पर और इसलिए कि यह सबक हो इबादत गुजारों के लिए अल्लाह तला ने बता दिया कि अल्लाह ने अपने एक नबी को सबर के इम्तिहान में डाला था कहा जाता है कि इनके पास औलाद थी घर था मालो दौलत थी फिर अल्लाह तला ने इनको कोई स्किन डिजीज जो थी वो अल्लाह के हुक्म से इनको हो गई उसकी वजह से एक 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 करके सब इनके घर वाले इनको छोड़कर चले गए फिर अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने इनको शिफा दी उसके बाद अल्लाह ताला ने इनको बीबी बच्चे भी दिए और इनका माल और दौलत भी वापस आ गया और सबर के इम्तिहान में ये कामयाब हो गए यही नेमत इस्माइल और इदरीस और जिल को दी कि ये सब साबिर लोग थे उनको हमने अपनी रहमत में दाखिल किया कि वो में से थे अब यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र और मछली वाले को भी हमने नवाजा यानी यूनुस अलैहिस्सलाम याद करो जबकि वो बिगड़ कर चला गया था और समझा था कि हम उस पर गिरफ्त ना करेंगे आखिर को उसने तारीखियों में से पुकारा यूनुस सलाम से खता हो गई थी अपने रब का हुक्म आने से पहले ही अपनी बस्ती को छोड़कर चले गए थे लेकिन अल्लाह ताला ने फिर उन पर आजमाइश डाली उन्होंने माफी मांगी और फिर उनकी कौम की माफी भी कबूल हुई अल्लाह ने उनको आजमाइश में डाला जो जो गलती करे और अल्लाह उसकी गलती पर उसको पकड़ ले समझ लें कि अल्लाह ताला ने उसकी इस्लाह का मामला जो है उसके सामने कर दिया है इसलिए कि जिसके दर्जे हैं सिवा उसके सिवा मुश्किल है जिसको अल्लाह ताला दर्जात में बुलंदी देते हैं उस पर आजमाशें आती हैं तो अगर आपको अपनी जिंदगी में टर, ट्रायल्स नजर आती हैं, आजमाइशें नजर आती हैं तो घबराएं नहीं अल्लाह आपके दर्जात में बुलंदी कर रहा है उसने तारीखियों में से पुकारा क्या पुकारा तारीखियों में से पुकारा फनाद फिजुलुमात अल्लाह अलाह अल्लाह अंत सुबह न कामीन नहीं है कोई खुदा मगर तू पाक है तेरी जात बेश मैंने कसूर किया है उन्होंने कहा मुझसे गलती हुई है अब ये बताएं यूनुस सलाम के लिए यहाँ पर ये आई जिसको आप आयत करीमा कहते हैं इस आयत करीमा के लिए यहाँ पर ये आया कि यूनुस सलाम ने इसको कितनी मरतबा पढ़ा हमें नहीं मालूम एक दफा पढ़ा दस दफा पढ़ा या सौ दफा पढ़ा यूनुस पड़ा सलाम कहा है जिस वक्त उन्होंने ये कलमा पढ़ा मछली के पेट में थे जिस वक्त उन्होंने कलमा पढ़ा था तो उनके साथ कितने लोग थे अकेले थे तो आयत करीमा अकेले पढ़ते हैं आयत करीमा कुरान की आयतें 6000 अराउंड 6000 के करीब हैं 6000 कुछ आते हैं है कुरान थाउजेंड आयत हम उससे भी आगे बढ़ गए हम कहते हैं हम आयत करीमा का खत्म करेंगे और कितनी दफा पढ़ते हैं सवा लाख दफा सवा लाख दफा पढ़ते हैं ना सोचे अल्लाह के रसूल जिनके ऊपर ये मुश्किल आई और उन्होंने इस कलमे को पढ़ा और अल्लाह ने उनकी मुश्किल को टाला हो सकता है उन्होंने ये कलमा एक ही दफा पढ़ा हो दिल से पढ़ा हो गाफिल दिल से ना पढ़ा हो अल्लाह की मोहब्बत में पढ़ा हो अल्लाह ने सुन ली पुकार अल्लाह ने मछली के पेट से बाहर उनको निकाल लिया वो साहिल पर आ गए हम आयत करीमा का खत्म जो करते हैं इसका सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं है किसी नबी की सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं है कहीं से दलील नहीं मिलती की जब आपके घर में कोई मुश्किल आ रही हो कोई परेशानी के हालात हो तो आप आयत करीमा का खत्म कराये और आयत करीमा का खत्म भी कैसे होता है सवा लाख दफा पढ़ना आसान काम है सवा लाख काउंटिंग इतनी मुश्किल चीज है बहुत मुश्किल चीज है कहा कि यह कहना कि हम दस औरतें इकट्ठे हो गए या पंद्रह औरतें इकट्ठे होकर ये काम करेंगे हमारा मिजाज ये हो गया है कि हम क्वांटिटी से नाउजिल्ला अल्लाह को प्रेशराइज करना चाहते हैं अब जिसके कान पर पहुंच जाए अब वो इसका हिस्सा ना बने और दस अंदाज हो सकते हैं कि लोग आपसे कहें कि पहले आयत करीमा का खत्म होगा उसके बाद दर्श होगा तो तुम आ जाना दर्स सुनने आ जाना तुम आप उसमें अपना हेड काउंट ना दें उस हिस्से के अंदर अपना हिस्सा मत डालें जिस चीज की सनद आपको इस्लाम से भी नहीं मिलती किसी सुन्नत से नहीं मिलती किसी नबी से नहीं मिलती किसी सहाबी से नहीं मिलती अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने आपको और मुझे दुआएं सिखाई हैं, जिन चीज के अंदर अल्लाह के रसूल ने नंबर बताया है उन दुआओं को हम नंबर के साथ पढ़े आपको और मुझे कहा गया सुबह में तीन मरतबा अउब कलीमात लाही पढ़ो तीन मरतबा बिस्मिल्ला इसमें ही पढ़ो ये कहा गया तीन मरतबा कुल्लू वल्ला पढ़ो तीन मरतबा क्लाउ बब्बुल फलक पढ़ो तीन मरतबा कुल्लाउी रब्बिन नाज पढ़ो इसी तरह शाम में अल्लाह के रसूल ने क्वान्टिटी बता दी जिन चीज़ों की क्वांटिटी अल्लाह के रसूल ने बताई है सल्लाम उनको क्वाटिटी के साथ ले लें बाकी जहाँ नहीं बताया गया उसमें अपनी पसंद की क्वांटिटी नाम है और आप लगा लें ये दीन के अंदर नई चीजें निकालना हो जाएगा और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिसने दीन में कोई नई चीज तलाश की वो हम में से नहीं है फलई समिनना वो हम में से नहीं है उसकी वो चीज रद्द की हुई है जो दीन में नई चीजें इजाद कर ले तो अपने माशरे के अंदर लोगों के अंदर आपको इस अवेयरनेस को फैलाना है और अवेयरनेस फैलाने का तरीका यही होता है कि जब आप लोग आपको इनवाइट करें आप ये ना कहें मैं मसरूफ हूं मेरे सर में दर्द है मुझे बेटी को ट्यूशन से लेने जाना है मैं अपने हस्बैंड के साथ कहीं जा रही हूँ बल्कि वाजह तौर पर बता दीजिए ये चीज इस्लाम का हिस्सा नहीं है तो मैं इसके अंदर अपना हिस्सा नहीं डालूंगी आप भी इस चीज को ऐसे ना करें अगर आपको लग रहा है कोई मुश्किल आ रही है आप अपनी तरफ से इसकी तस्वीर करती रहिए और जब आप तस्वीर करते हैं ला इलाह अंता इन्नी सुबहाना का ला इलाह इलांता सुबहाना का इन्नी कुन तू, कुन तू का मतलब है मैं अगर तेज पढ़ते पढ़ते कह दिया कुंता तो क्या मतलब होगा नवजुबिल्ला अल्लाह तू ज़ालिम है कितनी बड़ी गलती हो सकती है और जब हम ये इस तरह की तस्वीर हाथ पढ़ रहे होते हैं और साथ साथ हमारे जहन चल रहे होते हैं हम एक दूसरे के कपड़े देख रहे होते हैं एक दूसरे का मेकअप देख रहे होते हैं एक दूसरे की ज्वेलरी देख रहे होते हैं जो क्रॉकरी उस हॉल के अंदर लाई जाती है उसको देख रहे होते हैं जो थीम सेलेक्ट की जाती है उसको देख रहे होते हैं तो हमारा जहन फिर उस वक्त उस तस्वीर के प्रोनसीशन के ऊपर नहीं जाता इन्नी कु है बेशक मैं जालिम हूं। इन्नी कुंता नहीं है एक जबर जेर पेश की गलती जो है वो मीनिंग्स को बदल देती है उन्होंने ये पढ़ा अल्लाह ने कहा फस्ता जब ना लाहू ना हो मिनल ग तब हमने उसकी दुआ कबूल की और गम से उसको निजात बख्शी इसी तरह हम मोमिनों को बचा लिया करते हैं हम कहते हैं वो तो अल्लाह के नबी थे भाई जारी बात है उन्होंने एक दफा पढ़ा तो उनको बचा लिया हमें क्या करना चाहिए हमें भी उन्हीं के तरीके पर चलना चाहिए उन्हीं के तरीके को मुझे और आपको फॉलो करना चाहिए जब तड़प कर दिल की पुकार के साथ अल्लाह को पुकारेंगे तो अल्लाह ताला मुझे और आपको इनशाला जरूर देगा जो मैं और आप अल्लाह से मांग रहे हैं नबियों के रास्ते पर चलेंगे तो आपकी और मेरे लिए आसानियां आएंगी तंगियां नहीं आएंगी खुशु अहम है किसी भी तस्वीर को पढ़ते हुए खुशु अहम है आपको मुश्किल आई है घर में चलते फिरते उठते बैठते तादाद फिक्स किए बगैर आप ये कलमा पढ़ती रही अल्लाह ताला ज़िंदगी से उस मुश्किल को दूर कर देंगे और जकरिया को जबकि उसने अपने रब को पुकारा परवरदिगार मुझे अकेला ना छोड़ और बेहतरीन वारिस तो तू ही है बस हमने उसकी दुआ कबूल की और उसे याहिया अता किया और उसकी बीवी को उसके लिए दुरुस्त कर दिया ये लोग नेकी के कामों में दौड़ धूप करते थे और हमें रगबत और खौफ के साथ पुकारते थे और हमारे आगे झुके हुए थे तो झुक कर दुआ करेंगे तो जरूर कबूल होगी हम आज दुआ की रूह से गाफिल है हमने अल्लाह को पहचान लिया मगर अल्लाह के हक को नहीं पहचाना झुक कर उसके साथ दुआ करें अपने आप को कुरान के अमल में लेकर आए खशियत इलाही में लेकर आए फिर देखें आपकी दुआएं कैसे कबूल होती हैं अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहम आता है एक इंसान जो सफर करके जिसके पैर गर्द आलूद है वो हरम पहुंचता है खाना काबा पहुंचता है और वो कपड़ा पकड़ पकड़ के खिलाफे काबा पकड़ पकड़ के अल्लाह से दुआ करता है लेकिन अल्लाह उसकी दुआ कैसे कबूल करे इसलिए कि जो उसने पहना वो हराम का जो उसने खाया वो हराम का अल्लाह उसकी पुकार कैसे सुनेगा तो अपने घरों के अंदर से हराम कमाई को भी अगर हम निकालेंगे तो इनशाला हमारी दुआएं कबूल होने लग जाएंगी। और वो खातून यानी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम जिसने अपनी इसमत की हिफाजत की थी हमने उसके अंदर अपनी रूह से फूका और उसे और उसके बेटे को दुनिया भर के लिए निशानी बना दिया ये तुम्हारी उम्मत हकीकत में एक ही उम्मत है और मैं तुम्हारा रब हूँ फा अबू नही बस तुम मेरी इबादत करो मगर ये लोगों की कारस्तानी है कि उन्होंने आपस में अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर डाला सबको हमारी तरफ पलटना है जो नेक अमल करेगा इस हाल में कि वो मोमिन हो तो उसके काम की नकदरी ना होगी और उसे हम लिख रहे हैं कोई अमले सवाल कब होता है सबसे पहले अमल का इरादा इंटेंशन आपकी फिर उस अमल के आपको इनग्रीडियंट्स चाहिए कि वो आप अमल कैसे करेंगे और तीसरा आप उसको फॉलो जब करेंगी तो अपने इंग्रेडिएंट से रेसिपी को फॉलो करेंगी तब आपका अमले सौले बनेगा जैसे आप खाना पकाती हैं इसी तरह आपको अपने अमले सौले को भी अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल बनाने के लिए मेहनत करनी होगी आप मिसाल के तौर पर इरादा करें कि आज मैं बिरयानी बनाऊंगी और इंग्रेडिएंट्स डाल दें कोरमे के और तवक्को करें कि जो बनकर पतीली में से निकलेगा वो बिरयानी होगी ऐसा हो सकता है मैंने पास्ता के इंग्रेडिएंट्स ओवन में डाल दिए और मैं इंतजार कर रही हूँ कि मेरा पिज्जा कब तैयार होगा मेरा पिज्जा कब तैयार होगा पास्ता जो है मेरा वो पिज्जा में बदल जाएगा नहीं तो अल्लाह के खातिर अमल करना खुलूस के साथ नियत को अल्लाह के लिए खालिश रखना फिर जिस तरीका कार को अपनाना वो तरीका सुन्नत के मुताबिक होना और अमल के अंदर अल्लाह से दुआ करते हुए कि अल्लाह इसको कबूल कर ले इस आजजी के साथ उस अमल को कर जाना अगर और मुमकिन नहीं है कि जिस बस्ती को हमने हलाक कर दिया हो वो फिर पलट सके यहाँ तक कि जब याजूज़ माजूज मा खोल दिए जाएंगे और हर बुलंदी से वो निकल पड़ेंगे और वादे बरहक के पूरा होने का वक्त करीब आ लगेगा तो यकयक यक इन लोगों के दीदे फटे के फटे रह जाएंगे जिन्होंने कुफुर किया था कहेंगे हमारी कम बख्ती हम इस चीज की तरफ से गफलत में पड़े हुए थे बल्कि हम खताकार थे बेशक तुम और तुम्हारे वो मबूद जिन्हें अल्लाह को छोड़कर तुम पूछते हो जहन्नुम का ईंधन है वहीं तुम सबको जाना है बता दिया गया वही मबूद जिनको तुम पूछते हो और वो मबूद जिन्होंने खुद कि उनको पूजा जाए वो माबूद नहीं जिनकी मर्जी के खिलाफ उनको खुदा बना लिया गया और लोगों ने उनको पूजा जैसे ईसा सलाम ईसा सलाम को अल्लाहबिल्ला इस कैटेगरी में शामिल नहीं किया जाएगा इसलिए कि वो तो एलान बरात कर देंगे कि अल्लाह मैंने इनको नहीं कहा था इस कौम को कि ये मुझे और मेरी माँ को जो है इस कैटेगरी पर लेकर आ जाएं अगर ये वाकई खुदा होते तो वहां ना जाते अब सबको हमेशा इसी में रहना है लाहुम फी हा जफीर जफी वाहुम फी हालासमा वहां वो फुनकारें मारेंगे और हाल ये होगा कि उसमें कान पड़ी आवाज सुनाई ना दे रही होगी फुनकारे मारेंगे अभी पिछले दिनों जो गर्मी पड़ रही थी उस गर्मी में आप अगर बगैर एसी के कमरे में थे तो बिल्कुल वही हालत हमारी हो रही थी भुंकारें मारने वाली अपनी सांस भी गर्म लग रही थी पंखे की हवा लग रहा था हीटर की हवा चल रही है आप बिस्तर पर बैठे तो बिस्तर गर्म आप दीवार को हाथ लगाए तो दीवार गर्म और ऐसे लग रहा था कमरे के अंदर हीटर ऑन किया हुआ है ऐसी गर्मी थी और ये क्या टेम्परेचर था मेरा ख्याल सिर्फ फोर्टी तक गया है फोर्टी फाइव तक गया और जो टेम्परेचर जहन्नुम का होगा कुछ हमें अंदाजा है और क्या कहा कि वहां उन, उनको कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे इतना शोर होगा जहन्नुम के अंदर इसलिए कि एक दूसरे पर लान तान कर रहे होंगे एक दूसरे को जो तकलीफ मिल रही होगी उसका शोर होगा जो जल रहे होंगे उसका शोर होगा जो स्किन के ऊपर तकलीफ सेंसिटिविटी महसूस हो रही होगी उसके ऊपर जो चीखो पुकार होगी उसका शोर होगा रहे वो लोग जिनके लिए हमारी तरफ से भलाई का पहले ही फैसला हो चुका होगा तो वो यकीन इससे दूर रखे जाएंगे अल्लाह हमें इन सब में शामिल करे उसकी सरसराहट तक ना सुनेंगे और वो हमेशा हमेशा अपनी मन भाती चीजों के दरमियान रहेंगे वो इंतहाई घबराहट का वक्त उनको जरा परेशान ना करेगा और मलाइका बढ़कर उनको हाथों हाथ लेंगे ये तुम्हारा वही हाद योमल तुम तू तु अद ये वही तुम्हारा दिन है जिसका तुमसे वादा किया जाता था कुन तुम अदून तु तुमसे वादा किया जाता रहता था बार बार वादा कैसे किया जाता था तुम जब-जब कुरान पढ़ते थे तुम्हें वादा सुनाई देता था तुम जब जब कुरान पर अपना अप पढ़ने के लिए अपना फोकस रखते थे तुमको अल्लाह का एक वादा मिल जाता था रसूल का वादा मिल जाता था इसलिए यहाँ पर ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल हुआ यऊ मना तुस् समा एक तो सिजल, सिजली, सिजली कुतुब। वो दिन जबकि आसमान को हम यूं लपेट कर रख देंगे जैसे तुमार में और लपेट दिए जाते हैं बता दिया गया और ये भी साइंस बता बता चुकी है अगर इसको साइंटिफिक एंगल से देखा जाए कि यूनिवर्स जो है वो आज एक्सपेंड हो रही है एक टाइम आएगा कॉन्ट्रैक्ट होगी और जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो क्या होगा कि एक दूसरे के ऊपर चीजें ओवरलैप करना शुरू कर देंगे आलम कयामत की अलामत होगी क्या होगा अल्लाह बेहतर जानता है लेकिन यहाँ ये यह बता दिया गया कि जिस तरह कोई इंतजाम किया जाता है और इस इंतजाम को फिर उसके बाद लपेट दिया जाता है ऐसे ही एक दिन अल्लाह ताला आसमान को भी लपेट देंगे जिस तरह पहले हमने तखलीक की इब्तदा की थी उसी तरह फिर हम उसका अदा करेंगे ये एक वादा है हमारे जिम्मे और ये काम बहरहाल हमें करना है जबूर में हम नसीहत के बाद लिख चुके हैं कि जमीन के वारिस हमारे नेक बंदे होंगे इसमें एक बड़ी खबर है इबादत गुजार लोगों के लिए ए नबी समा अरसलना कामीन हमने तुमको दुनिया वालों के लिए राहमत बनाकर भेजा है आप सल्हसम की शान में शानदार बात कह दी गई की हमने आपको दुनिया वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा है किस तरह से कि रह, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए काम हैं जो वो करेगा वो अपने दिन भर के मामूली कामों को नेक आमाल में कन्वर्ट कर लेगा अल्लाह के नबी की सुन्नत वो चीज है जो पीतल को सोने में कन्वर्ट कर देती है वही आपका और मेरा सोना जागना उठना बैठना खाना पीना आम काम अगर सुन्नत के मुताबिक करेंगे दुआएं पढ़कर करेंगे तो इनशा अल्लाह के हाँ ये आपकी और मेरे लिए आमाले साल हाँ बन जाएंगे। अल्लाह के रसूल वसल्लम ने फरमाया अल कासिबु हबीबाल हलाल कमाई कमाने वाला जो है वो अल्लाह का दोस्त है अल्लाह ने फरमाया अल्लाह के रसूल ने फरमाया निकाह मिन सुन्नति निकाह मेरी सुन्नत है तो ये सब काम जो इंसान करेगा चाहे बाहिर अपनी दुनियावी जरूरियात और ख्वाहिशात पूरी कर रहा है लेकिन अल्लाह उसको उसके लिए बायस रहमत बना देगा ये है अल्लाह के रसूल सल्लाह वसलम का बायस रहमत बनकर आना कायनात वालों के लिए उनसे कहो मेरे पास जो वही आती है वो ये है कि तुम्हारा खुदा सिर्फ एक खुदा है फिर क्या तुम उस फिर क्या तुम सारे एताज झुकाते हो हम कहें भला क्यों नहीं अल्लाह ताला हम अपना सारे एताज झुकाते हैं अगर वो मुंह फेरे तो कह दो कि मैंने अल एलान तुमको खबरदार कर दिया है अब ये मैं नहीं जानता कि वो चीज़ उसका तुमसे वादा किया जा रहा है करीब है या दूर अल्लाह वो बातें भी जानता है जो आवाज़ें बुलंद कही जाती है और वो भी जो तुम छुपा कर करते हो मैं ये नहीं और मैं तो ये समझता हूँ कि शायद ये देर तुम्हारे लिए एक फितना है और तुम्हें एक वक्त खास तक के लिए मजे करने का मौका दिया जा रहा है यानी बता दिया गया कि अल्लाह तुम्हें टाइम बार दे रहा है ताकि गलतियों पर माफी मांग लो और अल्लाह की तरफ पलट आओ और अपने अमाल के अंदर सुन्नतों को शामिल करके अपने लिए रेशो प्रपोषण अमले साले का जो है उसको बढ़ा लो आखिरकार रसूल अल्लाह ने कहा ए मेरे रब हक के साथ फैसला कर दे और लोगो तुम जो बातें बनाते हो उनके मुकाबले में हमारा रब रहमान ही हमारे लिए मददगार और सहारा है व रबान उलमस्तान अलाम तसीफुन जो बातें तुम बनाते हो तसीफून का मतलब होता है जो बातें तुम घटते हो तो आपको भी अपनी जिंदगी में जब मुश्किल आती हुई नजर आए अम्बिया की जो दुआएं आती है उनको अपनी जिंदगी में शामिल कर लें जब आपको लगे कि आपके लिए दुनिया में काम करना मुश्किल हो रहा है दीन पर चलना मुश्किल हो रहा है अपने आप को दीन पर कायम रखना मुश्किल हो रहा है अम्बिया की बताई हुई दुआएं अपने अमल में ले आए रसूल अल्लाह की हर कदम की दुआ आपको और मुझे मिल जाती है एक एक जिंदगी गुजारने का मामूल आपका हमें मिल जाता है अल्लाह ताला मुझे और आपको पुरानी तमाम कौमों से इबरत हासिल करके अपने अमल की दुरुस्तगी की तौफीक अता फरमाए अल्लाह तमे इस किताब का हक अदा करने वाला बनाए और अल्लाह हमें तोफी दे के हम अपनी जिंदगी ऐसी वक्त निकालें और इस किताब को कुछ क्वालिटी टाइम दे सके अल्लाह तमाम बीमारों को शिफायकुल्ली अता फरमाए अल्लाह तमाम हाजरीन की जायज़ ख्वाहिशात को कबूल और मंजूर फरमाए और अल्लाह हमें इस जाते हुए रमजान में खूब इबादत करने वाला बनाए और अल्लाह हमें जब इस रमजान से निकाले तो अल्लाह हमें तमाम गुनाहों को बख्श के इस रमजान से निकालना बारा कल्लाकुम फिलकुरम व नफ़ा अनि वयाति विक्रिलहम सुबह नमा व बी हमदीका न शद अल्लाह अंता न सफ फिर का व नतूबु इलैक ये एक अनाउंसमेंट ये है कि आपसे बार बार कुरान की तालीम की बात होती है कि कुरान पढ़ें कुरान पढ़ें अपनी जिंदगियों में से कुरान के लिए वक्त निकालें और आप अपना थोड़ा सा वक्त जो है वो अल्लाह के लिए इस तरह वक्फ कर सकते हैं तो एक कोर्स है आपको सबको इसके बारे में इल्म होगा जो हमा नजमोल हसन कराते हैं हफ्ते में चार दिन होता है मंडे टू थर्सडे ये इनशाला सेवनटीन्थ नवम्बर से शुरू हो रहा है और अप्रोक्सीमेटली एटीन मंथस का होगा और इसमें टाइमिंग्स आपके होंगे एट से ट्वेल्व तक एक आपसे डेढ़ पौने दो साल का कोर्स है जिंदगी में एक दफा हिम्मत करके आप कुरान के सामने आकर बैठे हैं कवर टू कवर कुरान है इसके अंदर इसके अंदर अरेबिक ग्रामर भी है इसके अंदर तजवीद भी है कुरान किस तरह से ठीक तरह से पढ़ा जा सकता है इसके अंदर सीरा भी है इसके अंदर तस्किया भी है अरबिक कैलीग्राफी भी है टाइम मैनेजमेंट स्लीप मैनेजमेंट भी है और भी इसके अंदर जो किताबें हैं जो फिक की किताबें हैं किताबो सलाह है किताब किताब तहारा है किताबुल सौम है किताबुल हज है वो भी इसके अंदर शामिल है एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है अल्लाह ताला हम सबके वक्त में बरकत डाले देखिये हम जब बार बार आप लोगों को कुरान की तरफ आने का कह रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि जो ऑप्शन अवेलेबल हों हम वो आपके सामने जरूर रख दें तो आप में से जो जो लोग इंटरेस्टेड हों जो हफ्ते में चार दिन निकाल सकें कमिटमेंट कर सकें तो इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें इसके फ्लायर्स मैं यहां रख रही हूं आप में से जिसको चाहिए हो प्लीज ले लीजिए और सदका इजारिया है आगे पहुंचा दीजिए अगर आपको लगता है कि आप कोर्स कर चुकी हैं या आपको लगता है कि आपके पास इस वक्त टाइम नहीं है या कोई आपके पास पॉसिबिलिटी नहीं बन रही तो इस कार्ड को इस फ्लायर को लेकर इसको आगे पहुंचा दीजिए आपके लिए सदका एजारिया बन जाएगा जजाक लैर असलकम वरहत लि वरकू